Uh, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अगर हम लाइव है तो हम आगे बढ़ते हैं लेट्स लेट मी जस्ट चेक वेदर वी आर लाइव और नॉट सो दैट वी कैन स्टार्ट थिंग्स एक सेकंड जरा आई थिंक इट शुड बी लाइव स्टिल एक बार मैं देख लेता हूं लेक्चर इस्टार्ट तो यहाँ पे बता क्यों नहीं रहा है एक सेकेंड ये इधर क्यों नहीं आ रहा है लाइव हाँ या सो दट इज लाइव फॉरवर्ड करके आगे लेके जाते हैं यस सर इट इज लाइव गुड इवनिंग या एक बार सबसे एक बार मैं शेड्यूल शेयर कर लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ लेते देखो इंटर के लिए अपना शेड्यूल ये रहने वाला है आज दस तारीख के तो आज छह बजे बजेटरी कंट्रोल का जो भी होगा आज होगा अराउंड थ्री टू फोर आवर्स का होगा एंड वी विल कवर मेजर थिंग्स आई विल से मेजर थिंग्स ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड बट वी विल कवर मेजर थिंग जिससे आपका अच्छा वाला काम हो जाएगा देन हम शुरू करेंगे सर्विस कॉस्टिंग सो दिस इज देयर कैन टेक द स्क्रीन शॉट जिससे आपको पता चले दस तारीख को इलेवन को ट्वेल्थ को कितने बजे क्या क्या लेक्चर है आज का लेक्चर ही आपका सिक्स पी एम को होगा दट सेवाइज एवरी डे वी विल मीट टेन ए एम को क्या बात है समझा सबको यस yes, सर ओके okay, चलो सब लोग अपना अपना वीडियो जो भी सुन रहे हो फॉरवर्ड करके एंड तक लेके जाओ सो so दैट आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सको अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो वीडियो लेकिन थोड़ा पीछे देखते हो तो ऑलवेज फॉरवर्ड 1.5 पे देखने का वीडियो ऑटोमेटिक वो लाइव पे आते जाएगा कभी पीछे रहेगा तो ऑलवेज वॉच योर वीडियो एट वन तो लाइव के लिए बराबर टाइम पे आ जाता है ओके okay. नाउ ये समझाने के बाद जस्ट टू गिव यू द आइडिया माई नेम इज इ राहुल पंचाल एंड या इट इज लाइक यू आर अ स्टूडेंट तो यू आर सी ए वॉरियर

आपका सोल्यूशन बुक है आपके समरी नोट है और चीजें मैं अपडेट करते जाऊंगा यहां पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा आपको नोट्स का सब कुछ मिल जाएगा सारे क्वेश्चन लिए गए हैं ऑल क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आई हाईली रिकमेंड बजेटरी कंट्रोल का ये जो काफ एस इसका प्रिंट ले लो भाई सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के बट ढूंढने कौन बैठेगा दस पेज का है दस रुपया जाएगा ले लो ओके okay? चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस अभी अपन सब ठीक है थोड़ा बहुत इशू था ईयर्स में डॉक्टर का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन सो नाउ वी कैन स्टार्ट गाइज कैन वी स्टार्ट एक बार अगर सब रुको मैं मेरा वीडियो 1.5 पे करता हूं तो मैं लाइव आते रहूंगा हमेशा अगर पीछे गया वीडियो तो गलती से या सो एवरीबडी कैन लाइक द वीडियो वैसे अभी लाइक नहीं बोलना चाहिए पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं बाद में प्रमोशन वगैरह या चलो तो शुरू करते हैं सुनिएगा चैप्टर एवरीबडी इज देयर आई होप एक बार यस सर ओके चलो लेट स्टार्ट विद दिस इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद लेट स्टार्ट नाउ सो लेट स्टार्ट विद दिस अपना चैप्टर का नाम क्या है आप देख सकते हो सर चैप्टर का नाम है हमारा बजट एंड बजेटरी कंट्रोल ओके बहुत लोगों को इस चैप्टर में डिफिकल्टी आती है ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट बजट एंड बजेटरी कंट्रोल आरटीपी वगैरह कब होंगे बाद में पहले जो मिल रहा है उतना पढ़ लो समझ लो धीरे धीरे देखेंगे क्या हो सकता है ओके okay?

ये फिक्स और ये फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है थोड़ा समझा दीजिए चलो मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझाता हूं फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट आप मेरे साथ रफ में लिखते जाइएगा आपको हेल्प होते जाएगी सो जस्ट राइट डाउन बजट दैट इज बजे कंट्रोल अच्छा कुछ चीज है जो बेसिक सी है तो आई विल नेवर आस्क यू आई रिपीट अगेन आपका वीडियो 1.5 पे रखोगे तो आप हमेशा लाइव आते रहोगे मेरे साथ ओके okay. कभी कभी पीछे हो जाता है अपना वीडियो नाउ सर बजट की बात करते हैं बजट कब बनता है फर्स्ट डे पे बनता है बजट डन सर समझा अभी सुनो मैं है ना मैं मैं सोच रहा हूं मुझे किस कैपेसिटी पे काम करना चाहिए सर समझा नहीं सुनो इफ आई वर्क एट हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी आई कैन प्रोड्यूस वन लैख यूनिट्स ओके इफ आई सर वर्क एट एटी परसेंट कैपैसिटी आई कैन प्रोड्यूस एटी थाउजेंड एंड इफ आई वर्क एट सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी तो आई कैन प्रोड्यूस लेटर ये आपके यूनिट्स है आप इतना बना सकते हो अच्छा सुनो अब आगे के डेटा सुनो अभी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दिया जाएगा तीन तरह के कॉस्ट होते हैं सर तीन तरह के कॉस्ट बोले तो सर थोड़ा समझा दो ध्यान से सुनिएगा आई थिंक ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग क्लियर कुछ भी तकलीफ हो कुछ भी डाउट हो चैट बॉक्स में भेज दीजिए ओके इफ देर इज एनी डाउट कुछ ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं सुनो

कैन यू टेल मी अगर मैं वन लैखनिट्स बना दू अच्छा या तो ये वन लैख लेना थोड़ा गलत था रुको एक थोड़ा ऐसा ले लेते 50, रेंट is 50, रेंट 50, मेरे को क्वेश्चन मार्क है कितना होगा मेरा खर्चा कितना होगा इफ आई प्रोड्यूस वन लैख यूनिट्स मेरा खर्चा कितना होगा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए हेलो मेरा खर्चा कितना होगा सर फिक्स है हा कितना खर्चा होगा सर बता दीजिए हेलो एवरीबडी जस्ट लेट मी नो वट विल बी योर एक्सपेंस फॉर दैट मैटर सर पचास हजार ही होगा एक्जैक्टली exactly. सो so, ये आपने कैसे नोटिस किया देखो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया सर ये तो रेंट है अगर आप यूनिट्स बढ़ाओगे तो भी आपका खर्चा टोटल में नहीं बढ़ने वाला वो तो रेंट तो लैंडलॉर्ड को उतना ही देना रहा है ओनर को फिफ्टी थाउजेंड रेंट है इट डजेंट मैटर हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस दैट इज वाई इस कॉस्ट को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट सर फिक्स कॉस्ट को कुछ बताइए फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम होता है फिक्स कॉस्ट किस में सेम होता है टोटल में याद रखो फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम होता है ओके okay. चलो एक मैं दूसरा बात करता हूं मटेरियल कॉस्ट का या तो चलो मैं लेबर कॉस्ट की बात करता हूं मैंने वर्कर को हायर किया है और मैंने वर्कर को बोला मैं एक यूनिट दो रुपया देगा इट इज टू रुपीज पर यूनिट ओके okay. तो मैंने बोला तूने सिक्सटी थाउजेंड बना दिए तो तेरा कॉस्ट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड था तूने एटी बना दिया तेरा कॉस्ट वन लाख सिक्सटी थाउजेंड है अभी मुझे बताओ अगर 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 मैं एक लाख यूनिट बनाता हूं व्हाट विल बी माय लेबर का कॉस्ट व्हाट विल बी माय लेबर का कॉस्ट बताओ जरा इतना फटाफट जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी माय लेबर का कॉस्ट हेलो पानी हमेशा साइड में रखना पीने के लिए थोड़ा बेटर रहेगा बताओ एग्जैक्टली स्मार्ट स्टडी पॉइंट लाख बिकॉज आपका लेबर का खर्चा कितना है टू रुपीज पर यूनिट है राइट या रितेश नीरज राइट आंसर तो एक यूनिट का दो रुपया तो सिक्सटी के लिए इट मीन आप एक नोटिस करो जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ी वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ा देखो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा कि जैसे बढ़ा वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ सकता है अभी ना एक खर्चा है जो इन चीजों का मिक्स रहेगा जो रहेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट इट मींस आपको एक कंक्लूजन याद रखना है जो कॉस्ट जो कॉस्ट टोटल में सेम रहेगा वो फिक्स्ड है और जो कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगा वो वेरिएबल कॉस्ट है ओके okay, अभी एक और एग्जांपल लेता हूं ध्यान से जरा अभी तीसरे कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना अभी एक मैं खर्चा ले रहा हूं ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना मैं ना ऐसा लिख देता हूं यूनिट्स यहां पर सिक्सटी आ, यहां पे एटी थाउजेंड और इधर एक लाख रुपया ओके okay, सुनो अब ये खर्चे के दो पार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं ऐसा दो के बाद ऐसा इधर नीचे लिखता हूं टोटल कॉस्ट लेट्स सी एक सेकेंड दो लाख अब सुनना टू लैख सिक्सटी थाउजेंड सुनो अभी ध्यान से या तो रुको हां ठीक uh, रहेगा ये भी ठीक रहेगा सुनो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं अभी ध्यान से समझना मैं ये बोल रहा हूं देखो क्या ये कॉस्ट टोटल में सेम दिख रहा है नहीं सर यूनिट्स के बढ़ने से ये कॉस्ट बढ़ तो रहा है इट मींस ये कौन सा कॉस्ट नहीं है ये फिक्स कॉस्ट नहीं है हेलो ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है बिकॉज ये टोटल में सेम नहीं है बिकॉज यूनिट्स को मैंने चेंज किया तो कॉस्ट भी चेंज हो रहा है अच्छा एक काम करते इज दिस योर वेरिएबल कॉस्ट चलो चेक करते हैं एक यूनिट का कॉस्ट निकाल के सर एक यूनिट का कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा सर मेरा टोटल कॉस्ट टू लाख है कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट तो टू लैख डिवाइडेड बाय सिक्सटी थाउजेंड कितना आता है दो लाख का खर्चा डिवाइड बाय सी थाउजेंड एक यूनिट का थ्री पॉइंट थ्री थ्री है इधर करो मेरा टू लैख सिक्सटी थाउजेंड का खर्चा है डिवाइडेड बाय एटी थाउजेंड तो 260000 डिवाइड बाय 80000 अरे 3.25 क्या ये पर यूनिट में सेम दिख रहा है बिल्कुल नहीं सर ये पर यूनिट में सेम नहीं दिख रहा है मतलब ये आपका वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है तो अभी इसमें क्या करने का जरा ध्यान से समझना ध्यान से जब मैं मेरे यूनिट्स 20000 से इंक्रीज करता हूं हां सर जब मैं मेरे यूनिट्स 20000 से इंक्रीज करता हूं मेरा खर्चा सिक्सटी थाउजेंड से इंक्रीज हो जाता है ये कॉस्ट है ये क्वांटिटी है और ये कॉस्ट है यस सो एवरीबॉडी शुड नो दैट सर यूनिट्स के बढ़ने से कौन सा कॉस्ट बढ़ता है अरे यूनिट्स के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है वेरी एबल वेरी मतलब चेंज होना तो आई विल से एक चीज निकाल लेने का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और उसका फॉर्मूला रहेगा चेंज इन कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट है ना तो कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी दैट इज चेंज इन कॉस्ट अपऑन चेंज चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी तो सर मेरा खर्चा कितने से बढ़ गया साठ हजार से अच्छा माई कॉस्ट हेज इंक्रीज बाई सिक्सटी थाउजेंड वेन सर वेन आई हैव इंक्रीज माई आउटपुट मैंने मेरा आउटपुट ट्वेंटी थाउजेंड से इंक्रीज किया इट मीन सर साठ हजार का खर्चा ट्वेंटी थाउजेंड के लिए बढ़ता है तो एक यूनिट का थ्री रुपीज आ गया इट मींस एज एन व्हेन आई प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट्स तो कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा सर वेरिएबल तो बढ़ेगा ना यस yes. तो ये टोटल कॉस्ट के दो पार्ट करने का इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट जिसके दो पार्ट करने का एक variable और एक और फिक्स अभी समझो जैसे ही आपने ऐसा किया एवरीबॉडी दैट इज राइट आंसर मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं जस्ट टू सेव द टाइम ओके अब आपको क्या करना है अगर ये एक यूनिट का तीन रुपया है तो सिक्सटी के लिए कितना लगेगा सिक्सटी थाउजेंड इंटू थ्री वन लाख एटी थाउजेंड लगेगा सर एटी थाउजेंड के लिए कितना लगेगा एटी थाउजेंड इंटू थ्री परफेक्ट टू लाख फोर्टी थाउजेंड लगेगा समझ Done, sir, ,00 में आ गया सर और फिक्स को आप बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए डन सर अस टेक दिस एज बैलेंसिंग फिगर सर टोटल खर्चा टू लाख का जिसमें से वन लाख एटी थाउजेंड तो ये बोले तो ट्वेंटी थाउजेंड का बैलेंसिंग फिगर अभी इधर लेते हैं टू लैख सिक्सटी थाउजेंड या परफेक्ट देवेश एग्जैक्टली राइट आंसर अच्छा मुझे बताओ मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं मुझे लगता है आपको यह आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क अगर सर इफ आई प्रोड्यूस वन लैख यूनिट्स वॉट इज माई कॉस्ट इफ आई प्रोड्यूस वन लैख यूनिट्स वॉट इज माई कॉस्ट बताओ

नहीं पीती थ्री लाख नहीं देखो देखो सुनो मैं चलो समझाता हूं सुनो क्या होगा अभी परफेक्ट सर मैं बोलेगा, मैंने एक बनाया। अरे तो वन लाख इन टू थ्री तो थ्री लाख रुपीज लगता है ये और ये और सर ट्वेंटी है इसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट ओके अच्छा तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट अभी समझो एक्साम्पल बहुत सारे ऑटो रिक्शे का भाड़ा आप बैठे तो आपका ट्वेंटी या ट्वेंटी जो भी एक मीटर है वो फिक्स हो गया

इसमें जो आई लव वाला पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है इसमें कोई चेंज नहीं आता लेकिन अभी के जमाने में जो ये होता है उसमें और एक होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है चलो लेट्स गेट बैक टू द स्टडीज नाउ अभी क्वेश्चन शुरू करते छोटा सा कंसेप्ट समझा दिया गया है सर हाँ सर हमको समझ में भी आ गया कंसेप्ट शुरू करते क्वेश्चन से चलो नाउ वी गाना स्टार्ट विद क्वेश्चन सो लेट्स हैव लुक यहां पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं चलो हा ओके फेर इनफ सो चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर वन अगर आपको पता है मॉड्यूल में ये कहां पे है प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस क्वेश्चन नंबर वन अगर आपको पता है ये मॉड्यूल में कहां पे नहीं तो ठीक है यू कैन टेक द प्रिंट वैसा है एक्सपीरियंस है और नहीं एज सच बट चलो या yeah. ओके okay, चलो नाउ लेट स्टार्ट विद दिस लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर अगेन इट इज फ्रॉम द मॉड्यूल लेट स्टार्ट सो क्वेश्चन नंबर वन को शुरू करते हैं देखते हैं इसमें हाँ क्या दिया गया चलो क्वेश्चन नंबर वन वंस यू गेट द इलस्ट्रेशन नंबर यू कैन लेट वीनो अदरवाइज दैट इज क्वाइट ओके आपको प्रिंट लेना है दस रुपया जाएगा बस इतना तो दे सकते हैं भाई चलो सुनो एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है अच्छा ध्यान से पढ़ने का इट इज नॉट ए बी सी लिमिटेड ओके ऐसा पढ़ते लोग ए बी सी लिमिटेड नहीं इट इज ए बी सी लिमिटेड तो चलो अभी ध्यान देते हैं कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड ठीक है कंपनी के नाम से लेना देना नहीं है जो करंटली सेवेंटी फाइव परसेंट पे काम कर रहा है ओके सर और उसने पास्ट में सेवेंटी फिफ्टी फाइव और सिक्सटी फाइव पे भी कभी काम किया था तो तीन कैपेसिटीज दिए गए हैं एकदम अच्छे से ध्यान दो और एक चीज दी गई है कि वो करंटली है ना 75% परसेंट पे काम कर रहा है आप मुझे आंसर बता सकते हो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है एकदम इजी है अगर उसने जब 75% परसेंट पे काम किया था उसने 75,000 यूनिट्स बनाया था अरे सर ये तो बच्चों वाला है अगर 75% परसेंट पे 75,000 बनता होगा तो 65% परसेंट पे 65,000 यूनिट्स बनता होगा ओके और यह है आपका टी के फोर ये आपका टी वाई के फोर चलो तो सम्ड तो ये टी वाई के फोर चलो मैं लिख देता हूं टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर फोर है टी वाई के फोर चलो सो नाउ अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे यहां पे अगर आप देखोगे तो सेवेंटी फाइव परसेंट और इधर फिफ्टी फाइव परसेंट पे फिफ्टी फाइव थाउजेंड बन जाएगा ओके okay, सर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर इज ओके लाइक सिक्सटीन पॉइंट नाइन थ्री चलो ये भी लिख देते हैं सिक्सटीन पॉइंट नाइन ओके, काफी ऑड नंबर है चलो, देखते, अभी सुनिए, पे, अगर अभी हम यहां पे आते हैं, तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है सर क्वेश्चन में पूछा है अगर हम प्लान बना रहे हैं एटी फाइव परसेंट पे काम करने का देखो यहां पे लिखा गया है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एक होता है फिक्स बजट कि वो चेंज नहीं होता यूनिट्स के मतलब एक ही, एक ही मैं 80 पे ही काम करेगा इलास्टिकाइव परसेंट का इलास्टिक तो बजट बना के बताना है और बजट बनाना ही नहीं है सुनो उसके बाद हमें प्रॉफिट भी निकाल के देना है और कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल के देना है प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन वी है समझते सुनो सबसे पहले मेरा टास्क होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है ये हम ढूंढेंगे तो सुनो अभी मुझे बजट बनाना है अगर मैं 85 परसेंट पे काम करूं तो मैं 85,000 फाइव थाउजेंड यूनिट बनाऊंगा तो मेरे खर्चे कितने कितने होंगे ओके सर निकाल दिया जाएगा थोड़ा सा पानी पीने पीते रहने का तो कॉन्सेंट्रेशन अदर रहेगा अभी सुनिए इतना होने के बाद सर एक काम करते अभी अभी कुछ समझाया था। देखो मैं पूरा सोल्यूशन नहीं लिखा था थोड़ा ऐसा में करेंगे कि हो जाएगा। सुनो फिक्स में तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है Hello, you, से कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है तो आप मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाला है देखो जरा नोटिस करना ध्यान से अगर मैं एडमिन की बात करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन या तो चलो कलर ले लेते हैं अगर मैं फैक्ट्री ओर की बात करता हूं मैं सेलिंग की बात करता हूं और एडमिन ओवर की तो देखो अरे तो अलग अलग है रुको आ, ओके सुनो एकदम प्योर फिक्स कौन सा दिख रहा है एडमिन वाला आपको दिखता है क्यों फिक्सड है बिकॉज अरे सर वन सिक्सटी वन सिक्सटी वन सिक्सटी तो इधर भी वन सिक्सटी ही आएगा एडमिन फिक्स्ड है बिकॉज वो टोटल में दिख रहा है सेम तो सबसे पहले मैंने क्या किया ऐसा वर्किंग नोट बना देने का ये आप अच्छे से तुम एग्जाम में बनाने का ऐसा क्लासिफिकेशन तो कौन सा कॉस्ट आपका सबसे पहले फिक्स्ड है वो मैंने निकाल लिया तो सबसे पहला मैंने निकाला कि फिक्स कॉस्ट कौन सा है देखो सबसे पहले मैंने ये निकाला कि विच वन इज फिक्स कॉस्ट जो किसमें सेम रहेगा टोटल में और ऐसा एक ही है एडमिनिस्ट्रेशन हेलो न राइट इट डाउन सर एक ही खर्चा है एडमिन और जो टोटल में कितना है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड डन सर अच्छा अभी मुझे ढूंढना है वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा किस में होता है सेम पर यूनिट में तो चलो हम पर यूनिट निकालेंगे हर एक का और जिसमें वो सेम दिखेगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हाँ सर सर बराबर है चलो नाउ सुनो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे सर एक काम करो पर यूनिट निकालो अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट देता है देखो फटाफट आपका पर यूनिट निकल जाएगा कैसे करने का करके सुनो लसिप है कैलसीप है ऐसा करने का इलेवन लाख टाइप करो मैं जैसे बोलता है इलेवन लाख डिवाइडेड बाय फिफ्टी फाइव थाउजेंड टाइप करो करो इलेवन लाख का खर्चा डिवाइडेड बाय फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो जैसे ही किया मेरा आंसर ट्वेंटी आया इधर इधर मेरा आंसर ट्वेंटी आया पहले वाले का सीपीयू अच्छा सर दूसरे वाले का फिर दूसरे वाले का करना है ना तो मैंने इलेवन लैक बाई फिफ्टी फाइव थाउजेंड किया तो आंसर आ गया अभी जस्ट प्रेस लैक फिफ्टी थाउजेंड एंड इक्वल टू

थ्री लाख ट्वेंटी क्या आ रहा है एट uh, टू आ रहा है अच्छा एक काम करो दूसरे वाले का निकालो बस दो का ही निकालना है अगर दो में सेम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है चलो दूसरे वाले का भी थर्टीन लाख थाउजेंड कितना जाता है ट्वेंटी बाई उससे डिवाइड करू तो टेन थ्री लाख थर्टी थाउजेंड कुछ तो अलग ही आ रहा है तो मेरे को जरूरत ही नहीं है फाइव पॉइंट जीरो सेवन जीरो 3, 60, 000, uh, 54, ऐसा तो okay, अंडरस्टैंडेबल लगता है कि दो कॉस्ट जो मुझे सेम दिख रहे हैं ट्वेंटी 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 किसी का भी आप ले सकते थे मैंने पहले दो वाले का ले लिया आप चाहिए तो सेवेंटी फाइव वाले का भी निकाल के देखो जरूरत नहीं है दो निकाला काफी है तो सुनो मुझे दो कॉस्ट पर यूनिट में सेम दिखे वो कौन सा है वेरिएबल कॉस्ट तो मैं इधर आ जाता हूं वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा कौन सा है डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है और वो कितना कितना है अगर मैं नोटिस करूं तो ट्वेंटी एंड टेन पर यूनिट ये यूनिटी पर यूनिट है और ये टेन पर यूनिट है तो सर बचा हुआ कॉस्ट क्या है बचा हुआ कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट बचा हुआ आपका कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट आल्सो सुनो अभी मैं पहले वाले की अभी इसमें तीसरा बात करता हूं एक सेपरेट वर्किंग बना सकते हो कि आपका बचा हुआ जो है ये आपका है अभी, बचा हुआ जो, दो बच है, तो आप अगर ये दोनों की बात करोगे फैक्ट्री एंड सेलिंग वाला तो देखो ये क्या टोटल में सेम दिख रहा है क्या नहीं ये पर यूनिट में भी सेम नहीं दिख रहा मतलब ये है. अभी देखो इसको कैसे निकालने का ये दोनों को देखिएगा हाँ, तो नाउ इफ इट इज सेमी वेरिएबल हाउ यू कैन डू इट इज आपका फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैं एक बता देता हूं दूसरा आपसे वो हो जाएगा मैनेजेबल होगा सुनो जरा आई आई दिस दिस इट इज सेमी वेरिएबल मैं इसका एक और एक और अलग वर्किंग नोट ही बना देता हूं अगर ये सेमी वेरिएबल है तो तो अभी सेमी वेरिएबल में दो दो है पहला फैक्ट्री ओवरहेड सुनना सबसे पहला आपका क्या है फैक्ट्री ओवरहेड देखो मैं इसमें कैसे निकालता है आंसर आई विल से लाइक दिस पर्टिक्युलर कोई भी दो कैपेसिटी ले लेता हूँ चलो पहला ही लेता हूँ अगर मैं फिफ्टी फाइव पे काम करता हूं और मैं सिक्सटी फाइव पे काम करता हूं तो सुनो मेरा खर्चा कितना कितना होता है एक खर्चा इसमें से वेरिएबल होगा एक खर्चा फिक्स्ड होगा और ये टोटल दैट्स इट इज सेमी वेरिएबल है ना तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा कितना होता है तो देखो आप नोटिस करिए फैक्ट्री ओवरहेड थ्री टेन एंड थ्री थर्टी थ्री टेन एंड थ्री थर्टी यहां पर थ्री टेन है और यहां पे थ्री थर्टी है प्लीज अंडरस्टैंड तो एक बार ये ऐसे बता देता हूं सो दैट यू विल कम टू नो देखो थ्री टेन एंड थ्री थर्टी है आपका वो थ्री टेन एंड थ्री थर्टी है डन सर राहुल ट्रिक समझ में नहीं आ रही कौन सा वाला डिवाइड करने वाला कौन सा ट्रिक आप इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिएगा दैट इज क्वाइट ओके मैं बस ये बोल रहा था सीपीयू यू क्या आपने क्वाशीट नहीं देखा है क्या आई थिंक क्वेश्चि में मैंने बताया था क्वाट एक बार देख लीजिएगा ट्रिक आप इंडिविजुअली निकाल लो तो भी चल जाएगा डो नॉट वरी अबाउट दैट सुनो अब मैं क्या बोलता हूँ आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दे सकते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हाँ सर चेंज इधर कितना है चेंज इधर कितना है तो अगर मैं ये टेन थाउजेंड से बढ़ाता हूँ तो मेरा खर्चा ट्वेंटी थाउजेंड से बढ़ता है टेन थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी थाउजेंड मत करो हेलो ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई टेन थाउजेंड होगा हेलो आपका so, आंसर कितना आएगा ट्वेंटी थाउजेंड बाई टेन थाउजेंड योर आंसर विल बी टू पर टू अंडरस्टैंडेबल है बिल्कुल सर understandable है आगे बढ़ते हैं Once you get एक यूनिट का इधर कितना आ जाएगा into two. ,000. ,000, uh, into two. That is और और आपका फिक्स वाला पोर्शन कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर या तो योर फिक्स पोर्शन विल बी थ्री लाख टेन थाउजेंड माइनस वन लाख टेन थाउजेंड इज एवरीबडी यू गॉट दू लाख रुपीजल और इधर थ्री लाख थर्टी थाउजेंड माइनस वन लाख थर्टी थाउजेंड ये आपको दो लाख रुपए का आंसर आ गया जो फिक्स है वो तो फिक्सड ही रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं अभी अगर आपके सामने एक और टास्क रखा जाए तो क्या ये आपसे हो पाएगा पहली बार इसलिए मैं करो बाद में मैं फटाफट कराएगा सुनो पहली बार इसलिए थोड़ा ऐसा शांति से समझा समझा के कर रहे है। सुनो दूसरा सेलिंग वाला ओवरहेड चलो सेलिंग ओवरहेड लिख देता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग ओवरहेड चलो सर सेलिंग ओवरहेड की बात करते हैं वापस पर्टिक्यूलर्स उसके बाद फिफ्टी फाइव थाउजेंड पे क्या खर्चा है सिक्सटी फाइव पे क्या है उस हिसाब से आंसर आ जाएगा देन लीव टू लाइंस ओके सर एंड देन यहां पे आ जाएगा आपका टोटल ओके वेरिएबल कॉस्ट हियर इज अ फिक्स कॉस्ट चलो अभी समझो मेरा खर्चा कितना है सेलिंग का एक जगह पे थ्री ट्वेंटी एक जगह पे थ्री सिक्सटी है थ्री ट्वेंटी एंड थ्री सिक्सटी ओके सर परफेक्ट थ्री ट्वेंटी एंड थ्री सिक्सटी जरा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा आई थिंक दैट इज मैनेजेबल मेरे को फिक्स वाला पोर्शन बता दो चलो वेरिएबल वाला फोर निकाल दिया स्मार्ट स्टडी लट्सी फोर ये शायद Uh, इधर से इधर जंप मारूँ और इधर से इधर जंप मारूँ तो क्या है तो सर अगर मेरे यूनिट्स दस हज़ार से बढ़ते हैं तो थ्री लाख सिक्सटी माइनस थ्री लैख ट्वेंटी तो मेरा खर्चा चालीस हज़ार से बढ़ता है तो दैट 40,000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड है डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड यूनिट्स तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ इक्वल टू फोर अगर एक यूनिट का फोर है तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड का कैसे आया मनमीत? आई थिंक इट इज फोर ध्यान से जरा। तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो तो टू लैख सिक्सटी एंड बैलेंसिंग फिगर इज योर वन लैक जो आपका आंसर आ जाएगा जो है आपका यहां पे फिक्स कॉस्ट ओके सुनो So, ये आपका एक लाख बन गया डांसर ये आपका एक लाख आ गया ओके okay. चलो सो हियर वी गो वी हैव गॉट दिस आंसर सुनिएगा सो यहां का आंसर अपना आ गया है अभी हम यहां से बढ़ते हैं आगे ये होने के बाद ये हो गया अपना आंसर फिक्स कॉस्ट का चलो अब सर करना क्या है अपने को तो पता चल गया सर इसमें से वेरिएबल पोर्शन कितना है फिक्स कितना है वेरिएबल फिक्स ये पता चल गया अभी हमें कुछ तो स्टेटमेंट बनाने को बोला है हा सर क्या स्टेटमेंट बनाने को बोला है हैव अ लुक क्या बनाने को बोला है? वॉट आप आपका प्रॉफिट कितना हुआ और आपका प्रॉफिट कितना हुआ और आपका कंट्रीब्यूशन कितना, कितना है और एक बजट बनाने बोला है। बजट मतलब टोटल कॉस्ट कितना लगा वगैरह वो सब निकालने मैनेजेबल है आपने पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं फिर ये दूसरी सारी चीजें बात करते हैं कॉस्ट की बात करते हैं सुनो अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं मैं मैं पहले लिख देता हूं हूं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बजट बजट हेडिंग थोड़ा सा रफ में लिखा रहा हूं। आपको अच्छे वाले सोल्यूशन यहां पे आपके पास है पीडीएफ अवेलेबल होगा सुनो अभी यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कॉस्ट आएगा चलो पहले भी, आ, किसी को भी लिख सकते हो अब फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल आपको जो लिखना है यू कैन राइट इट डाउन अब यहां पे हम एक काम करते हैं चलो पहले वेरिएबल से ही शुरू करते हैं पहले वेरिएबल कॉस्ट जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा कौन सा कॉस्ट आएगा दो कॉस्ट आएंगे एक आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल एक रहेगा आपका डायरेक्ट लेबर एंड मटीरियल सुनते जाओ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ट्वेंटी एंड टेन ऐसा ब्रैकेट में लिखो ट्वेंटी एंड टेन पर यूनिट है ये ये पर यूनिट है अच्छा सर लेकिन और भी तो वेरिएबल है कहां पे है सर और वेरिएबल अरे सर इधर देखो ना ये जो है ये जो दो खर्चे हैं ये सेमी है तो इसके भी दो पार्ट होएंगे, एक वेरिएबल होगा और एक फिक्स होगा एक, होगा और एक होगा। तो वाला भी तो होगा ना इसमेंड तो भी आएगा फिक्स कॉस्ट तो सर फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है देखो सर सबसे पहले हमें लिखना है एडमिन जो है वाला चाहिए तो और एडमिन वाले के बाद ये जो दो आ जाएंगे एक फैक्ट्री ओवरहेड के दो पार्ट हो जाएंगे सेलिंग और सेलिंग ओवरहेड अच्छा ये मुझे पता है ये वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है आपका एडमिन ब्रैकेट में ओके okay. चलो यहां तक आपको क्लियर है जो एडमिन वाला था और अभी ये फिक्स ओवरहेड्स के आपने दो पार्ट किए एक वेरिएबल पोर्शन एक फिक्स वो लिख देते हैं तो वेरिएबल पोर्शन पहले कॉपी कर लेते दोनों का वेरिएबल पोर्शन टू दिख रहा है और फोर दिख रहा है टू दिख रहा है और फोर दिख रहा है रिकमेंडेड है आप भी मेरे साथ रफ में लिखो प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ पे टू है और फोर है ये वेरिएबल पोर्शन है सर फिक्स वाला पोर्शन कितना है टू लाख है एंड वन लाख है अगर आप देखोगे टू लाख है एंड वन लाख है तो टू लाख एंड वन लाख डन नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो गलत होगा क्या नहीं आप जैसे भी फाइंड आउट करना है करो बट मैं एक ही चीज बता रहा हूं यहां पे कॉस्ट बढ़ने वाला है देखो इधर कुछ तो एक पैराग्राफ लेके पढ़ना है ये वाला कि आने वाले साल में क्या होने वाला है सुनो आने वाले साल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं सर चेंजेस में क्या होने वाला है आपका मटेरियल का कॉस्ट कॉस्ट लेबर का एंड से इंक्रीज होने वाला है एट एंड फाइव परसेंट से इट मींस अगर अभी मटेरियल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर अभी आपका मटेरियल बीस रुपए का है तो आगे जाके प्लस एट परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी रुपीज में नहीं मिलेगा ट्वेंटी तो का कॉस्ट आ जाएगा फिर वेरिएबल वाला फैक्ट्री यूनिट कितने से बढ़ेगा एट परसेंट से तो ये भी प्लस सॉरी से बढ़ेगा बोला फाइव परसेंट से तो प्लस फाइव परसेंट यह वेरिएबल कितने से बढ़ेगा एट परसेंट से तो प्लस एट परसेंट तुमको समझा क्या बोलने की कोशिश हो रही है और अगर वही मैं अगर फिक्स वाले की बात करूं देखो ये तीनों ये ये जो दोनों फिक्स है ये कितने से बढ़ेंगे मैंने गलती की है जरा सा ध्यान से मैंने पहले एडमिन लिखा तो पहले एडमिन का टेन परसेंट बढ़ा देता हूं सुनो जरा ध्यान से और फिर यह टेन फिफ्टी जरा सा ध्यान से प्लस फिफ्टीन परसेंट क्या आपको समझा आई हो आपको ये चीज क्लियर हुई परसेंटेज अच्छा अब समझ आ गया क्यों किया ये अब सुनो अब एक चीज और है ये तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का है और हमें बजट एटी फाइव परसेंट का बनाने का है मतलब हाउ मेनी यूनिट्स एटी फाइव थाउजेंड यूनिट हलो एटी फाइव थाउजेंड यूनिट सुनो तो ये एटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा और इधर इंटू करने की जरूरत नहीं है सर इधर इंटू करने की जरूरत क्यों नहीं है अच्छा आपको यह भी समझ में आता है इधर इंटू एटी फाइव थाउजेंड क्यों नहीं करना है बिकॉज ये वाला कॉस्ट पर यूनिट था हेलो ये वाला कॉस्ट पर यूनिट था और ये वाला कॉस्ट है वो टोटल में इनकर हो रहा है सर तो ऑलरेडी वो टोटल में है तो उसको वापस क्या इंटू करना अभी सुनो कैलसी पर आप ये करोगे तो आपके इजीली फटाफट आंसर आ जाएंगे देखते हैं जरा रुको फिर आगे से हम थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लेंगे बट अगर अभी मैं कैलसी लू तो 20 प्लस एट परसेंट इंटू एटी फाइव थाउजेंड 2 लाख 20 प्लस 20 प्लस 8 परसेंट इनटू 85,000 दैट इज़ दिस मच 1836 ट्रिपल जीरो. फटा फट कैलकुलेशन पे निकालो 10 प्लस 5 परसेंट इनटू 85,000 82 ये 8925 डबल जीरो. दें 2 प्लस 5 परसेंट इनटू 85,000. ट्राइ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग कैलकुलेशन्स दैट्स ओके आ

प्लीज अगर मैं कर रहा हूं तो अभी कैल्सिट में कुछ तो करिए यू शुड कम टू नो कि क्या ऐसे कुछ आंसर आ रहा है लाख प्लस आंसर अभी ओके okay, चलो अभी है ना, मुझे टोटल कॉस्ट निकालने का है टोटल कॉस्ट तो ये अपना बजट बन गया टोटल कॉस्ट बोलेगा तो ए प्लस बी जो आपका आंसर ए का आया है जो आपका आंसर बी का आया है टेक द टोटल थ्री टू सेवन फोर टू डबल जीरो प्लस फाइव वन 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 ट्रिपल जीरो ओके थ्री सेवन एट फाइव टू डबल जीरो क्या आपका आंसर यहां तक आता है हेलो ये बजट बन गया अपना फ्लेक्सिबल बजट वेरिएबल अलग निकालो फिक्स अलग निकालो

अभी मैं मार्केट में मटेरियल खरीदने जाता हूं हेलो अगर तू टोटल में करेगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा तेरा पर यूनिट का इफेक्ट नहीं आ पाएगा अभी आई एम नॉट गेटिंग इन मच डिटेल बट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर पर यूनिट यूनिट में में किया करो होता है और फिक्स कॉस्ट टोटल में किया करो तो आई एम नॉट टेकिंग दैट डाउट एज सच अभी के लिए uh, क्या दूसरे लोगों को भी पल्लो वाला डाउट है तो आई कैन इन्वेस्ट दैट मच टाइम दो चार मिनट का और इट्स क्लियर आई थिंक वी कैन स्टार्ट ऑलवेज आप ऐसे भी कर लेते तो चल जाता वैसे पल्लो कोई फर्क नहीं पड़ता यूड सेम आंसर की ट्वेंटी इंटू एटी फाइव थाउजेंड करता और प्लस एट परसेंट करता तो भी सेम आंसर आता है कैल्सिले करके देख वैसे ट्वेंटी इंटू एटी फाइव थाउजेंड कर प्लस एट परसेंट कर सिल यू विल गेट सेम आंसर कोई दिक्कत नहीं है उसमें वैसे फर्स्ट गेट इन द टोटल एंड देन गेट दंसर ओके चलो अभी सुनो ये आंसर आने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार पढ़ लेते हैं चलो सर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं सर बजट तो बना दिया बजट बनाने के बाद दे आर आस्किंग एस अटेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डन सर प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अभी मुझे सेल्स का डेटा वगैरह भी चाहिए रहेगा तो एक काम करते हैं आप चाहिए तो पहले प्रॉफिट जिससे भी आपको कैलकुलेट करना है अब फर्स्ट वी कैन गेट दी सी एक काम करते कॉस्ट निकाला है डी और ई इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेल्स आ जाएगा प्रॉफिट एड कर दो तो सेल्स आ जाएगा लेकिन सर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है कंपनी कितना प्रॉफिट ट्वेंटी डन सर अगर हम सेल्स वैल्यू पर ट्वेंटी चाहते हैं इट मीनस अगर मेरा सेल हंड्रेड है तो मैं हंड्रेड रुपीज के ऊपर ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं इट मीन माई कॉस्ट शुड बी एटी देन

उसका और भी डिटेल होता है बट वी जस्ट गेट टू द पॉइंट एज ऑफ नाउ नॉट इन मच ऐसा वाला अपन एकदम पॉइंट वाइज बात करते हैं अभी के लिए बट वेरिएबल कॉस्ट पर नेट इतना याद रखोगे दैट्स सफिशिएंट ओके यस पीपल ओके चलो या सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस तो इतना आंसर आने के बाद सर क्या हमने प्रॉफिट निकाल लिया यस सर वी हैव गॉट द प्रॉफिट सर प्रॉफिट के बाद क्या आएगा प्रॉफिट के बाद आएगा कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में समझाया जाएगा पर बींग इंटर के स्टूडेंट्स मुझे लगता है पहले इतना बोलो तो समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मेरे लिखने से पहले भेज सकते हो क्या माइनस क्या हेलो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सर या देवेश ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट करने का वो भी चल जाएगा दैट्स ओके okay. मेरा मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं है ना सर प्लीज इन इंग्लिश इट वुड बी डिफिकल्ट गोकुल लक्ष्मी बिकॉज ऑलरेडी इंग्लिश वाला लेक्चर अपलोडेड है

टू सेवन फोर टू डबल हंड्रेड सर एकदम ईजी सर परफेक्ट वन फोर फाइव सेवन थ्री डबल जीरो आई कैन सी मेनी आंसर सो याव गई कॉन्ट्रीब्यूशन ओके दैट इज वॉट वॉज आ क्वेश्चन अभी अपन थोड़ा स्पीड पकड़ने का ट्राई करेंगे बीइंग फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू गिव यू दी होल आइडिया की कैसे क्या होगा करके ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है अभी थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे तो ध्यान पूरा इधर होना चाहिए थोड़ा सा बिकॉज आई टू कवर मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स तो थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा उसके लिए या एंड यू शुड एग्री विद दैट नहीं समझा तो बोल देना नहीं समझ रहा अपन धीरे धीरे करेंगे ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं इसको कैलसी पे ही सीधा कर दिया जाएगा मॉड्यूल का ये छोटू सा क्वेश्चन है चलिएगा शुरू कर दे है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एक घंटे के बाद याद दिलाओ अपन थोड़ा वॉक कर लेंगे

सर फैक्ट्री इज एक्सपेक्टिंग टू ऑपरेट सेवन थाउजेंड आवर्स ओके एट सेवेंटी परसेंट एंड फर्निश ओके तो हम सेवेंटी परसेंट पे सात हजार घंटा काम करते हैं अरे ठीक है ना हमें बोला गया है हम अगर एटी परसेंट पे काम करेंगे नाइनटी परसेंट पे काम करेंगे और हंड्रेड परसेंट पे काम करेंगे तो क्या सीन होगा सर तो क्या सीन होगा चलो देखो मैं क्या बोलता हूं मतलब ऐसा कुछ बोलने का कोशिश किया जा रहा है ऐसा कुछ बोलने का कोशिश किया जा रहा है क्या है अगर मैं क्वेश्चन वन हो गया सुनो अभी ये वन हो गया अभी टू कि अगर मैं अब बस समझते जाओ अगर मैं सेवेंटी परसेंट पे काम करूं सेवेंटी परसेंट का तो दिया गया है और लिखना ही बेटर है रफ में दैट दैट इज समथिंग वुड बी क्वाइट क्विक या इलस्ट्रेशन नंबर वन इन द मॉड्यूल दिस इज इलेट्रेशन नंबर वन इलेट्रेशन नंबर वन ठीक है सुनो अभी यहां पे देखना मुझे 80 परसेंट नाइनटी परसेंट और 100 परसेंट पे काम करना है तो क्या क्या होगा आई कैन राइट इन दर ऑफ पर्टिकुलर्स देन सेवेंटी परसेंट पे मैं काम कर रहा हूँ अगर मैं एटी परसेंट पे काम करूँ नाइन्टी परसेंट पे काम करूँ और हंड्रेड परसेंट पे काम करूँ तो क्या क्या सीन होगा ये मुझे जानने का है डन सर चलो एक काम करते हैं अगर मैं इधर काम करूँ ऑबली इफ़ आई एम वर्किंग फॉर सेवन थाउजेंड आवर्स सेवेंटी परसेंट पे तो इधर इट विलउजेंड इट विल बी एट नाइन थाउजेंड एंड इट विल बी एट टेन थाउजेंड परफेक्ट आवर्स दीज आर आवर्स ओके चलो कौन से कौन से कॉस्ट है तीन कॉस्ट है सर एक एक करके चलो मैं पहले वेरिएबल लिख देता हूं फिर फिक्स से बात करेंगे फिर सेमी वेरिएबल से बात करेंगे चलो वेरी इजी सर वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है वन टू सिक्स जीरो बोल दिया है कैन वी गेट पर आवर का यू कैन ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई बट फर्स्ट गेट पर आवर का सर प्रॉफिट का परसेंटेज वाला आप करते उसमें सर प्रॉफिट का परसेंटेज वाला जो आप करते हैं यूज वर्किंग नोट करना है क्या लिखा वर्किंग नहीं है ऐसा आप बता दोगे चल जाएगा अंडरस्टैंड दिस सॉरी सर अटेंड नहीं कर रही तबियत खराब है या सपना दैट इज ओके बट डू वॉच द लाइव लेक्चर सपना ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं काम करता हूं मैं ना इसको इससे डिवाइड कर देता हूं कि मेरा वन टू सिक्स जीरो का खर्चा सेवन थाउजेंड आवर्स के लिए हो रहा है मतलब पर आवर के लिए पॉइंट वन एट हो रहा है पर आवर के लिए ओके, okay? मल्टीप्लाई। अगर मैं पे काम करूँ तो हंड्रेड ओके okay. तो ये आ गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट एनी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं सर समझ में आ जाता है अरे भाई फाइव पॉइंट फाइव ऐसे भी चलेगा अभिषेक दैट इज क्वाइट ओके डिवाइड बाई सेवेंटी करके जो भी है 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 ये आता है, सुनो सर फिक्स का क्या है अरे सर ये भी बताना पड़ेगा क्या है जो फिक्स है, है? 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 तो तो है ना ये थोड़ी चेंज होता है एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड लाइक यूर रेंट नो मैटर हाउ मेनी आवर्स यू वर्क हाउ मेनी यूनिट यू प्रोड्यूस तुम्हारा खर्चा एटीन हंड्रेड रहेगा ओके तो यूर कॉस्ट इज एटीन हंड्रेड विच इज फिक्स कॉस्ट डन सर थोड़ा और आगे सुनो सेमी वेरिएबल के लिए कुछ तो बोला है क्या बोला है देख लेते हैं सुनो एक लाइन दिया गया वेरिएबल एक्सपेंसेस गो सेन एंड नाइनटी परसेंट बिटवीन एटी फाइव एंड 90 परसेंट एक्टिविटी एंड बाय ट्वेंटी परसेंट परसेंट एक्टिविटी ये सर क्या बोले जा रहा है कुछ नहीं समझो सुनो टली हम यह बोला गया है अप अपटू एसेंट जीरो से लेके एसेंट तक आपका कॉस्ट कितना है सेमी वेरिएबल वाला बारह सो रुपया नाइनटी के बीच में काम करता हूं इट इज लाइक आई हैव वन मशीनरी जिसका रेंट देता हूं बारह सौ रुपया ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज आई पे फॉर वन मशीनरी बट इफ आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर आई विल हैव टू हायर वन मोर मशीनरी वो बना के देगा तो so, 85 परसेंट से 95 परसेंट के बीच में अगर मैं आता हूं तो माई कॉस्ट विल इंक्रीज बाई टेन परसेंट इट मीन ट्री टू जीरो से बढ़ेगा कब बढ़ेगा अगर मैं नाइनटी फाइव के अब पे काम करता हूँ तो अगर मैं ग्रेटर देन नाइनटी फाइव परसेंट पे काम करता हूँ या परफेक्ट या नीरज exactly, क्या ये तुम्हारे भेजे में गया अगर मैं 85 तक काम कर रहा हूं तो मेरा कॉस्ट मैं 85 से के 95 के बीच में आता हूँ टेन दैट इज समथिंग अंडरस्टैंडेबल समझ में आने लायक बात है तो जब हम सेवेंटी परसेंट पे काम कर रहे हैं ये यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड वाला कॉस्ट जब मैं एटी पे भी काम कर रहा हूं तो ट्वेल हंड्रेड आ जाएगा जब मैं नाइन पे हूं और हंड्रेड परसेंट मतलब 95%, 1440. गया भेजे में या शुभम चलो थैंक यू सो मच ओके सो आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है अभी है ना कुछ छोटी मोटी चीजें मैं अवॉइड कर देता हूं ये अभी तुमको आता है अभी तुमको क्या करना होगा इसका टोटल और टोटल करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स कर देने हैं डेटा है तो तो आपको कॉस्ट पर आवर आ जाएगा अब ये इजी है इसकी एक, एक दो मिनट अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करते ये आप कर लोगे ये टोटल करना है जैसे अगर मैं पहला करूं वन टू सिक्स जीरो प्लस एटीन हंड्रेड प्लस बारह सो मैस्ट इज फोर टू सिक्स जीरोड बाई हाउ मेनी आवर्स थाउजेंड आवर्स तो डिवाइडेड बाई सेवन थाउजेंड आवर्स एंड यू गना गेट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो अगर आंसर चाहिए परफेक्ट आई डिड ओनली फॉर तन्मय दैट इज क्वाइट ओके दे आर आस्किंग ओनली फॉर एटी नाइनटी एंड हंड्रेड तो उतना भी किया चल जाएगा मैंने एक्स्ट्रा बताया सेवेंटी एक का अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बस तीन ही करना है दो वॉन्ट द सोल्यूशन पूरा वाला यू कैन टेक दिन शॉट यह आपका आंसर रहेगा ऐसा मैंने एक ही का लिखा यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट या तो पीडीएफ तो आपके पास वैसे भी है भाई तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम लिखने वाला आप बस समझ ही गया है तो यार ओके इवन यू शुड एग्री विथ मी सो दैट वी कैन सॉल्व मोर थिंग्स आप ये लिख ही लोगे वैसे यू हैव द दीडीएफ राइट सोल्यूशन का बाद में देख के क्वेश्चन थ्री पे आते हैं चलिएगा क्वेश्चन थ्री चलो क्वेश्चन थ्री पे आते हैं बहुत है सफर है क्या नहीं नहीं फोर्टीन क्वेश्चन है या थर्टीन वट एवर चलो सो सर शुरू करते हैं अभी हम क्वेश्चन टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री से यस yes, एग्रीड चलो क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन समवेयर फ्रॉम द मॉड्यूल ओके चल देखते सर क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बॉस्ट वेरिएबल कौन सा पहले फिक्स कॉस्ट को ढूंढने का पहले फिक्स फिर वेरिएबल फिर सेमी वेरिएबल ऐसा ठीक है चलो शुरू करते हैं जरा नोट करने का ऊपर दिया गया कॉस्ट पर यूनिट का है और ये कॉस्ट कब इनकर हो रहा है जब आप फिफ्टी थाउजेंड यूनिट बना रहे हो तब वेन यू प्रोड्यूस फिफ्टी थाउजेंड यूनिट तब आपका खर्चा इतना हो रहा है ओके परफेक्ट ओके ना समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें जो ये कॉस्ट है कौन से कौन से यहां पे ये जो आपको दिख रहे हैं, एक दो तीन चार इसका अच्छा सा एक वर्किंग बनाने का लेकिन मैं इधर शॉर्टकट में देखो क्या बता देता हूं इसके मैं दो पार्ट कर दूंगा uh, चलो लेट्स राइट इट डाउन मैं बेटर ऐसा बोलूंगा तो आपका जो सेलिंग uh, एक्सपेंस है तो इसके मैं दो पार्ट कर देता हूं ओके okay. एक इसमें से रहेगा आपका वेरिएबल कॉस्ट जो मुझे पर यूनिट में चाहिए और मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए टोटल में आपका फिक्स कॉस्ट रहेगा जो हमेशा टोटल में इनकर होता है तो आई नीड इन टोटलिटी चलो एक काम करते हैं पहले ये तो पर यूनिट में तो ट्वेंटी फाइव में से कितना ट्वेंटी इज फिक्सड हलो सो सर ट्वेंटी फाइव में से अगर ट्वेंटी परसेंट फिक्सड है विच इज़ फाइव तो ये ट्वेंटी रुपीज़ ये हो जाएगा ना इतना समझ में आता है ये बोलने का जरूरत नहीं अगर ये ट्वेंटी परसेंट है मतलब ऊपर का एट्टी परसेंट है यस सर वेरी वेल अंडरस्टूड और ये जो फिक्स कॉस्ट है कभी भी एक यूनिट का नहीं होता ये फिक्स कॉस्ट कब हो रहा है इनकर जब आप कितना बना रहे हो का है. हाँ हा तो ये फिफ्टी थाउजेंड का है नहीं ये तो एकदम इजी है ये पचास हजार यूनिट के उसको ऊपर ये हिस्सा पर यूनिट में ही रखो बट ये फाइव इंटू फिफ्टी थाउजेंड तो दैट विल बिकम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्या बीजे में गया ये तुम्हारे इज दिस अंडरस्टूड अंडरस्टैंडेबल है तो फिक्स कॉस्ट मेरा टू फिफ्टी का रहेगा बिकॉज एक का पांच निकाला गया था एंड इट इज फॉर फिफ्टी थाउजेंड थिंग सुनो मैं क्या बोलता हूँ आपसे हो सकता है क्या देखो जरा मैं एक थोड़ा सा कंट्रोल इसको यहाँ पे ओपन करवा देते है और फिर इसका और इसका ऐसे और फिर ये फिर ये सब कुछ क्लोज ओके okay, और इसको शॉर्टकट में रुको जरा एक सेकेंड अपने एक शॉर्टकट क्रिएट करते जिससे अपना आगे का काम थोड़ा हल्का हो जाए सुनो या सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच कैन बी डन सो नाउ लेट अस आज टू द टास्क बार टास्क बार वी नॉट ऐड सो लेट मी जस्ट रिमूव वन ऐप ओके नाउ इट कैन बी एडेड टास्क बार अरे यार कौन सा ऐड हो गया सुनो ओके ना अंडरस्टैंड दिस अभी कुछ फिक्स uh, कॉस्ट तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन काफी मैनेजेबल है सुनो मैं जो जो बोलता है वो सुनते जाओ हाँ कि सर ऐसे ऐसे होगा समझ में आ गया पहला वाला हो गया दूसरा सेम अब ये फिफ्टी लिख दोगे और ये पूरा फिक्स्ड है तो दो थाउजेंड कर दो टोटल में आ जाएगा एडमिन वाला भी ये है, तो एट इंटू फिफ्टी थाउजेंड कर दो ये भी टोटल में आ जाएगा ये टोटल में टोटल में और डिस्ट्रीब्यूशन एटी फाइव परसेंट है तो ट्वेंटी के दो पार्ट करो एटी फाइव परसेंट वेरिएबल है उसको पर यूनिट कर दो और फिर ये जो ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी का जो फिफ्टीन परसेंट है वो फिक्स रहेगा और उसको फिर इनटू फिफ्टी थाउजेंड कर तो यू विल गेट ग टोटल अभी इसमें कुछ नहीं करना है थर्टी फाइव थाउजेंड के लिए और सेवनटी थाउजेंड के लिए तो सिंपल है जैसे ये हो गया ना मेरे को बोलो हम लिख के भी करेंगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझा तो सुनना आपका जो पहला कॉस्ट है ये वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है तो पहले लिख दिया मैंने देखो सोल्यूशन में ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है इफ आई जस्ट हाईलाइट देखो मैंने पहले ये लिख दिया ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ओके okay? अब सुनो ये अगर वेरिएबल वेरिएबल है और उसके बाद ये एक यूनिट का और मुझे बजट किसका बनाने बोला है

शायद मेरी कैपेसिटी इतनी हो सकती है आई कैन प्रोड्यूस एटी थाउजन यूनिट माई कपैसिटी बट करंटली आई एम वर्किंग एट यूनिट्स मैं इतना बना रहा हूं और मैं रेंट तो फिर भी एक लाख ही रहेगा तो मैं एक लाख रुपया दे रहा हूं पचास हजार के लिए तो एक यूनिट का टू रुपीज आ गया हेलो तो मैंने बस टू इंटू फिफ्टी करके एक लाख निकाला कि इतना रेंट दिया जा रहा है अब तुम कितना भी बनाओ रेंट तो एक लाख रुपया ही रहेगा वैसा हम कर लेंगे या हो जाएगा तो आई थिंक दैट इज वेरी मच मैनेजेबल और फिर आपने जो फिक्स पोर्शन निकाला है ना इधर जो भी ये वाला फिक्स इसके अंदर निकाला ये फिक्स ये फिक्स है और एक फिक्स है वो सेम ही रहेगा हर जगह पे देखो ये चार जगह पे और जो इसमें एक वेरिएबल पोर्शन आपने निकाला था अलग वाला उसको बस इंटू कर देना आई थिंक दैट इज वेरी मच मैनेजेबल आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है तो अंडरस्टैंडेबल है राइट दिस कैन बी डन सो सुना दिस क्वेश्चन इज डन बाई अस गाइज सो दिस इज डन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो आई कैन डू दैट धीरे धीरे बट इफ यू अंडरस्टैंड तो हम थोड़ा आगे जा सकते हैं बोलो क्या बोलते हैं समझा क्या क्या पता सर ये भी अभी मेरे को बोलना पड़ेगा समझा कि नहीं समझा हेलो समझा सेम होगा या यू कैन चेक द सोल्यूशन दैट इज इजीली आपको बस ये करना है इसमें से वेरिएबल पर यूनिट में ढूंढ लो और ये फिक्स कॉस्ट का जो भी पर यूनिट आएगा ये इनटू करने के बाद उसको इनटू क्वांटिटी कर दो पचास हजार तो, तो टोटल में आ जाएगा और ये सेम ही रहेगा और पर यूनिट वाले को इनटू थर्टी फाइव और सेवेंटी करोगे तो उसका वो बजट आराम से बन जाएगा ओके okay, चलो अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे यस yes सर आगे चलो सर अब पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है ओके ठीक है डन चलो अभी आगे बढ़ते हैं गो या yeah, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं गाइड्स अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चन व्हाट इज गिवन लेट अस रीड अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर गाइड लेट्स लुक सर ये सारे क्वेश्चन तानिया और एंड फ्लेक्सिबल बजट फिक्स बजट का क्वेश्चन आपको कभी आएगा ही फिक्स बजट मतलब एक ही कैपेसिटी का हमें जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा फ्लेक्सिबल का, मतलब का डेटा दिया और आपको तीसरे का निकालना है आपको fix, आपको बजट बनाने बोला है तो बजट बना देने का बस बस है और बजट बनाने से पहले कॉस्ट ढूंढ लेने का कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स कौन सा सेमी वेरिएबल है और फिर आगे सोल्यूशन बजट बनाने का डन तो चलो जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखा पहले मुझे ढूंढना है कौन सा वेरिएबल है कौन सा सेमी वेरिएबल है तो पहले ये चलो सुनो देखो सर क्वेश्चन किधर गया क्वेश्चन इधर है क्वेश्चन इधर है चलो क्वेश्चन नंबर फोर अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल लेट्स आप लुक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है इफ यू आर वाचिंग रिकॉर्डेड और लाइव यू कैन ऑलवेज लाइक द वीडियो एंड वंस द लेक्चर इज ओवर यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो द वीडियो इट इट गिव्स सम मोटिवेशन वी कैन सी दैट चलो शुरू करते हैं नाउ अभी यहां पे अगर आप देखोगे क्वाइट इजी क्वेश्चन हम सर 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 कितने प्रोडक्ट बनाते हैं हैज एनी कहां का है तो यू कैन लेट मी नो क्वेश्चन मॉड्यूल से ये टेस्ट योर नॉलेज का है शायद ओके okay. एक है, एक कंपनी कंपनी है के दो प्रोडक्ट है सर ए अगर पहला ए तो दूसरा बी सर ए और बी है क्वांटिटी दी गई है अच्छी चीज सारे कॉस्ट किस में दिए गए पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट फिक्स अरे रे रे, रे. Rate, बहुत गलत सर. Rate rate में कैसे नहीं सर. निकाल दो ना फिर टोटल दो मिनट से तो कभी कभी टेंशन आ जाता है ऐसा मैसेज okay. नहीं आता तो सुनो अब मैं क्या करेगा ये सिक्स थाउजेंड यूनिट है और ये आठ रुपए एक यूनिट का है तो सिक्स थाउजेंड इंटू एट टोटल खर्चा कितना हो जाएगा फोर्टी एट क्या समझता है तुमको हेलो ये टोटल में ये फोर रुपीज है नाइन थाउजेंड का है तो नाइन थाउजेंड इंटू फोर फोर थर्टी ये क्या गड़बड़ है थर्टी सिक्स अच्छा प्रोडक्ट बी है ना सर तो प्रोडक्ट बी है तो यस सर ये सर एक क्वेश्चन या ओके मारविल ओके सो नाउ अंडरस्टैंड दिस सो आई कैन से दैट सर ये है आपका फोर्टी एट थाउजेंड नहीं सर हम है ये फोर्टी एट थाउजेंड और ये प्रोडक्ट हेलो ये दोनों में सेम नहीं रहेगा अरे ये दो अलग प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट अलग है वो अलग जगह पे फैक्ट्री में बनता है बी दूसरे फैक्ट्री में बनता है तो उसका फिक्स अलग अलग हो सकता है ऐसा मत सोचो अलग अलग कैसे अरे बाबा अलग हो सकता है ना अगर प्रोडक्ट ही अलग है तो भाई कॉस्ट क्यों नहीं अलग हो सकता आगे आफ्टर टेकिंग सम एफर्ट्स एफर्ट्स आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स अभी इससे अपना कोई लेना देना नहीं है नहीं सर है सर जिंदगी इसे में चल रही है अपनी एफर्ट्स में सुनो अभी सो व्हेन आई से दैट आफ्टर मेकिंग सम मार्केटिंग एफर्ट्स आपने मार्केट में कुछ मार्केटिंग वगैरह करवाया सर उसके बाद द सेल्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी कैन बी बाय ओके कितने से बढ़ा देंगे तो पहला वाला आपको अगर दिखता हो तो सर पहला वाला पंद्रह सो फिफ्टीन हंड्रेड से बढ़ेगा फिफ्टीन हंड्रेड से बढ़ेगा मतलब आप अभी जो भी बेच रहे हो इसमें प्लस फिफ्टीन हंड्रेड हो जाएगा और दूसरा वाला फाइव हंड्रेड से बढ़ेगा कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स लिए है ये करने के बाद ऐसा हो सकता है समझ में आता है यूनिट्स हमारे बढ़ सकते हैं ओके मार्केटिंग किया ना बट फॉर दिस पर वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड विल बी इंक्रीज ऑल ओ वर्ड क्या लिखा है वेरिएबल ओवरहेड मतलब ये वाला वेरिएबल कॉस्ट लिखा होता तो तीनों पे एप्लीकेबल होता वेरिएबल कॉस्ट वर्ड नहीं लिखा है वेरिएबल ओवरहेड मतलब स्पेसिफिकली इस पे एप्लीकेबल होगा ट्वेल्व और सिक्स जो लिखा गया है दोनों प्रोडक्ट का फिक्स विल बी इनक्रीज बाई मतलब ये, variable वाला कितने से बढ़ने वाला है पहला वर्ड वेरियबल है तो ये आपका टेन परसेंट से बढ़ेगा एंड यूर फिक्सेंट फॉर बुद्ध टू मेक द बजे बिफोर में कितना था और आफ्टर मार्केटिंग इफेक्ट कितना है? और सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट निकल के दो भाई मतलब समझेगा मार्केटिंग इफेक्ट के पहले कितना प्रॉफिट कमा रहे थे मतलब प्रॉफिट निकल सकता है तो बजट में अगर सेलिंग प्राइस दी गई है प्रॉफिट निकाल लेने का क्या पता समझता है क्या सब अभी तक तुमको जो भी बोला वो हेलो अंडरस्टैंडेबल तो आगे जाते तो बिफोर मार्केटिंग एफर्ट है और एक है आपका आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट ये क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे पांच मिनट का दो मिनट का एंड देन वी विल स्टार्ट सुनो चलिएगा नाउ अंडरस्टैंड बिफोर मार्केटिंग एफर्ट चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना सॉल्व पहले बिफोर मार्केटिंग एफर्ट वाला तो सर हमारे प्रोडक्ट है दो पहले हेडिंग दे दो बिफोर ये बजट बन रहा है फ्लेक्सिबल बजट एफबी एफबी बोला तो फ्लेक्सिबल बजट कौन सा वाला सर बिफोर एफर्ट्स बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स सर हो जाएगा यस सर चलो एक बार कर लेते ना बिफोर मार्केटिंग एफर्ट बिफोर मार्केटिंग चलो सो मैंने इसे बिफोर मार्केटिंग एक बार मैं फटाफट करवा देता हूँ पर्टिकुलर्स यहाँ पे प्रोडक्ट ए है और बी है मैं दो कॉलम बना देता हूँ एक पर यूनिट का भी बना देता हूँ एक टोटल का भी बना देता हूँ चाहिए तो इधर भी एक पर यूनिट का और एक टोटल का सुनो फटाफट फटाफट -फट, फटा एकदम ऐसा झटाझट -जट समझा देते हैं या ऐसे ऐसे हो जाएगा करके हाँ सुनो अब सर पहला कॉस्ट कौन सा है तो सर सबसे पहले रॉ मटीरियल ओके फिर बिफोर मार्केटिंग इफेक्ट में फिर डायरेक्ट लेबर फिर क्या है वेरिएबल ओवर है और फिर आपका है फिक्स ओवर चलो एक काम करते है। ये पर यूनिट कितना है सिक्सटी थर्टी ट्वेल्व और ये एट चलो ये भी लिख दिया सिक्सटी थर्टी ट्वेल्व एट और ये कितना है फोर्टी टू एटीन सिक्स फोर और इससे आपका कॉस्ट आ जाएगा टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट और फिर एड अ प्रॉफिट एंड यू विल गेट सेल्स चलो सो so, एक रफ में बजट जैसा बना दिया ओके सर सर ये लिखने के बाद सर हम कितना यूनिट्स ए का बना रहे हैं तो सर ए का अपन इधर अभी तो छे बिफोर वाले में तो छे हजार मना के बेचेंगे और इधर नाइन थाउजेंड बिफोर वाले में वाले में वाले कुछ इंक्रीज होगा we'll सुनो. अबे ना, सेलिंग कितनी लीजिए फटाफट फटाफट कैल से, फटा फट, फट, फटा फट. कैल से पे जैसा बोलता हूं टाइप सिक्स थाउजेंड हलो सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वॉट टाइप सिक्सटी इक्वल टू थर्टी टू करते जाओ

आता है कि नहीं आता जरा बताइएगा तो हम आगे जाते हैं ये हो गए हैं थैंक यू सो मच चलो ठीक है तो कमेंट देख लेते चलो नौ इधर हो गया सर अभी एक काम करते सिक्सटी प्लस थर्टी प्लस ट्वेल्व प्लस एट बोले तो वन वन जीरो और दस रुपए का प्रॉफिट सर टोटल प्रॉफिट बताइए थ्री लैख सिक्सटी प्लस वन लाख एटी प्लस सेवेंटी टू थाउजेंड प्लस फोर्टी एट थाउजेंड सर सिक्स मैं आपके आंसर का वेट करूंगा मुझे बी का निकाल के दीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है करंटली अगर इधर 60000 का प्रॉफिट हो रहा है बी के इधर कितना प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन मार्क आंसर तुमसे चाहिए बताओ आई नीड प्रॉफिट आई नीड प्रॉफिट मैं कितना कमाता है आता है बट अभी कर ही लेते वैसे तो सभी आ जाएगा फिर समझाने के बाद प्रैक्टिस ही कर लेते हैं वैसे आपने पास है अपने छह बजे लेक्चर शुरू हुआ है तो अपन दस बजे तक का प्लान करके बैठे हैं रोज मतलब चार घंटा अपने को पढ़ना है रोज का एक एक टॉपिक चार घंटे में खत्म चलो आंसर निकालो क्वेश्चन मार्क का प्रैक्टिस होते जाएगा क्या कर रहे हैं पता नहीं ये लोग कैलसी लीजिए ऐसा कैलकुलेट कीजिए यू विल गेट दिस अरे बाबा ये धीरे धीरे लाइव कम होते रहते हैं थोड़ा फॉरवर्ड करके लाइव में आओ जरा समझे तुमको क्या आता है नहीं आता क्वेश्चन वाला पेज दिखाओ अरे क्वेश्चन वाला पेज क्या है ये ये दिख दिख रहा रहा है इधर सीपीयू है इनटू इनटू करना है ना यू गेट दिस आंसर चलो सेवन टू थाउजेंड का प्रॉफिट नाइन थाउजेंड यूनिट है तो सर इंटू फोर्टी टू थ्री लैख सेवेंटी एट थाउजेंडीन इक्वल टू वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड सिक्स इक्वल टू फिफ्टी फोर थाउजेंड परफेक्ट किसी ने तो आंसर दिया था मनमीत मार्वल दैट इज राइट उसके ऊपर भी कोई था स्टडी स्मार्ट स्टडी यस और भी एक दो लोग जो आंसर देते थे अभी आ नहीं रहे उनका आंसर सेवेंटी एट इक्वल टू सेवेंटी ए परफेक्ट सर अभी क्या जस्ट टेक दिस पूरा ऐसा बना के बताना है आंसर शॉर्टकट से आ सकता है ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा लेकिन बजट बनाने बोला है

हमारा है प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट है बी इधर हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स एक होएगा पर यूनिट एक रहेगा टोटल का कॉलम एक रहेगा पर यूनिट एक रहेगा टोटल का कॉलम सर फिक्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत नहीं होगा हेलो मैं क्या बोल रहा हूं देवेश इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या बोलता हूं आगे जाके अगर चेंज होगी ना क्वांटिटी जो भी होगी एक सेकंड जरा वेट कर मे बी यू विल अंडरस्टैंड दैट की गलत क्यों नहीं है मतलब देख मैं ऐसा बोलता हूं कि तू अभी फिफ्टी थाउजेंड पे काम कर रहा है ऐसा क्वेश्चन में डेटा दिया है कि तू यूनिट्स बना रहा है 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 मैं बोलता हूं, तेरा रेंट लाख रुपया ये टोटल है। बराबर है। और तो एक यूनिट का आ गया दो रुपया अभी अगर मैं ये बोलता हूं क्वेश्चन में टोटल निकाल के बता कितना रहेगा जब तू फिफ्टी थाउजेंड पे काम कर रहा है तेरा रेंट टू रुपीज पर यूनिट है तो एक लाख निकालना गलत थोड़ी है हाँ लेकिन अगर आगे जाके ऐसा बोला जाए कि सर अभी मैं सिक्सटी पे काम करने लग गया तो टू इंटू सिक्सटी नहीं करने का फिर वो एक लाख ही रहेगा

आपके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो देखो ये ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा ये हो गया अपना फॉर्मेट ओके सारे खर्चों को ऐड करके टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड यू गेट सील्स चलो सुनो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या है चेंजेस पहले चेंजेस कर लो भाई जिंदगी में चेंजेस पहले देखने का देखो चेंजेस देख लेते सर मार्केटिंग के एफर्ट को किया तो सर अभी फिफ्टीन हंड्रेड से बढ़ जाएगा तो पहले सिक्स थाउजेंड बेच रहे थे

Sir, वाला आपका जो है, वो 10 से और आपका फिक्स वाला सर कॉस्टीपी करना जरूरी है इट इज हाईली रिकमेंडेड अगर टाइम मिले तो नहीं तो, तो क्या जरूरी है जरूरी तो है ओके इफ पॉसिबल उसके लिए भी हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं बट पहले भी इस क्वेश्चन पे ध्यान देते अगर ये सब खत्म होता है स्टिल एफ आई अवर टाइम आई एम नॉट कमिटिंग आर टीपी वाला सीरीज भी रख देंगे चार दिन बैठो रोज तीन तीन घंटा एक एक आर टीपी खत्म कर देंगे बट पहले अभी जो रहा है उस पर ध्यान दो भाई वैसा है थोड़ा सा ऐसा ध्यान दो आई एम प्लानिंग बट ज्यादा कमिटमेंट करो फिर नहीं हो तो बेटर पहले ये करो सुनो अब हम इधर आ रहे हैं किधर है अच्छा भूल गया अच्छा सुनो पहला चेंज ये हो गया अभी तुम्हारा कॉस्ट कौन सा बढ़ रहा है पहला वेरिएबल ओवरहेड अच्छा वेरिएबल कॉस्ट बोला होता तीनों को बढ़ा देते तीनों वेरिएबल कॉस्ट लेकिन सर वेरिएबल ओवरहेड बोला है तो ये तुम्हारे हेड में जाना चाहिए पहले जो 12 रुपए का था सर वो 12 प्लस 10% है। तो 12 प्लस 10% ये 13.2 हो जाएगा और जो पहला 6 रुपीस लग रहा था बी के लिए वो 6 वेरिएस्ट पर यूनिट में इनकर होता है तो पर यूनिट में इनक्रीज करने का सर फिक्स कॉस्ट सर मैं पहले अभी एट में नहीं मारने का फाइव परसेंट हेलो फिक्स का एट पे नहीं ये तो एट इंटू फिफ्ट थाउजेंड करके फिक्स कॉस्ट आया टोटल तो मेरा six, cost पहले फोर्टी एट थाउजेंड था हेलो नाउ इट इज इंक्रीज बाई फाइव परसेंट एंड अर्लियर माई फिक्स वॉज थर्टी सिक्स थाउजेंड विच इज अपियरिंग देखो इधर क्या बोलते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस टेन परसेंट कुछ गया दिमाग में क्या क्या चेंज था पहले तो यूनिट्स बढ़ा दिए फिर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड को बढ़ाने को बोल दिया तो बढ़ा दिया सर अभी जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो सेम वेरिएबल कॉस्ट पहले थर्टी एंड सिक्सटी थर्टी था एक यूनिट का रॉ मेटेरियल सिक्सटी थर्टी और आपका लेबर कितना था फोर्टी एट एंड फोर्टी टू एंड एटीन था हाँ सर मैनेजेबल uh, है सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला तो इट विल रिमेन सेम वन ट्वेंटी एन सेवेंटी एट कुछ कम करने बोला होता तो कर देते सर क्या बोलो इससे uh, क्या बोले समझ में आएगा कैल पे हो जाएगा आया आया सर आया नाउ इट कैन बी डन आपको याद यही रखना है वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल कोई भी तो उसको पर यूनिट में इंक्रीज करना है बिकॉज वो पर यूनिट में इनकर होता है ऐसा समझ जाओ चलो कैन यू गेट दी प्रॉफिट चलो लेट मी गेट दैट सेवेंटी फाइव सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट में बना रहे इंटू इंटू सिक्स इक्वल टू फोर लैक फिफ्टी थर्टी टू टू लैक ट्वेंटी टू अरे रुको थर्टीन पॉइंट टू इन टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन नाइन थाउजेंड और सर ये इधर से आएगा पहले फोर्टी एट थाउजेंड हो रहा था फाइव परसेंट से बढ़ गया सर फिक्स कॉस्ट इतना हो जाएगा एट टू फोर फोर डबल जीरो और ये वन ट्वेंटी एन टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन लैख रुपीज सर नाइन लैख रुपीज माइनस एट टू फोर फोर डबल जीरो सेवेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड का प्रॉफिट किसने आंसर दिया था क्या पता नहीं जी देखते हैं नहीं, नहीं 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 बट क्या आपको समझा है फिर भी सेवेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ये दूसरा सब बताना है पर निकाल के तो बता दो नहीं तो ठीक है टी फाइव सिक्स हंड्रेड इज यूर आंसर यू शुड गेट दैट बी का भी वैसे ही सेम आ जाएगा आपको बस या टोटल कॉस्ट इज राइट देवेश परफेक्ट मनमित दैट इज राइट आंसर मनमित ने दिया था या yeah. चलो मेरे को बी का प्रॉफिट निकाल के दो आता है तुमको तो टोटल तो तो वाला बिकॉज क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा था तो आई नीड प्रोफिट फ्रॉम यूर साइड आफ्टर मार्केटिंग एफ बजे मतलब बजे बनाने बोला था गिव मे द प्रॉफिट अरे रे सर आता ही कि नहीं आता बीजो थोड़ा सा इस इज्जत का सवाल है तुम्हारे पता चले कितना आता है परफेक्ट सो देर इज आंसर मनमी दैट इज राइट सलीमा दैट इज राइट तानिया दैट इज राइट सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी जिनको नहीं आया ना ले लो स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन बताता है पीडीएफ वैसे भी है तुम्हारे पास आना चाहिए। नहीं आता है तो ये सोल्यूशन तुम्हारे पास है कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा ना तभी तो गलत आया एट लैख थर्टी सेवन नहीं आएगा देखो जरा ध्यान से तुमने क्या इंक्रीज मारा कि नहीं बराबर से देर मस्ट चेंज यू कैन जस्ट चेक यूनिट्स में गलती किया रहेगा परफेक्ट सो दिस इज यू सर आपके बोलने के ट्यून मस्त है ओके शुभम परफेक्ट नाउ वी विल हैव टू मिनट्स का ब्रेक ऐसा है ना जब तुम ज्यादा फटाफट पढ़ते हो बेटर होता है हर एक सवा एक घंटे में जैसे कुछ खत्म हुआ दो मिनट का ब्रेक ऐसा मोबाइल वगैरह नहीं देखने का खाली थोड़ा सा वॉक कर लो बैठ के थोड़ा पानी पी लो जस्ट टू मिनट्स का ब्रेक वी विल जस्ट कम इन टू मिनट्स ओके तो शुरू करते हैं टू मिनट एकदम टाइमर के साथ ना ऐसा दो मिनट में चलो मिलता है दो मिनट के अंदर ओके ओके परफेक्ट सो नाउ देखते हैं थैंक यू सो मच देवेश फॉर द कमेंट इस बार पक्का पक्का एग्जामिशन आ जाना चाहिए एंड या इवन द मैसेज फ्रॉम योर साइड ओके तो अभी तक 80 लाइक्स हो चुके हैं और 20 पेंडिंग फॉर हंड्रेड वी कैंड वो भी हो जाएगा मे बी होपफुली बाय द टाइम वी एंड उसने 10 परसेंट नहीं लिया होगा या परफेक्ट सो चलो तो सब लोग आ चुके हैं छोटे से ब्रेक के बाद जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और एक घंटे के बाद एक खाने के लिए ब्रेक होगा और बाद में अपन खत्म करेंगे चीजें सुनो आई आई होप सारी अंडरस्टैंड गॉट मार्क्स योर आया था ना मैसेज तो हाँ थैंक यू सो मच देवेश चलो ना लेट सी दिस इतना होने के बाद आई नो आई नो देवेश मतलब ही वॉज अ स्टूडेंट जो अपना वीडियो मतलब वेन हम जूम पे पढ़ते थे तो हमेशा वो ऑन रहता था तो आई नो हिम मतलब वैसा अच्छे से काफी ओके okay. नाउ so यहां पे आते हैं चलो सर किधर थे हम इधर आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स अरे भाई खत्म हो फिर फंक्शनल बजट शुरू होएगा चलो फटाफट पड़ कर दे मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है जितना टाइम आप अपने घर पे क्वेश्चन सॉल्व करो

ओके okay, चलो सोचता हूं सोचता हूं बट अभी करना है एक बार अभी नाउ आई एम क्वाइट फ्री सारी चीजों से तो कोई टेंशन नहीं है सुनो चलो क्वेश्चन पे आते हैं लेट्स लो एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स मैनुफैक्स एट थाउजेंड ये नॉर्मल है सर नॉर्मली हम आठ हजार बनाते हैं नॉर्मली ठीक है यस ऑफ देयर प्रोडक्ट इन अ मंथ ओके आगे क्वेश्चन नंबर थ्री इलस्ट्रेशन नंबर थ्री इन द मॉड्यूल इलस्ट्रेशन थ्री चलो

हम यहां पे है ना हमारे सुपरवाइजर को देते हैं बोनस या विशाल थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फिडेंस ओके या नाउ चलो देखते हैं नाउ यहां पे अगर आप देखोगे सर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लैंड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप ओके मतलब जो भी हमारी फैक्ट्री है ना वहां पे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को ज्यादा अच्छे से देखते हैं सर क्यों मतलब ये जितने भी ओवरहेड्स है कॉस्ट जितने भी है क्यों बिकॉज जो फोरमैन है ना उसका उस शॉप का मतलब मान लो एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का मेन सुपरवाइजर परसेंट ऑफ अ एस उसको जितना भी सेविंग होगा उसका टेन परसेंट बोनस मिलेगा व्हेन इन एनी मंथ इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड लेस देन बजटेड प्रोविजन सुनो अगर मैं आपको समझा दू तो ऐसा कुछ एक सेंटेंस का मतलब मान लो मैंने बजट बनाया समझ लेते हैं जाना है काफी बजट एंड एक्चुअल जस्ट जस्ट समझना बजट बजट एंड एक्चुअल ट्राई टू गेट दिस मैंने मान लो ऐसा सोचा है कि इस महीने में थाउजेंड का खर्चा होना चाहिए और मेरा खर्चा एट हंड्रेड का हुआ तो आई होप यू अंडरस्टैंड मेरी मैनेजर ने काफी अच्छा काम किया है कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई किया जैसे तुम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या तुम्हें कोई करता है वैसे तो टू हंड्रेड रुपीज से मेरा खर्चा बच गया सेविंग पैसा बच गया तो जितना भी सेविंग होगा उसमें से हम हमारे मैनेजर को कितना देंगे टेन परसेंट कि भाई तू रख ले इसे वो मोटिवेटेड फील करेगा और वो सेविंग करने का ट्राई करेगा तो टेन परसेंट उसका तो ट्वेंटी रुपीज उसको बोनस दिया जाएगा सो so, मै मैनेजर विल ऑलवेज ट्राई टू सेव द कॉस्ट क्योंकि उसको टेन परसेंट उसमें से मिलने वाला है ओके okay, सर ये एक समझा दिया वो उसका मतलब अभी आगे क्वेश्चन में देखता हूँ फोरमैन इस बार वो जो फोरमैन है फैक्ट्री का जो हेड है वो आके अपने को बोलता है भाई मेरे को इतना रुपए का बोनस चाहिए हमने बोला ऐसा बोनस क्यों मांगता है तू तो वो बोलता है सिंपल है सर तुमने कुछ तो प्लान किया था तुमने क्या प्लान किया था सर जनवरी के महीने के लिए इतने का खर्चा सर एक्चुअली में जनवरी में कितना हुआ इतना हुआ अच्छा जी तुमने कितना प्लान किया था सर तुमने प्लान किया था इतना बजट फाइव एट सेवन फाइव हमने खर्चा किया फोर नाइन नाइन जीरो तो सर हमने ना हमने फाइव एट सेवन फाइव माइनस फोर नाइन नाइन जीरो हमने एट एटी फाइव रुपीज बचा दिया सर और आपने वादा किया था आप हमें कितना बोनस देंगे टेन परसेंट था तो सर इसका टेन परसेंट निकाल लो अरे वो आपसे मांग रहा है सॉरी सो so, वो आपसे मांग रहा है एटी एट पॉइंट फाइव का बोनस अब आप तो ओनर हो आप क्या कभी भी अपने को पैसा देंगे नहीं ओनर हमेशा ऐसा ट्राई करता है कम पैसा देने का ना यहां ये वो बोनस मांग रहा है तो आप ये बोलते हो यहां पे वर्क मैनेजर बोलता है तू कैसे बोनस मांग सकता है वर्क मैनेजर मतलब उसका बॉस फोरमैन का बॉस वो बोलता है भाई तुम बोनस कैसे मांग सकते हो तुमको शर्म आनी चाहिए हमारा इधर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया बड़ा और तुम फिर भी बोनस का मांग रहे हो हमसे शर्म नहीं आती तुमको वैसा तो क्या आप वर्क मैनेजर से एग्री करते हो क्या फोरमैन को बोनस मिलना चाहिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइए और उसके हिसाब से बताइए कि बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए तो कितना और क्यों नहीं मिलना चाहिए सब फिगर्स के साथ बताइए देखो एक चीज समझो तुम एक चीज समझो क्या गलत और क्या सही जरा ये समझो सर इसमें गलत सही क्या है देखो नॉर्मली आप कितना यूनिट्स बनाते हो आठ एट थाउजेंड ये क्वांटिटी है यूनिट्स सर ये किधर लिखा था अरे ऊपर लिखा था नॉर्मली कंपनी प्रोड्यूस एट थाउजेंड तो नॉर्मली खर्चा जो है वो इधर दिया गया एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल अगर नॉर्मल के हिसाब से किया तो आठ हजार के लिए यह खर्चा होता है ये फर्स्ट डे पे अपने को पता है ये फर्स्ट डे का है कि अगर मैं आठ हजार बनाऊँ तो इतना खर्चा होगा लेकिन मैंने फर्स्ट डे पे कितना प्लान किया था सर दस हजार यूनिट बनाने का तो मैंने फर्स्ट डे उस हिसाब से ये प्लान किया रहेगा आठ हजार के लिए तो दस हजार के लिए इतना यस शुभम एग्जैक्टली राइट आंसर धीरेन्द्र अगेन दैट इज परफेक्ट और एक्चुअल में आपने कितना यूनिट्स बना दिया है छ हजार अरे सर ये कंपेरेबल ही नहीं है सर एक काम करो जीरो यूनिट्स बनाओ तो जीरो कॉस्ट लगेगा जीरो यूनिट्स बनाओ जीरो कॉस्ट सर पूरा खर्चा सेव पूरा बोनस दे दो इसका टेन परसेंट अरे बाबा इसे थोड़ी कंपेयर होता है कंपेयर ये होता है छ हजार के लिए इतना खर्चा हुआ है छह हजार यूनिट्स बनाया है ना अरे इधर दिया है उस छह हजार के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था उससे कंपेयर करो ये तो दस हजार के लिए कितना होना चाहिए वो है इट मीन यू विल हैव टू मेक अ बजट फॉर सिक्स थाउजेंड एंड कंपेयर क्या समझा आपको आपको ये निकालना है बजट कि अगर मैं छह हजार बनाऊंगा तो कितना खर्चा होगा और फिर ये कंपेयर होगा और छह हजार के लिए कितना हुआ है उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा कुछ करते थे बट ठीक है चलो uh, सेंटेंस समझ में आता है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा है ओके okay, सर थोड़ा थोड़ा तो थो समझ में आ जाता है चलो अभी सोल्यूशन पे जाते हैं क्या बोलते हो समझता है थोड़ा यस yes, सर बोल दो तो मुझे लगेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं इफ यू आर गेटिंग मी नो ये बोलने में भी कंजूसी होता है बहुत लोग का एक वाई ही टाइप कर दो ऐसा पता तो चलता है चलो नेबरद मतलब तो क्या ही बोले वैसा है चलो नेवर दिलेस शुरू करते हैं सुनो नाउ वी गा मेक द वर्किंग नोट गाइज यहां पे आते हैं और वर्किंग नोट बनाते हैं सुनो वर्किंग नोट सबसे पहले जिंदगी में जब भी बजट बनाना हो पहले क्या करने का क्लासीफाई क्लासिफिकेशन परफेक्ट थोड़ा इंगेजमेंट रहता है तो बेटर लगता है कि हाँ भाई ये इतने लोग हैं अभी उसमें सबसे पहले कौन सा कॉस्ट ढूंढना होता है सर फिक्स, कौस्ट। फिक्स कौस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल में सेम दिखता है तो चलो टोटल में कौन सा कॉस्ट सेम सेम दिख रहा है हेलो इसके साथ मत कंपेयर करो एक्चुअल अलग रहेगा आपने रेंट दस हजार का सोचा है शायद इन्फ्लेशन होगा गया आपने ग्यारह भी दिया रहेगा या एक्चुअल इससे मत कंपेयर करो आप यही दो देखोगे पहले दो ये भी फर्स्ट डे पे आपने आठ हजार बनाने का नॉर्मली आप बनाते हो

तो इसकी बात तो अपन ने कर ली फोरमेन की इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी अलग अलग होते जा रहा है रिपेयर ये भी अलग अलग है पावर ये भी अलग अलग है सर टूल कंज्यूम ये भी अलग अलग है अच्छा ये सेम है रेट्स इंश्योरेंस सेमस थाउजेंड्रेड चलो तो एक चीज ये हो गई एक रेट्स वाला हो गया देन एक डेप्रेसिएशन और एक इंश्योरेंस परफेक्ट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ विच इज वन फिफ्टी विच इज एट्रेड एंड विच इज हंड्रेड ओके okay, चलो ये हो गया आप ना टोटल कर दो वही से तो हो जाता है टू जीरो फाइव जीरो आई थिंक दर्फेक्ट यस सर टू जीरो फाइव जीरो का फिक्स कॉस्ट है सर कितना भी यूनिट बनाओ ये तो खर्चा लगेगा ओके okay, सर दूसरी चीज वेरिएबल कॉस्ट निकालते है अभी वेरिएबल कॉस्ट बचे हुए का निकलेगा और उसके लिए ढूंढना पड़ेगा पर यूनिट जो कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा जो कॉस्ट पर यूनिट में सेम दिखेगा वो वेरिएबल कॉस्ट चलो तो सर पर यूनिट में अभी इतने कॉस्ट बचे सर एक काम करो इतने कॉस्ट बचे हैं ना इसका पर यूनिट निकाल लो एक दो तीन चा... ये रुको 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 एक दो तीन चार पांच चलो इसका पर यूनिट निकाल लेते हैं फिर आगे बात करते चलो पर यूनिट So इधर आ टाइम uh, है अपने पास कम, और मुझे फाइनल का भी लेने, तो आप उन जब बैठेंगे खत्म करके ही उठेंगे जितना हो सकता है दस बजे तक तुमको रिकॉर्डेड देखना है देखो नहीं देखना है देखो भाई अभी क्या है कुछ तो करना पड़ेगा तो वन डे वन चैप्टर दैट्स इट फोर आवर्स अडे बैठ सको तो ठीक है आपकी इच्छा है नहीं तो सुनो सेवन ट्वेंटी नहीं तो रिकॉर्डेड तो है ही ना कहां हटा रहे दिस कोर्स कैन बी सोल्ड फॉर अराउंड फोर टू फाइव थाउजेंड क्रैश कोर्स इट इज फ्री सो प्लीज टेक द बेनिफिट ओके चलो ना सेवन ट्वेंटी विच इज डिवाइडेड यूल गेट वन आंसर सेवन ट्वेंटी डिवाइड बाई एट थाउजेंड जीरो पॉइंट जीरो ओके okay, ये पहला अभी दूसरे के लिए जस्ट टाइप एट हंड्रेड एंड इक्वल टू यू विल गेट दी आंसर एट हंड्रेड एंड इक्वल टू जीरो पॉइंट वन देन सिक्स हंड्रेड एंड इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एट हंड्रेड इक्वल टू जीरो पॉइंट वन ओके चलो ठीक है अब अच्छा थ्री ट्वेंटी इक्वल टू यस सर बैठेंगे बैठ नहीं है और क्या नहीं बैठे तो नहीं बैठे और क्या कर सकते चलो, Now, हैं चलो जीरो पॉइंट जीरो फोर यहां पे याद क्रिएट करता है सर so, ये 900 मैं क्या बोलता हूं जहां पे सेम दिखेगा मैं पे लिख देता हूँ करू तो ये सेम दिख रहा है देन इक्वल अरे ये तो अलग आ रहा है वैसे तो फिर भी लिख दिया चलो छोड़ो एट सेवेंटी फाइव ये भी अलग ही आ रहा है आप इसमें टाइम नहीं डालो तो भी ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फोर अच्छा सर तीन कॉस्ट सेम दिख रहे हैं सर कौन सा कौन सा देखो ये ये पर यूनिट में सेम दिख रहा है ये ये पर यूनिट में सेम दिख रहा है है पर यूनिट में सेम दिख रहा मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है सर ये पर यूनिट में सेम है चलो आके लिख देते हैं इधर आइएगा तीन कॉस्ट अपने को लिखने के तीन सर तीन कौन से कौन से इनडायरेक्ट मटीरियल सर नहीं पहला इनडायरेक्ट लेबर फिर इनडायरेक्ट मटीरियल दैट इज जीरो पॉइंट जीरो नाइन है गलती से जीरो पॉइंट नाइन मत लिख दीजिएगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन और उसके बाद tools consumed, tools लिख देता रोन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो टू थ्री वैसे देखने जाओ तो ये खर्चा है ओके सर अंडरस्टैंडेबल सर बचा हुआ कॉस्ट को बोल देते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट ना वो फिक्स्ड है ना वो वेरिएबल है कभी भी बजट बनाएगा पहले तीन चीज निकालने का पहले फिक्स कौन सा ढूंढने का वेरिएबल कौन सा फिर जो ना फिक्स है ना वो वेरिएबल है ना टोटल में सेम दिख रहा है ना पर यूनिट में ऐसा कौन सा कॉस्ट बच गया सर ये दो बच गया देखो इसको तो अपन ने बोल दिया इसको भी बोल दिया इसको भी बोल दिया तो एक रिपेयर वाला बचा रिपेयर रिपेयर एंड मेंस आर एंड एम देन पावर जो शायद आप में अभी है थोड़ी देर के बाद खत्म हो सकती है सुनो इसका बनेगा आपका वर्किंग नोट और फिर इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सुनो इजीली एकदम इजीली हो जाएगा सुनो अपने को बजट बनाने बोला अभी एक काम करो कैलसी लीजिएगा फटाफट पहले रिपेयर मेंटेनेंस वाला ना पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस को करते हैं वर्किंग नोट नंबर टू वेरिएबल कॉस्ट का बनेगा जब वेरिएबल कॉस्ट आएगा उसका वर्किंग नोट चलो सबसे पहला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर कैसे निकालते हैं देखो पर्टिकुलर्स जब मैं एट थाउजेंड बनाता हूँ तो कितना खर्चा टेन थाउजेंड बनाता हूँ तो कितना खर्चा और निकालना है अगर एक्स्ट्रा कॉलम बना के अभी इधर ही निकाल देना है झंझट नहीं से तो इधर ही निकाल सकते हो तो सर अगर मैं सिक्स थाउजेंड बनाऊँगा तो कितना खर्चा या तो आप उधर बजट में भी निकाल के बता सकते हो बजट छः हज़ार का बनाने का मैंने लिख दिया चलो छः हज़ार इस बार वेरिएबल फिक्स्ड एंड देन अ टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल का तो सुनो मेरा 800 के ऊपर uh, 8000 में कॉस्ट है 600 और इधर कितना है 650 तो 6000 के लिए कितना होगा ये मुझे चाहिए हो जाएगा सर ये इंक्रीज ये इंक्रीज ये 2000 से बड़ा तो मेरा कॉस्ट पचास रुपये से बड़ा तो सर 50 डिवाइडेड बाय 200 इधर ही कर देते हैं सो so 50 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल टू पचास का अभी बहुत लोग गलती क्या करते हैं बहुत लोग डिवाइड करते हैं 2000 डिवाइड बाय 50 अदर देन न्यूमरेटर में बटा होना चाहिए नहीं बाबा पचास का कॉस 2000 यूनिट्स के लिए तो 0.025 ये एक यूनिट का है तो इनटू इनटू 8000 इक्वल टू परफेक्ट ये 200 10000 इक्वल टू 250

मैं चाहता हूं आई विल वेट फॉर वन मिनट आपको पावर वाला खर्चा निकालने का टाइम मिलेगा आपको पावर वाला खर्चा निकालने का टाइम मिलेगा मेरे को क्या आंसर चाहिए पावर वाले का मुझे ये वाला आंसर चाहिए पावर वाले के लिए कितना रहेगा पावर वाले के लिए ये वाला आंसर कितना रहेगा फाइनल वाला सिक्स थाउजेंड वाला आंसर निकालो बाबा हो जाएगा थोड़ा भरोसा खुद पे रखा करो हो जाती है चीजें पावर वाला पावर 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 किधर गया क्या बात है चलो पावर वाला ये फाइव फिफ्टी हो गया परफेक्ट सुनाओ so, no, चलो मुझे फाइनल आंसर चाहिए ये वाला पावर का देखते हैं इधर एट हंड्रेड है इधर एट सेवेंटी फाइव है पावर चलो डिफरेंस फाइव का है इधर का आंसर चाहिए मुझे लेट्स सी क्या बात है सेवन ट्वेंटी फाइव पलक दैट इज राइट आंसर तानिया दैट इज राइट देवेश था आई थिंक यदर इज परफेक्ट मनमीत परफेक्ट देवेश एग्जैक्टली देवेश या 500 इज अ फिक्स्ड पार्ट ठीक है चलो परफेक्ट तो सर 75 ₹75 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल टू ₹75 रुपीज अगर ये है तो डिवाइड बाय 2000 एक यूनिट का 0.0375 आ गया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8000 के लिए 300 10000 के लिए 375 अभी मुझे लग रहा है तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है जो लोगों ने आंसर दिया उसे तो समझ में आते कि भाई उनका एकदम क्लियरिटी बहुत अलग लेवल का हो गया ये बैलेंसिंग फिगर फाइव हंड्रेड ये बैलेंसिंग फिगर फाइव हंड्रेड तो ये तो फाइव ही रहेगा प्लस ट्वेंटी फाइव परफेक्ट इफ़ यू गॉट दिस मतलब एकदम अच्छे से क्लियर है गलती थोड़ा पावर है इधर बस ये पावर है पावर है, पावर है देखो या परफेक्ट सो हियर वी गेट दिस आंसर सर समझ में इतना आ जाता है ओके okay? परफेक्ट So, ये है मेरा आपका आंसर विच इज सेवन ट्वेंटी फाइव चलो और सर क्वेश्चन में क्या बोला है सर अच्छा एक बजट बना लेते हैं सुनो इतना आंसर आने के बाद अब है ना मैं थोड़ा शॉर्टकट ऐसा फॉलो करता है तुम भी करो तो चलेगा बजट बना लेते हैं बजट फ्लेक्सिबल बजट फॉर सिक्स थाउजेंड आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करने का तुमको एक एक करके लिखने का है लेकिन मैं शॉर्टकट फॉलो कर रहा है तुमको नहीं करने का ऐसा सुनो आप पहले कोई भी लिख दो चल जाएगा मैं पहले फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वैसा लिख देता हूँ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट सुनो मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ आपको एक एक करके लिस्ट लिखनी होगी एग्जाम में ऐसे ये लिस्ट एक एक करके लिखनी है मैं सीधा टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ टू जीरो फाइव जीरो फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा अच्छा वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके लिखने का मल्टीप्लाई करने का एक एक करके जीरो पॉइंट टू थ्री आता है

दैट इज वन टू सेवन फाइव एंड इफ यू टेक दोटल फाइव प्लस टू जीरो दिस इज योर बजट कॉस्ट अगर कंपनी छ हजार यूनिट बनाती है तो कंपनी का खर्चा इतना होना चाहिए छ हजार के लिए वो तो दस हजार का था छह हजार के लिए इतना होना चाहिए सर कंपनी ने कितना खर्चा किया एक्चुअल कॉस्ट सो कंपनी ने खर्चा किया है फोर नाइन नाइन जीरो का सर छ हजार के लिए फोर नाइन नाइन जीरो का अब देख सकते हो फोर नाइन नाइन जीरो का खर्चा किया है तो क्या सेविंग की रे तूने कुछ सेविंग नहीं की तो सर इधर तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है एक्स्ट्रा कॉस्ट यस yes.

क्या बोलते हैं परफेक्ट समझ में आता है ये क्वेश्चन भी अपना हो जाता है एकदम एग्जैक्टली exactly, परफेक्टली बोलो यहां से हम आगे बढ़ते हैं अगर ये आपको समझा है तो या परफेक्ट सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज डन एकदम सोल्यूशन अच्छे से लिखा हुआ अगेन पीडीएफ है यू कैन चेक जहां पे अच्छे से मस्त ऐसा लिखा हुआ मिलेगा पावर ये है वो है एक्स्ट्रा है एंड देर एक्स्ट्रा कॉस्ट बोनस नहीं मिलेगा अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर सिक्स एंड फाइनली अपना एक पार्ट खत्म होएगा अपना इस चैप्टर के अंदर चार पार्ट है अभी चार पार्ट और फ्लेक्सिबल है वही खत्म करते हैं फिर फंक्शनल पे आते हैं मास्टर बजट का एक ही क्वेश्चन है और रेशियो आपके पहले ही दो पार्ट बड़े हैं बाद में सब छोटा छोटा है समझ में आता है सर या परफेक्ट अमेजिंग परफेक्ट सो ये चैप्टर में बहुत लोग वैसे डाउट भी होता है अभी या yeah. क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आता है अगेन मैनेजेबल लेट सी दिस रफ में फटाफट लिखते जाएंगे मेन सोल्यूशन यू विल बी हैविंग यू ओके सो डोंट वरी चलो थोड़ा पानी और पी लेते है. हैं चलो नाउ शुरू करते ओके नाउ पे चलो एक खत्म हो जाएगा तो खाने पीने का ब्रेक ले ले लेंगे. टी वाई के फाई। exactly, चलो. चलो मनमीत. So uh, okay. uh, so, है है uh, और ये है आपका टी वाई के फाई। अच्छा जी. चलो, क्या है देखता हैं. स्प्लिट कर देते स्क्रीन को चलो लेट्स सी दिस पे है हमारी एक कंपनी और ये कंपनी का एक साल का डेटा दिया गया है टू जीरो एक्स नाइन का परफेक्ट आगे सर इसमें क्या दिया गया है इसमें कुछ तो डेटा वेटा दिया है लेकिन एट देन बोला क्या पहले पढ़ लेते तो पता चलेगा प्रिपेयर अ बजट हाँ सर बना देंगे बजट बोला है ना बना देंगे कौन से कौन सी ईयर का टू प्रेजेंट द मैनेजमेंट शोइंग करंट पोजिशन मतलब अभी जो चल रहा है वो एंड पोजिशन फॉर शायद ये नेक्स्ट ईयर का रहेगा मतलब टू जीरो एक्स जीरो एंड देन भी अरे तीन चीज़ है पहले current position का बजट बनाओ वो मोस्टली टू जीरोगा ये रहेगा ड्यूरिंग रहे uh, पहला फर्स्ट करंट ये एक्स नाइन रहेगा करंट पोजिशन फिर आने वाले साल का विच इज टू जीरो का एंड देन एक कमेंट कीजिए बस तो तीन चीज है दो बजट बना के एक कमेंट करने का है पहले सर बजट बना लेते हैं कमेंट बाद में ओके पहले बजट टू जीरो का बजट चलो ठीक है फिर कमेंट पेमेंट प्रॉफिट कहां पे ज्यादा है क्या है चलो देखते हैं तो सर क्वेश्चन इधर है और ये टू जीरो नाइन का डेटा एक काम करते हैं ये डेटा बाद में पढ़ेंगे ये ड्यूरिंग वाला ये आपका ये वाला शुरू होगा नेक्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट बजट के लिए काम आएगा ये वाले को बाद में देखते हैं ड्यूरिंग uh, पहले ये वाला ही पढ़ लेते हैं ये अपने को पहले ये इसका आंसर दे देगा किसका का टू जीरो का। पास है ना अपने पास दो प्रोडक्ट है ठीक है सर ए है और बी है ओके okay. और इसके लिए यूनिट दिया गया मैंने ए का कितना बनाया बी का कितना बनाया सेलिंग प्राइस दी गई है अगर ये मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि सर टू लाख मेरा यूनिट बनता है एक यूनिट टू रुपीज में सेल होता है तो टू लाख इन टू यू विल गेट सेल्स वैल्यू 1 ,000 ,000 value, okay. उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे सर, cost, cost, वो कर लेंगे, सर. है? Okay. और कुछ डेटा है एक काम करते है जो वर्किंग नोट से हो जाएगा सुनो क्या सुनो एक लाइन है एक लाइन एक इधर है ना मटेरियल कॉस्ट इधर लेबर कॉस्ट अभी एक ओवरहेड्स अपना हुआ नहीं है पर समझ में आ जाएगा सर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सर मटेरियल का खर्चा तो होता है लेबर का भी होता है, एक और होता है, बोलते है अच्छे से ओवरहेड ना समझेंगे अभी उसको बीच में लाने का सेंस नहीं है इज रिकॉर्डेड एज अ परसेंटेजेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस मतलब यह खर्चा डायरेक्ट वेजेस पे डिपेंडेंट है ओके खर्चा डायरेक्ट वेजेस पे डिपेंडेंट है ऐसा कुछ बोला है अच्छा एक और है ओवरहेड के बाद एक और कॉस्ट है अदर वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ ज्यादा ही कॉस्ट है एक एक करके समझ में आते तो दिमाग में जाएगा मैं जैसा बोलता हूं वैसा लिखते जाओ और बेटर होगा यू कैन लीव अ फोर लाइन फॉर वन वर्किंग नोट चाहिए तो फोर लाइन जस्ट लीव अगर आप लिख रहे हो रॉक में इट इज रिकमेंडेड आपको लिखना चाहिए मेरे साथ ओके इट इज हंड्रेड परसेंट ऑफ वेजेस यस ये परफेक्ट सुनो पहले बजट कौन सा बनाने का है सर पहले बजट टू जीरो एक्स नाइन का बनाने का फिर बजट टू जीरो आगे नेक्स्ट ईयर का सुनो सर पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट ए है बी है और है उसके बाद दोनों का टोटल बना लेता है दो प्रोडक्ट है अपने परफेक्ट ओके सर दोनों प्रोडक्ट का कितना कितना बेचने का सोच विचार किए हो क्वांटिटी हाँ सर कुछ तो सोचा है सर और बी का टोटल करने का जरूरत नहीं है सर कितना बेचने का सोचा है जरा देखते हैं तो सर ए का टू बेचने का सोचा है और लाख 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 का का ओके सो इधर आते हैं हमने सोचा है सर यूनिट्स बेचेंगे और इसका एक लाख यूनिट्स बेचेंगे सर यूनिट्स क्वांटिटी इतना यूनिट्स बेचेंगे शुरू करते हैं बजट बनाने का आप ना प्रॉफिट निकालते सर कमेंट करने के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है किधर प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है वो अपने को दिखने का तो एक काम करते हैं

तो सर टू लैख इंटू टू फोर लाख हो जाएगा सेल्स ब्रैकेट में आप यहाँ पे इंटू क्या क्या बता सकते हो ये थ्री पॉइंट फाइव एक यूनिट का है इन टू यूनिट तो थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड का सेल्स सर टो टोटल सेल्स फोर लाख प्लस थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड एक ठीक है इंस्टीट्यूट ने पता नहीं तुम्हारे पे मेहरबानी किया है देने का जरूरत नहीं था टोटल वाला दे दिया है ऑलरेडी पूरे साल का ये तो ए और बी का बाइफरकेशन है टोटल में देखो दे दिया है आपको टोटल क्या था करके तो आपको टोटल वाला डेटा पता है आपको बस इसको डिवाइड करना है ए बी में ये टोटल है कंपनी का चलो अब इसमें से परफेक्ट अभी इसमें से कॉस्ट माइनस करेगा कौन सा कॉस्ट सर पहले वेरिएबल को ही माइनस करते हैं चलो वेरिएबल को तो सर वेरिएबल में क्या क्या आता है पहला मटेरियल आता है फिर लेबर आता है तो पहले डायरेक्ट मटेरियल फिर डायरेक्ट लेबर

सेवेंटी फाइव थाउजेंड देन वन लाख इंटू पॉइंट फाइव दैट इज फिफ्टी थाउजेंड परफेक्ट सर और ये टोटल करते हुए वन लाख सेवेंटी फाइव आ जाता है और ये वन लाख आ जाता है डन सर सर क्या इतना ही कॉस्ट है क्या अरे नहीं नहीं बाबा तुमने सेल्स लिखा तुमने मटेरियल लिखा देखो वन मैच हो रहा है लेबर लिखा और भी तो कुछ वेरिएबल है देखो किधर तो वर्ड दिखेगा ये तो फिक्स्ड है ये फिक्स्ड है ये फिक्स्ड है तो उसके अलावा और वेरिएबल क्या है देखो ये एक लाख तो ये टोटल में एक लाख है ये टोटल में एक लाख है वेरिएबल ओवर सर लेकिन अगर ये वेरिएबल एक लाख है तो इंडिविजुअली कितना अरे एक लाइन लिखा था वेरिएबल ओवर इट इज रिकॉर्डेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेरियस डायरेक्ट वेरियस पर डिपेंडेंट है और क्या आपको समझ में आता है जब लेबर कॉस्ट एक लाख होता है ये भी एक लाख होता है टोटल में तो इंडिविजुअली कितना उसके ही रेशियो में तो आप इधर लिख सकते हो परसेंटेजेस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड ऑन वेजेस अगर एक वर्किंग बनाना हो, तो हम बोलेंगे दैट इज फॉर्मूला विल बी वेरिएबल ओवरहेड, या तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई कि वेरिएबल ओवरहेड वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड कि जब ये एक लाख होता है तो ये भी एक लाख होता है तो अगर ये हंड्रेड होता तो ये कितना रिकॉर्ड करते आप वैसा कितना परसेंट वेरिएबल ओवरहेड रिकॉर्ड करते ये तो हंड्रेड परसेंट ही आने वाला है बट एक जस्ट बता के रखता हूं वैसा मतलब यहां पे तो ये सेम है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड आएगा देखो ये एक बार देख लो चाहिए तो वो परसेंटेज जस्ट एक निकाल सकते हो यू कैन डू दैट वर्किंग ओके गाइस ओके चलो सर इधर पचास हजार आएगा इधर फिफ्टी थाउजेंड आएगा और कुछ है क्या हाँ सर अदर वेरिएबल कॉस्ट भी है अदर वेरिएबल कॉस्ट अदर वेरिएबल कॉस्ट वो कितना है और सर एक का जीरो पॉइंट टू फाइव है रुको देखो ये और बी का कितना है जीरो पॉइंट थ्री जीरो ओके ठीक है तो जीरो टू पॉइंट एक यूनिट का है तो दो लाख का कितना टू लाख इन टू पॉइंट टू फाइव बोले तो फिफ्टी थाउजेंड ये भी आ गया देन पॉइंट थ्री एक का है तो एक लाख का कितना थर्टी थाउजेंड ये आ गया सर इनटू ये प्लस मार दो तो एटी थाउजेंड हो जाएगा आई होप एवरीथिंग इज क्लियर दैट मेक्स सेंस आई एग्री एट ओ क्लॉक के बाद अटेंडेंस थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज लोग खाने पीने जाएंगे तो शायद आठ बजे कोई और भी लाइव लेक्चर हो सकता है ओके okay, सुनो so no. चलो सुना so एक काम करता है सर ये मेरा सेल्स वैल्यू है ओके okay. ये मेरा सेल्स वैल्यू है लेट मी गेट द चलो ये इंडिविजुअल कॉस्ट पहले यहाँ पे टोटल ये भी निकाल लो कितना है आपका ये वाला टोटल करना खाली इतना इतना टोटल करना है ये कितना आता है जरा देखो ये वाला भी टोटल करो कितना आता है जरा देखो तो सर वन लैक प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड 75,000 plus 50 plus 50 plus 30,000. That is 2 lakh 5,000. And then seventy five plus plus 1 lakh plus 1 lakh plus 80,000, which is 4 lakh 55,000. Okay. So this is my variable cost. If I tell you to get the contribution, can you do that? Yes, sir. Very easy. So it is A minus B. If A hai to ye B So sir minus curly J.

बताओ क्या यहां तक का पार्ट क्लियर होता है फिर आगे बढ़ते हैं शुभम दैट इज परफेक्ट राइट आंसर सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल ओके चलो आगे देखते हैं चलो तो सुनो इफ दिस इज डन ओके कॉन्ट्रीब्यूशन सुनो यहां आंसर so, आपका आ जाता है शुभम के बाद परफेक्ट तो चलो सब कुछ सही जा रहा है कोई टेंशन नहीं सुनो अब सर इसमें से अगर सब कुछ सही जा रहा है तो अभी इसी में से अपने को निकालने का फिक्स्ड कॉस्ट डन डन ओके परफेक्ट सुनाओ अगर अपने को फिक्स कॉस्ट निकालने का है तो देखो सर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है देखो फिक्स कॉस्ट ए के लिए कितना बी के लिए कितना नहीं लिखा है तो ये कंपनी के लिए होता रहेगा शायद एक फैक्ट्री होगी इसके अंदर हम ए बी बनाते हैं बी बी बनाते हैं अलग अलग फैक्ट्री नहीं है देर इज वन फैक्ट्री इट हैज टू प्रोडक्ट तो सर सीधा कॉस्ट लाख है कंपनी का और यहाँ पे कॉस्ट ये वाला एटी थाउजेंड है सर वन लाख एटी थाउजेंड वन लाख ए और बी का नहीं हेलो आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो एक है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एक, है और एक है factory, ऐसा

2 लाख 95,000 माइनस 1 लाख 80,000 एंड 1 लाख 15,000 का प्रॉफिट परफेक्ट ये आपका 20x9 का प्रॉफिट है अभी 2010 का भी ये बजट बन गया ये सेम बजट अपने को 2010 का बनाने का है सेम छोटे मोटे चेंजेस बस अदरवाइज सेम बजट हो जाएगा ओके okay, अभी कर लेते यार, टेक। मतलब कैसे है? कुछ हो गया है ना मेक द सेम बजटेंड नाइन है मतलब टेन का बजट बनेगा सेम देखो फॉर्मेट सेम रहेगा आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा चाहिए तो सुनो यहाँ पे ए रहेगा यहाँ पे बी रहेगा एक जगह पे टोटल रहेगा यहाँ पे आपका पर्टिकुलर रहेगा अब क्या क्या चेंजेस का का है।, है मतलब कम होएगा एक ट्वेंटी से कम होगा फिफ्टी परसेंट पहले ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम होएगा मतलब कितना यूनिट्स बेचा जाएगा ए का अगर मैं आपको बता दूं तो देखो कॉस्ट्रीट फॉर्मेट में किया तो भी चलेगा देवेश किसी भी फॉर्मेट में कर चल जाएगा कोई टेंशन नहीं है बस आंसर तेरा प्रॉफिट का राइट होना चाहिए बजट तुम कैसे भी फॉर्मेट में बनाओ कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ट्वेंटी फाइव परसेंट बस प्रॉफिट का आंसर राइट अभी से कम तो पहले दो लाख यूनिट बेच रहे थे आप टू लाख मिनिट्स माइनस कितने परसेंट से कम माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके अरे सॉरी 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 मैंने एक चीज पढ़ी ही नहीं और हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है सी अरे अरे चलो ठीक है सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं दिया चलो एक नया प्रोडक्ट भी ऐड हो रहा है विच आई डिट पे अटेंशन टू इसमें एक और एक प्रोडक्ट ऐड हो रहा है सी आगे पढ़े तो पता चल ही जाता बट चलो ठीक है अपने वो पढ़े बिना ऐसा ही भी लिख दिया एक सी भी ऐड हो रहा है चलो बी का डिमांड ट्वेंटी से कम हो रहा है सर बी पहले एक लाख बेचते थे ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम होना मतलब सेवेंटी फाइव थाउजेंड बेचना एक सेकेंड बी का डिमांड कितने से कम हो रहा है ट्वेंटी फाइव से नहीं हो रहा यार ये क्या है ध्यान भटक रहा है अपना ए का डिमांड ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम हो रहा है और बी का डिमांड फिफ्टी परसेंट से कम हो रहा है तो बी का डिमांड फिफ्टी परसेंट मतलब एक लाख से पचास हजार हो जाएगा सीधा फिफ्टी परसेंट कम कर दो और अब एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं सी और सी का डिमांड कितना रहने वाला है टू यूनिट्स का प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वांटिटी ओके वन साइज से क्वांटिटी अभी सुनना इसमें कैसे होगा वापस पहले आप सेल्स लिख दोगे ओके okay, सुनो सेल्स काफी इजी है पहले मैं सी का निकाल लेता हूं कि सी का टू लैख यूनिट बेचोगे मल्टीप्लाइड इट इज गोइंग टू बी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड अगर मैं ए और बी का सेल्स वैल्यू निकालू तो क्या मुझे ए और बी का यह पता है uh, मुझे ए और बी का

वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड, तो थ्री लाख प्लस वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड एट लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड, ये मेरा हो जाएगा। ओके okay, सुनो इसमें से आप क्या करोगे इसमें से भी आप लेस करोगे कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पहले तो अच्छा वह ना इसे वेरिएबल कॉस्ट सुनना वेरिएबल कॉस्ट में Uh, पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर आएगा डायरेक्ट लेबर फिर आपने वेरिएबल वेरिएबल लिखा था, फिर अदर कॉस्ट। ओके देखो सिंपल है। मैं पहले सीखा कर लेता हूं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दो लाख यूनिट रहे हो into That is 80, फिर आप अगेन टू लाख यूनिट रहे हो और लेबर का पॉइंट टू फाइव का खर्चा है तो इट इज अगर Into that will give you 50, okay. अगर मुझे यही ए और बी के लिए निकालना हो तो अरे सर सिंपल है ए और बी का मेटल का खर्चा कितना है बस इस बार इंटू जरा ध्यान से करना ये चीज को मल्टीप्लाईड बाई आपको uh, कितने एक लाख पचास और ये चीज को आपको मल्टीप्लाई बाय करना है 50, चलो तो कर लेते हैं uh, 150 into into that is, ये क्या 150,

वेरिएबल सेम आ जाएगा बिकॉज इट इज हंड्रेड परसेंट ऑफ लेबर ओके सो दिस इज इज सेम अंडरस्टैंडेबल आपको समझा होगा अभी जो आपको बोला गया है ओके okay. सर थोड़ा और आगे जाते हैं क्या लिखा गया है चलो देखते हैं लेट्स लुक क्वेश्चन में क्या लिखा है अदर वेरिएबल कॉस्ट के लिए अदर वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं अदर वेरिएबल कॉस्ट के लिए बात करूं इट इज एंटिसिपेटेड दैट अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए ये सी की बात हो रही है हेलो कि मैं प्रोडक्ट सी लॉन्च कर रहा हूं तो उसके अंदर मटेरियल इतना लेबर इतना और अदर वेरिएबल वाला कितना रहेगा सर अदर वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा जैसा ए का है पर यूनिट जितना है हेलो पर यूनिट सेम रहेगा मतलब ए का पर यूनिट कितना है ए का पर यूनिट पॉइंट टू तो फाइव पर यूनिट पॉइंट टू तो फाइव है मतलब सी के लिए भी पॉइंट टू तो फाइव रहेगा अदर वेरिएबल कॉस्ट और कितने यूनिट्स के लिए दो लाख यूनिट्स के लिए टू तो लाख इंटू पॉइंट टू तो फाइव क्या पता ये समझा गया तुमको क्या बोला C का जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो ए जितना ही रहेगा पर यूनिट में तो वो पॉइंट टू uh, फाइव था और इंटू यहाँ पे दो लाख यूनिट हम सी के बना रहे हैं अभी मैं अदर वेरिएबल कॉस्ट चलो इसकी बात कर देता हूँ ए और बी की तो सर ए और बी का कितना है पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री इंटू कितना करना है आपको पता है पंद्रह हजार डन और कुछ फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो तो उतना ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में so कॉन्ट्रीब्यूशन uh, मतलब, देखो गेट दिस आंसर इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा एंड देन आप इसमें से माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट जो यस yes. जो आपका फिक्स कॉस्ट वन एटी ही रहेगा कुछ नहीं बोला मतलब देर इज नो इंक्रीज तो वन लैख एटी और फिर ये लेस करने के बाद यू विल गेट द प्रॉफिट और जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन है अपने पास टू जीरो एक्स नाइन वाला प्रॉफिट आपको आ जाएगा इतना ये तो का प्रॉफिट आ जाएगा मैनेजेबल है ये मैनेजेबल है मुझे लगता है इतना समझाने के बाद तो हो जाएगा टोटल करके चलो वन लैख ट्वेंटी का प्रॉफिट तो आ जाएगा सर कमेंट करने बोला है तो कमेंट में क्या करेंगे देखो सिंपल कमेंट में सर क्या करने का वंस यू गेट द प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट किधर दिख रहा है आप नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्ट सी लॉन्च कर रहे हो देखो ऐसा हो सकता है देखो आप चॉकलेट्स बेचते हैं लेटेस्ट डेरी मिल्क है तो डेरी मिल्क दो तरह का चॉकलेट बेचता है अभी जो रिलेशनशिप में ज्यादा पता रहेगा कुछ सिल्क विल्क या कुछ भी ऐसा बोल दो वगैरह बबल या वॉट एवर यू टू से तो ऐसा दो तीन अपन चॉकलेट दो प्रोडक्ट बेचते हैं अभी मैंने चॉकलेट ए एक नॉर्मल डेरी मिल्क है और मान लो एक है, आपका सिल्क वाला है ओरियोलेटस से ऐसा कुछ है अब मैंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया सर मैंने ना कुछ फ्रूट एंड नट ऐड किया तो क्या ना इसे अभी लोग ये भी खरीदेंगे तो शायद जो सिल्क खरीदने वाला था वो फ्रूट एंड नट खरीद सकता है मतलब तो एक नया प्रोडक्ट ऐड करने से इनकी डिमांड शायद थोड़ी बहुत कम हो सकती है इसलिए ए और बी की डिमांड कम हुई है लेकिन सी आया है तो उसका लेकिन मैं बताऊ टोटल में प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है तो सर पहले प्रॉफिट जो हो रहा था वो एक लाख पंद्रह हजार का हो रहा था जब दो प्रोडक्ट है अभी तीन प्रोडक्ट के आने से तीन प्रोडक्ट के आने से मेरा प्रॉफिट वन लाख ट्वेंटी फाइव हो जाता है जो प्रॉफिट पहले कितना था एक लाख पंद्रह हजार का था 1, 15, my has by 10, so 10, से बढ़ रहा है सो परफेक्ट सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग कंपनी शुड गो विध दिस विच इज कॉमेंट आपको बस इतना लिखना होता है ओके सो परफेक्ट हमने यहां पे एक पार्ट खत्म कर लिया है बजटरी कंट्रोल का कल इफ आई गेट द टाइम आई विल डेफिनेटली अपलोड एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो एक फाइल होता है कि कौन से मुझे है, दूसरा पार्ट विच इज फिक्स एंड फ्लेक्सिबल का थोड़ा पानी पी लेते हैं बहुत ज्यादा टाइम ने पढ़ा दिया चलो आई एम भी कितने लोग साथ में हैं दोनों बोतल खत्म हो गया लगता है हाँ सो so, ठीक है विल ब्रिंग अनदर ठीक है देखते हैं। चलो कोई नहीं uh, सुनो यहां पे अभी हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं ओके okay. तो आप जैसे देख सकते हो देखो ये है ना एकदम छोटे पार्ट से ये वाले इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेन ये दो ही है एक्स फ्लेक्सिबल एंड फंक्शनल उसके बाद ये तो ऐसा है कि आधे घंटे में भी शायद खत्म हो जाए वैसा या एफएनआर में ये दोनों भी तो मेरा भी एक फंक्शनल वाला है एंड देन ये फिर अपना टॉपिक खत्म अभी आपको इसकी समरी बता देता हूं जो हमने पढ़ा है अभी तक जस्ट दो मिनट में अगर सर कभी भी बजट बनाने बोला एक्सपेंस बजट या कुछ सबसे पहला आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1 जहां पे हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऐसा पता होना चाहिए सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं नहीं इसलिए तो एक घंटे के बाद ब्रेक लिया जाता है राइट इतना पानी पीने थे इसलिए अभी सुनो तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पहले फिक्स ढूंढने का जो टोटल में सेम रहेगा फिर वेरिएबल ढूंढने का पर पर यूनिट यूनिट निकाल के जो, पर निकाल के जो पर निकाल में सेम रहेगा और जो नहीं हो, सेमी वेरिएबल और अगर सेमी वेरिएबल है तो वर्किंग नोट नंबर टू रहेगा सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वो डिफरेंस इन कॉस्ट वगैरह करके और जैसे ही आपको ये पता चल गया नाउ यू कैन मेक द बजट और बजट बनाते टाइम अगर कॉस्ट बढ़ रहा है ऐसा बोला

Uh, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ खाना बन गया हो तो विल टेक अ ब्रेक खाना खाने का पंद्रह मिनट का एंड देन विल जस्ट स्टार्ट सो लेट मी जस्ट कंफर्म इफ दैट्स डन विल स्टार्ट विद द थिंग्स जस्ट एक मिनट दो ओके नाउ नाउ लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड खाना पांच मिनट में बन जाने वाला है तो अपन एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है फंक्शनल बजट का पांच मिनट के बाद एक ब्रेक होगा पंद्रह मिनट का तो अभी ध्यान देते हैं चलो लेट्स हैव लुक शुरू करते हैं आई होप एवरीबॉडी इज देयर या तोड़ विल से या नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सर सेकंड बजट है हमारा फंक्शनल बजट फंक्शनल बजट अभी फंक्शनल बजट क्या होता है व्हाट इज फंक्शनल बजट सुनो क्वेश्चन सिंपल है फंक्शन मतलब क्या अगर मैं एक फोन की बात करूं हां जैसे ये फोन थोड़ा सा शॉप भी कर लेता है it is the 23 अल्ट्रा लेटेस्ट फोन चलो सुनो सुनाओ। so नाउ अगर ये एक फोन है हां तो अगर ये एक फोन है तो ये फोन की अगर हम बात करेंगे इसके अंदर क्या-क्या फंक्शंस है कैमरा का फंक्शन है Zoom कर सकते हो चांद का फोटो निकाल सकते हो इससे जिंदगी में चांद होना हो इससे फोटो निकाल सकते हो देन रिकॉर्डिंग कर सकते हो वगैरह तो दीज आर मतलब एक फोन में क्या क्या फंक्शन है वो हो गए वैसे कंपनी के क्या होते? हो क्या होते सर, होते लाइक सर सर ही हो कंपनी 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 में में फंक्शन होता है जब चलती है तो उसमें क्या क्या फंक्शन होता है पहले हाँ ट्रू हंड्रेड एक्स एग्जैक्टली तो आप सेल करते हो गुड्स ये एक फंक्शन है सेल्स और सेल्स के लिए होता है सेल्स मैनेजर थोड़ा शॉक ठीक है सुनाओ सर लेकिन गुड्स सेल्स करने से पहले बनाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन भी एक फंक्शन है और प्रोडक्शन के लिए रॉ मेटेरियल जरूरत पड़ेगी तो रॉ मेटेरियल के लिए खरीदना पड़ेगा तो रॉ मेटेरियल परचेज करना पड़ेगा ये भी एक फंक्शन है और लेबर को हायर करना पड़ेगा तो एच आर डिपार्टमेंट तो लेबर का ट्रेनिंग वगैरह ये भी एक फंक्शन है देना सो आई कैन से हम एक हर एक फंक्शन का बजट बनाएंगे हम हर एक फंक्शन का बजट बनाएंगे अगर हमारे कंपनी में सेल्स मैनेजर है तो उसको टारगेट देना पड़ेगा देखो जिंदगी में है ना तुम हो या मैं हो हर काम है ना हर काम

अचीव करते वैसा करके तो सुनो हाँ मैं मराठी शिक्षण मराठी मध्य है है, चलो अभी ध्यान देते हैं सुनो तो नाव विल से दिस, ओके। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखना पहला बजट जो बनेगा वो सेल्स बजे सेल्स मैनेजर के लिए टारगेट बेचने का इतना है फिर इतना बेचने के लिए कितना बनाना पड़ेगा तो दूसरा बजे होगा और वीडियो बीच-बीच में रुक जाता है क्या ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज सिस्टम इज अपडेटेड तो मे बी वाई फाई का अगर इशू हुआ तो शायद हो सकता है बट नो इज देर एनी जस्ट लेट मी नो अदर्स कि वीडियो बीच में अटकता है ऐसा कुछ इशू है क्या बिकॉज आई एनी आइडिया उस चीज के लिए अरे कुछ बोलो पापा नहीं तो मुझे लग रहा है मेरा सुनो कमेंट आ नहीं रहे फोन से देख लेते नो सर शायद मेरा नेट इश्यू होगा यह अभी ना शायदिंग सबसे तो, so, no. so, पहला बजट कौन सा बनेगा सेल्स सेल्स के बाद कौन सा बजट बनेगा प्रोडक्शन परफेक्ट नाउ और ये गुड्स को बनाने के लिए क्या लगेगा रॉ मेटेरियल लगेगा और लेबर लगेगा तो so, इसको बोलते हैं फंक्शनल बजट सेल्स फंक्शन का बजट प्रोडक्शन का बजट रॉ मेटेरियल का बजट लेबर का बजट स्मूथ so, चल रहा है यह परफेक्ट Now, सुनो ये शेख चिल्ली क्या है ये ठीक है नो इश्यू परफेक्ट तो सुनो फ़ाइन अब हमें निकालने एक काम करते हैं. सुनो सेल्स बजट से प्रोडक्शन दिस काफी एक बेसिक सा क्वेश्चन भी मैंने रखा था एक डेमो ऐसा क्वेश्चन उनको एक समझा दिया था देखो ये एक एग्जाम्पल है no क्या बोलता हूं अगर ये मेरा एक अकाउंट है तो आपको ये समझ में आता है ओपनिंग स्टॉक इधर आता है फिनिश गुड्स का

थाउजेंड इज ऑलरेडी देयर विद मी इन द ओपनिंग आई नीड टू प्रोड्यूस ओनली ट्वेल्व थाउजेंड सर फॉर्मेट याद कर लेते हैं फॉर्मेट क्या क्वांटिटी सोल्ड प्लस द क्लोजिंग स्टॉक जो दोनों एक साइड पे माइनस ओपनिंग स्टॉक देखो ये याद हो जाना चाहिए अभी अभी ये याद हो जाना चाहिए क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस जस्ट बाय हार्ट दिस दैट इज क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस आपका ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू क्वानिटी प्रोड्यूस फिर ये बनाने के लिए लगेगा रॉ मेटेरियल फिर यह बनाने के लिए लगेगा रॉ मेटेरियल अभी देखते हैं यहां पे डेटा है सुनो रॉ मेटेरियल अच्छा सर हम बनाने कितना वाले हैं हम बनाने वाले हैं ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट पक्का सर अब हर एक यूनिट बनाने के लिए जैसे हम ये पेन बनाते हैं तो सर पेन के लिए क्या लगता है प्लास्टिक प्लास्टिक लगता है तो सुनो तो सर हर एक पेन बनाने के लिए कितना के प्लास्टिक लगता है रॉ मेटेरियल अरे ये रॉ मेटेरियल का प्राइस है सॉरी हाँ वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स थ्री के जी ऑफ अ प्लास्टिक तो हर प्रोडक्ट कितना के जी प्लास्टिक लगता है सर दो के जी थ्री के जी प्लास्टिक लगता है सर मेरे को थ्री के जी प्लास्टिक मशीन में मैं कंज्यूम करेगा तो जाके कंज्यूम करेगा तो जाके एक पेन बनता है मान लेते हैं एक प्लास्टिक का चेयर बनता है मेरे को तो बारह हजार बनाने का है चेयर मशीन के बाहर बारह हजार यूनिट्स आने चाहिए तो मशीन में रॉ मेटेर कितना डालना पड़ेगा थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स रॉ मेटेर लगता है 12,000 इंटू थ्री तो दिस इज द रॉ मेटेलरी रॉ मेटी अभी सुनो मैं चाहता हूं इतना रॉ मेटेरियल मशीन में जाना चाहिए थर्ट सिक्स थाउजेंड और ये जाने के बाद भी मेरे पास नाइन थाउजेंड का स्टॉक रहना चाहिए रॉ मेटरियल का सर थर्टी थाउजेंड जाने के बाद भी का स्टॉक दिखना चाहिए मतलब खरीदना कितना पड़ेगा थर्टी थाउजेंड में जाने के बाद एक्सपेक्टेड इट मीन एक्चुअली आई शुड परचेस दिस मच रॉ मेटेर

और आपको मिल जाएगा रॉ मेटेरियल टू बी परचेज ये क्वांटिटी में आंसर आ जाएगा यूनिट्स में इतना क्वांटिटी खरीदने का है और इनटू अगर आप परचेज कॉस्ट करोगे तो कॉस्ट आंसर आ जाएगा कितना रुपया जाएगा करके क्या आपको ये समझा क्वेश्चन के साथ और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बट यू गॉट दिस पॉइंट राइट परफेक्ट आगे बढ़े चलो सुनो अब आगे बढ़ते हैं हा सेंचुरी चलो सुनो परफेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन एक करेंगे फिर ब्रेक लेंगे ये खतरनाक सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ओके देन वी विल टेक अ ब्रेक आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेवन ओके चलो या ब्रेक के बाद ही क्वेश्चन शुरू करते हैं चलो विल डू वन द ब्रेक ऑफ फिफ्टीन मिनट्स पंद्रह मिनट का ब्रेक होगा पंद्रह मिनट के बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन फंक्शनल बजट्स वगैरह ठीक है लेट टस टेक द ब्रेक पंद्रह मिनट का ब्रेक एग्जैक्ट विल ट्राई टू कम पंद्रह मिनट में हो जाता है आराम से खा के यू ऑल्सो प्लीज कम तुम्हारे पास लिबर्टी है खाना खाते खाते भी देख सकते हैं शुरू करते ब्रेक से फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक गाइट लेट्स मीट आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स हेलो वॉइस बंद करके गया था मैं अच्छा हुआ याद दिला दिया हो गया हो गया हो गया समझ में आ गया ऑडियो समझ में आ गया अभी नहीं आ रहा आ रहा है क्या है चलो लेट्स सी दिस ओके सो नाउ परफेक्ट चलो या प्लीज ट्राई ओके चलो शुरू करते हैं नाउ इट इज ऑडेबल हेलो एक बार यस बोल दो दो लोग तो पता चलेगा हाँ कि सब बराबर है यस सर अरे अभी तो आना चाहिए बस बताओ नाउ क्लियर या चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में पढ़ना शुरू करता हूं फिर आगे देखते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सेवन फंक्शनल बजट है सर सुनो सर तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से अपने को जल्दी जल्दी अभी खत्म करने का फटाफट सुनो एकदम इधर अभी ठीक है तो सर यह है क्वेश्चन नंबर सेवन इलस्ट्रेशन कोई तो होगा मॉड्यूल के अंदर आ, ध्यान दीजिए फाइव सिक्स समथिंग आई थिंक फाइव या ऐसा कुछ था लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर फोर आई थिंक या चलो सो नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए लेट्स हैव अ लुक सर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है सर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बजट बनाने का है पहले कौन सा प्रोडक्शन बजट डन और ये जो बजट बनाना है आने वाले साल के लिए क्वार्टर वाइज बनाना है अच्छा आई से क्वार्टर वाइज मतलब आपको समझ में आना चाहिए वाइज मतलब फॉर द ईयर तो क्वार्टर वाइज बनेगा मतलब ऐसा बनेगा अगर मैं पहले चीज बना देता हूं प्रोडक्शन बजट जो क्वेश्चन में पूछा है जिस राइट डाउन प्रोडक्शन बजट अगर मुझे बनाने का है तो आई विल गिव द हेडिंग एज प्रोडक्शन बजट ठीक है ओके एंड देन आई विल से क्वार्टर्स तो चार क्वार्टर्स होते हैं पर्टिकुलर्स क्वार्टर 1 2 3 4 एंड टोटल ईयर year. Year का हो गया यस दिस इज इलास्ट्रेशन नंबर फोर ओके चलो देखते हैं सुनो इन द मॉड्यूल चलो अभी इधर ध्यान दीजिएगा सुनो ये फॉर्मेट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड और यही प्रोडक्शन बजट बोला है ठीक है सुनना ध्यान से सर क्वेश्चन से अभी मुझे क्या डेटा पता चलता है ध्यान से सर क्वेश्चन से मुझे ये पता चलता है कि हाउ मेनी यूनिट्स यू आर गोइंग टू सेल तो मैं लिखते जाता हूँ ये डेटा है आपका क्वार्टर वाइज का सेल्स का डेटा है कितना कितना बेचोगे सो so, मैं थर्टी थाउजेंड क्वार्टर वन में बेचूंगा थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड क्वार्टर टू में टोटल इतना में, मार्केट में बेचने वाला हूँ डन ईयर में पूरे साल में ओके okay. सर अगर हम आगे जाते हैं तो मुझे ये पता चलता है ध्यान से क्वार्टर ये ईयर है ना ईयर ईयर के बिगिनिंग में कितना स्टॉक है आपके पास

Already है? I should produce आपको बनाना पड़ेगा सर यह क्वार्टरवाइज चाहिए कैसे पता क्वेश्चन में लिखा था कि यह डेटा आपको क्वार्टरवाइज निकालना अपने ईयर का तो निकाल दिया करना है प्रोडक्शन बजट को ठीक है क्वार्टरवाइज भी कर लेंगे सुनो क्वेश्चन में एक प्रोडक्शन का पैटर्न दिया गया सर क्या पैटर्न है समझो पैटर्न ये है प्रोडक्शन का ईच क्वार्टर के अंदर 80 परसेंट ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर 80 परसेंट करंट क्वार्टर का निकालो एंड ट्वेंटी परसेंट सेल्स क्वार्टर 20 नेक्स्ट क्वार्टर का निकालो मतलब मैं एक का बता देता हूं आई से थर्टी थाउजेंड करंट क्वार्टर है तो करंट क्वार्टर का एटी परसेंट निकालो हम इतना इस बार बना लेंगे और आने वाले क्वार्टर का भी अभी थोड़ा सा बना के रखेंगे बिकॉज फर्स्ट डे पे कस्टमर आएगा क्वार्टर टू में तो यूनिट्स चाहिए अभी बना के रखेंगे कितना कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह छोड़ो जरूरत नहीं है हमें सीधा प्रोडक्शन बजट चाहिए थर्टी वन फाइव हंड्रेड वी जस्ट नीड प्रोडक्शन बजट क्या ये आपको क्लियर है थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करके हल एवरीबॉडी थर्टी वन फाइव हंड्रेड क्या सर हम क्वार्टर टू का निकाल सकते हैं अरे हाँ, सर इसका 80 निकालो और इसका ट्वेंटी परसेंट निकालो चलो कैलसीपेन थर्टी सेवन फाइव इंटू एटी परसेंट एम प्लस फोर वन टू फाइव जीरो थ्री का आंसर तुम लोगों से चाहिए सो दैट आई विल कम टू नो कि तुमको समझ में आया है क्वार्टर थ्री का आंसर आई नीड फ्रॉम योर साइड क्वार्टर थ्री का आंसर आई नीड फ्रॉम योर साइड प्लीज सेंड मी दी आंसर आपके वीडियो को आप टू एक्स पे आगे लेके जाइएगा सो दैट यू विल आप लाइव आ पाओ मेरे साथ वैसा है गिव मी आंसर बहुत बार ऐसा होता है पीछे रह जाते हैं क्वार्टर थ्री का आंसर आपसे चाहिए मुझे देन ओनली आई विल स्टार्ट लेट सी हाले लेने का देना ले एक सेकंड एडाप्टर है जो भी चीज़ हेलो फोर एट टू फाइव जीरो ओके दिस इज़ गोइंग टू बी फोरटी टू थाउजेंड एवरीबॉडी राइट आंसर फर्स्ट आंसर इज सालिमा ओके अच्छा पलक उसके ऊपर है देवेश या या भार्गव परफेक्ट परफेक्ट सो इसका इसका सुनो 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 लेकिन एक गलती नहीं करने का सर क्या गलती नहीं करने का अरे इसका एटी परसेंट ठीक है इसका ट्वेंटी मत निकालो वो ईयर है टोटल है तो आपको बैलेंसिंग फिगर लेना है दिस इज टेकन एज बैलेंसिंग फिगर दैट्स इट बैलेंसिंग इज़ और उसमें से पहले का सारा बजट बनाने है जो हमने बना दिया मैनेजेबल है समझ में गया रहेगा सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हां से सुनो इट इज ऑफ अ फास्ट ट्रैक लेक्चर रेगुलर के सारे क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं। और बस थोड़ा स्पीड में तो बस ध्यान दीजिए सॉरी सर क्वेश्चन फोर का बता रहा था ओके ठीक है इनफ क्वार्टर का बता रहा था शुभम दैट्स ओके सॉरी वीरी क्या है उसमें सुनो अभी सर पहला बजट बन गया सर पहला बजट बन गया सर लेबर का हा प्रिंस लेबर भी करा देंगे एक बार मैं अभी शेड्यूल जो बनाए ये फॉलो करते बीच में एक खा दिन लेबर भी करवा देंगे इफ पॉसिबल आई विल कीप अ लेक्चर डू नॉट वरी अबाउट दैट ओके विल डू दैट किसी दिन तो हो जाएगा थोड़े दिन अभी वेट कर दीजिए हो जाएगा डोंट वरी हो जाएगा गारंटी है थोड़े दिन चार दिन चार पांच दीजिए मुझे रॉ मेटेरियल का बजट बनाने का है इधर भी रॉ मेटेरियल अरे ठीक है सर लिख दो ना फिर दूसरा रॉ मेटेरियल का बजट दूसरा दूसरा तीसरा कंबाइन करते दूसरा एंड तीसरा दूसरा एंड तीसरा रॉ मेटेरियल बजट सेम जितने भी क्वार्टर्स है तो आई विल से पर्टिक्यूलर देन आई विल से क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर एंड टोटल नहीं तानिया आप क्वार्टर वन का ट्वेंटी परसेंट नहीं ले सकते हो गलत हो जाएगा आपको क्वार्टर फाइव नेक्स्ट क्वार्टर का लेना चाहिए लेकिन क्वार्टर फाइव का डेटा अपने पास नहीं है तानिया नहीं वी कैनोट डू दैट क्वार्टर फोर के बाद क्वार्टर वन नहीं आएगा क्वार्टर फाइव आएगा नेक्स्ट ईयर में अलग बेचोगे ना लेकिन नेक्स्ट ईयर का सेल्स अलग हो सकता है अब इस ईयर का क्वार्टर जो डेटा वन में थोड़ी रहेगा इस ईयर के क्वार्टर वन को बेस नहीं ले सकते उसके लिए सुनो अभी जो भी मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं सुनो ऊपर मेरे पास डेटा है और हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉमिटर लगता है मैं step step पढ़ता हूं जितना चाहिए ईच

एटी फोर थाउजेंड फोर्टी एट टू फिफ्टी इंटू टू कर दोगे नाइनटी सिक्स फाइव हंड्रेड एंड देन लाख सिक्सटी बोले तो थ्री लाख ट्वेंटी हो जाएगा देखो यहाँ पे आंसर यह आपका आ जाएगा थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड रॉ मेटेल कंज्यूमड आ गया अब सर ये आने के बाद ये आने के बाद, बाद इसमें अगेन हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक तो आपको रॉ मेटेरियल परचेस आ जाएगा ठीक है सर सर कुछ डेटा है Let's see this. क्या डेटा है अपने पास इतना अपना लिख के हो जाता है इतना समझ में आता है हाँ सर अब यहाँ पे आते हैं अब इधर आते हैं मेरे पास है ना कुछ तो स्टॉक का डेटा है ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया रॉ मेटेरियल का टेन थाउजेंड और ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है फाइव चलो ये तो हो जाएगा आराम से सर आ, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है फाइव सर so, क्लोजिंग स्टॉक फाइव बोला है और ओपनिंग स्टॉक बोला है टेन थाउजेंड ठीक है एडलेस में गलती मत करना प्लीज बी वेरी केयरफुल थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड और थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड दैट इज थर्टी वन ये थ्री लाख आपका फिफ्टीन थाउजेंड आ जाएगा थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड योर आंसर विल बी क्या थ्री लाख फिफ्टीन हाँ थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड परफेक्ट सो ये अपना आंसर रॉ मेटेरियल इतना खरीदना पड़ेगा सर ये इतना रॉ मेटेर जो खरीदना पड़ेगा क्वार्टर वाइज बता सकते हो क्या हाँ देखो जितना भी रॉ मेटेरियल मुझे खरीदना होता है एक साल में एनुअल में उसको मैं कितना परसेंट खरीदता हूँ क्वार्टर वन में थर्टी परसेंट खरीदता हूँ परचीज क्वार्टर टू तो में फिफ्टी परसेंट तो निकालते जाओ ये जो थर्टी वन फाइव हंड्रेड है, है।, है इसका फिफ्टी परसेंट थर्टी परसेंट सॉरी आप पहले क्वार्टर में खरीदोगे आई होप समझ में आता है एनर्जी होनी चाहिए एंड तक बैठना है खत्म करना है भाई वैसा है। नहीं तो हो नहीं पाएगा कभी वैसा ये वाला आंसर इंटू फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट आप खरीद लोगे में कुछ गड़बड़ किया था सारा रिक्वायरमेंट पहले तीन क्वार्टर में ही खरीद के रख लो बाद में मिले ना मिले क्वार्टर फोर में झंझटो पहले ही खरीद लेते सारा जो भी एक साल में चाहिए इतना रॉ मेटेरियल खरीदना है क्वार्टर वन में टू में टू थ्री में इतना अच्छा सुनो इंपॉर्टेंट चीज गलती मत करना सर क्या गलती नहीं करना आपको रॉ मेटेरियल परचेज वाला पार्ट वैल्यू में भी बताना है वैल्यू बता सकते हैं क्या हाँ ऊपर तो खाली यूनिट्स था यूनिट्स था लेकिन रॉ मेटेरियल ये भी यूनिट्स था लेकिन अभी परचेस को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है कैसे परचेस प्राइस है ना सर टू थ्री वन टू थ्री वन परचेज प्राइस और इस आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेस कॉस्ट आ जाएगा इस इसको रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड यू कैन इजीली गेट दिस आंसर्स मतलब वैसा है सिक्सटी थ्री थाउजेंड एक सेकेंड टू थ्री फोर नहीं एक सेकेंड एक मिस्टेक है ये टू थ्री फोर है गलती से टाइपिंग है अरे इधर टू थ्री फोर है अगर आप मॉडल देखोगे थोड़ा सा मिस्टेक है वो उसने वन टाइप किया है बट दैट इज़ ओके टू थ्री फोर है वो ओके okay. तो वन फाइव सेवन फाइव डबल जीरो इन थ्री दैट इज़ फोर्टी सेवन टू फाइव डबल ज़ीरो नाइन्टी फोर फाइव हंड्रेड इंटू टू विच इज़ वन लाख एटी नाइन थाउजेंड देखिए प्लस फोर सेवन टू फाइव डबल जीरो प्लस ट्वेंटी फाइव अरे रुको यहाँ पे गलती हो जाएगी इंटू फोर है नू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड वन लाख एटी नाइन थाउजेंड प्लस फोर सेवन टू फाइव डबल जीरो प्लस टू लाख फिफ्टी टू थाउजेंड बोले तो नाइन वन थ्री फाइव डबल ज़ीरो नाइन लाख थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपके सामने सोल्यूशन रख देते है। चलो देखो ये रॉ मेटल का बजट है इसके ऊपर आपका प्रोडक्शन था ये वाला आपका परचेज बजट है क्या बोलो क्लियर है आगे बढ़ते थोड़ा भी जल्दी करना पड़ेगा वी डोंट टाइम है प्लीज अंडरस्टैंड दिस लास्ट वाला गलत है सर आपका uh, मेरा गलत कैसे हो सकता है बाबा मैंने बोला ना टाइपिंग हेलो ये फोर करना है अरे गलत नहीं है बराबर तो है आई द मेन सोल्यूशन ऑल्सो परफेक्ट देर इज प्रॉब्लम इन ओके सुनो ये होने के बाद, ये होने के के बाद बाद ये अभी आपको बनाने का है अभी आपको बनाने का है एक बजट सुनो अभी आप बनाओ मत इट विल कंज्यूम टाइम तो आप सुनते जाओ खाली अभी अभी जो मैं बोलता हूं आगे का पार्ट सुनो ओके okay, नो सुनो एक चीज करेक्ट है अच्छा सुनो अभी यहां है ना एक और बजट बनाने बोला है but I'm just gonna discuss that thing, आ, वो बनाने का कोई सेंस नहीं रहेगा ये आपको बनाने का है, लेकिन अभी आ, 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 आप आपको मैं समझाता हूं आप सुनते जाओ यू जस्ट डोंट थिंक ये देखो सुनो मैं आपको बता देता हूं एक स्टोर लेजर करके बोला आ गया आपको समझ में आ जाएगा अब बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए अभी ये स्टोर लेजर में नहीं बना रहा इजीली uh, हो जाएगा यू जस्ट पे अटेंशन एस टू क्या रहेगा मैं वैल्यू बता देता हूँ सुनते जाओ सुनो मेरे को है ना क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे एक एंड में बनाने बोला है स्टोर लेजर और एक कौन सा मेथड से बनाना है मेथड से स्टोर लेजर जस्ट दो मिनट में बता देता हूं फटाफट से सुनते जाओ स्टोर लेजर अच्छा स्टोर लेजर के लिए मैंने देखो डेटा लिख दिया ऐसे ओपनिंग प्लस परचेस कंज्यूमड और कुछ क्लोजिंग बैलेंस ये आपको पता है रॉ मेटेरियल के लिए ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग बोले गए ट्रोमेटर कंज्यूमड ओके ये अपने को पता है। अभी सुनो क्वार्टर वन में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है हेलो क्वार्टर अरे क्वार्टर वन मतलब एक सेकेंड आपको समझ में आता है अगर ये मेरा ईयर है तो ईयर का बिगिनिंग क्वार्टर वन से ही होता है आपको समझता है ये अगर मैं दस हजार की बात करूं ये दस हजार ईयर के बिगिनिंग में है मतलब क्वार्टर वन के बिगिनिंग में है ईयर का बिगिनिंग साल का जो शुरुआत होता है वो क्वार्टर वन से होता है तो साल की शुरुआत का स्टॉक मतलब क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है सर टेन थाउजेंड सर इस टेन थाउजेंड का कॉस्ट क्या है क्वेश्चन में दिया है क्या हाँ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आपकी ट्वेंटी थाउजेंड है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड मैं फटाफट बोल रहा हूँ सुंदर जाओ ध्यान से तो इन टू ट्वेंटी थाउजेंड तो मतलब ये टू रूपीज का रेट रहेगा ये आपका आ जाएगा सुनो अभी आके ये होने के बाद ये होने के बाद आगे सुन सुनना अच्छा अभी आगे सुन सुनना उसके बाद मैंने कितना खरीदा है क्वार्टर वन में क्वार्टर वन में खरीदा कितना है गुड्स आया कितना है मेरे पास तो सर मैंने क्वार्टर वन में कितना खरीदा है नाइन्टी फोर फाइव हंड्रेड यूनिट्स खरीदा है देखो इधर आ जाएगा नाइन्टी फोर फाइव हंड्रेड और किस रेट से खरीदा है टू रुपीज़ के हिसाब से तो मेरा ये आंसर आ गया अच्छा सर कुछ कंज्यूम मतलब फैक्ट्री में भेजा भी है क्या हाँ ओपनिंग में ये स्टॉक था ध्यान से एकदम मैंने इतना रॉ मेटेरियल खरीदा और कितना मैंने भेजा फैक्ट्री में रॉ मेटेरियल कंज्यूम करने के लिए इतना भेजा है सिक्सटी थ्री थाउजेंड अगर आप देखोगे छोड़ दीजिए मैं जस्ट दो मिनट तो में समझा देता हूँ तो सिक्सटी फोर थाउजेंड में सिक्सटी थ्री थाउजेंड मैंने भेजा है तो सिक्सटी थ्री थाउजेंड भेजा है तो कौन सा मेथड है फीफो तो फीफो मतलब कौन सा लगेगा ये में से पहले कौन सा जाएगा पहले ओपनिंग वाला जाएगा पहले ओपनिंग वाला मतलब टू रुपीस वाला रेट लगेगा सु, सुनो सिक्सटी थ्री थाउजेंड कंज्यूमड होगा लेकिन ये दोनों में रेट सेम ही है टू टू करके देन योर क्लोजिंग विल बी ओपनिंग में से इतना ऐड हो गए दोनों और ये क्लोजिंग चला जाएगा आप कर लोगे वैसा है क्या सुनो एक बार जस्ट फिर भी एक लास्ट ये इधर कॉपी हो जाएगा ये इधर बिगिनिंग में आ जाएगा इधर का क्लोजिंग इधर में आ जाएगा और इधर में आने के बाद मैंने कितना खरीदा है ये वाला इतना क्वांटिटी इस थ्री रुपीज के हिसाब से जो इधर दिख जाएगा फिर मुझे कितना इश्यू करना है क्वार्टर टू में क्वार्टर टू में कितना रोमेटर बाहर जाएगा सेवेंटी सिक्स फाइव हंड्रेड अगर सेवेंटी सिक्स फाइव हंड्रेड बाहर जाएगा तो सुनो पहले क्या जाएगा ये जाएगा फिफो मेथड मतलब टोटल सेवेंटी सिक्स फाइव हंड्रेड भेजना है पहले ये जाएगा इस रेट से सर और कितना भेजना है सेवेंटी सिक्स में से फोर्टी वन भेज दिया तो बचा हुआ अभी ये वाले लॉट से जाएगा जो परचेस वाला लॉट है दूसरा उसका रेट क्या आपका थ्री रुपीस वाला रेट है तो सर देखो अभी फिर ये प्लस ये अच्छा ये तो पूरा चले गया और फिर इसमें से कितना गया परचेस में से इतना कंज्यूम्ड है तो इतना चले गया आई होप मैंने एक बार समझा दिया है आप एक बार घर पे देख लीजिएगा uh, हो जाएगा सुनो yeah. अभी हम क्वेश्चन नंबर एट क्या अच्छा सेवन हो गया एट चलो धीरे धीरे नियर बाय दस बजे तक अपने को खत्म करना है आई एम हैविंग रनिंग आई एम जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम देखते हैं अभी इसको छोड़ दीजिए चलो अभी टाइम अपने पास थोड़ा कम है पे टेंशन हो जाएगा रुको ये नाइट मोड हटा देते हैं इसमें से अच्छा वैसे तीन घंटे का लेक्चर हो गया है अभी एक घंटा और मैनेज कर लीजिए भाई खत्म करके है है ये नाइट मोड को थोड़ा हाँ, थोड़ा हटा देते हैं वाइट तो अच्छा दिख रहा सुनो नाउ लेट स्टार्ट हाँ सर मैनेजेबल है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर चलो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं रफ में फटाफट फटाफट बता देता हूँ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या फोर क्वेश्चन नंबर एट ओके okay, चलो शुरू करते हैं सुनो इसमें इसमें ना एक क्वेश्चन में लाइन है मैं रेलेवेंट डेटा आपको समझाते जाता तो हूँ सुनते जाना देर आर फोर फाइव डेज वीक इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास फोर वीक्स का डेटा दिया गया है एंड एवरी वीक में पांच दिन काम होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है दिस इज प्लीज अंडरस्टैंड ये आपका टी वाई के एट है यहाँ पे विच इज

परफेक्ट सर बजट में क्या क्या गया? बनाने क्या है? Sir, का है सर रॉ मेटेरियल पूछा है डन वेज बजट बजट अरे भले ही प्रोडक्शन नहीं पूछा बट आपको समझो रॉ कितना खरीदना है रॉ मेटेरियल मशीन में कितना जाएगा कंज्यूम और कंज्यूमशन डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर मतलब पहला प्रोडक्शन बजट ही बनेगा ओके okay? दो प्रोडक्ट है अपने ए एंड बी तो प्लीज अंडरस्टैंड पहला एज अ वर्किंग नोट आएगा क्वेश्चन में पूछा नहीं है आप वर्किंग नोट में बना दोगे प्रोडक्शन बजट आपको पहले बनाने का है प्रोडक्शन बजट ओके फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास ए है और बी है देखो इसका प्रोडक्शन बीरियट काफी सिंपल है पहले मैंने का मैं निकालूंगा कह क्वान्टिटी सोल्ड क्वान्टी सोल्ड चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ मुझे पता चलेगा कितना यूनिट बेचना है वगैरह तो देखो इधर मुझे ये पता चलता है मुझे ए का कितना बेचना है बी का कितना बेचना है क्वेश्चन नंबर एट में पता चल जाता है 2400 ए का बेचना है बी का आई हैव टू सेल 3600 नाउ आई विल ऐड अ क्लोजिंग स्टॉक देन आई विल सब्सट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक देखो अब ओपनिंग क्लोजिंग कैसे आएगा तो दर इज अ ट्विस्ट अब सर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है मैंने लिए तो लिए? अभी क्लोजिंग के लिए दिया गया मैं सीधा पढ़ता हूं, देखो. Stock, stock कैसे निकलेगा बेस्ड ऑन बजटेड पीरियड और बजटेड पीरियड कितना है ट्वेंटी डेज अभी अभी हमने निकाला था बजटेड पीरियड सो जो बजटेड पीरियड है वो ये है फोर वीक्स एवरी वीक है तो so, आपके क्लोजिंग स्टॉक में चार दिन का स्टॉक रहेगा आपके यहां पे फाइव डेज का सेल्स का स्टॉक रहेगा ये चार दिन और पांच दिन सुनो तो चार दिन पांच दिन का मतलब क्या है यहां पे चार दिन बोला है दूसरे के लिए पांच दिन बोला है तो देखो कैल्सी पे अगर मैं बताऊं तो काफी सिंपल है ये जो दो हजार चार सौ का सेल होने वाला है ये कितने दिन में होने वाला है ट्वेंटी डेज में तो अगर ट्वेंटी डेज में दो हजार चार सौ का सेल होगा और चार दिन का क्लोजिंग स्टॉक रखना है मतलब कितना क्वेश्चन मार्क फोर इन क्वेश्चन मार्क कुछ समझा क्या आप भी जरा आंसर निकाल के बताओ मेरे को का आप निकाल के दोगे दो गेट फोर इंटू टू थाज आ जाएगा तुमको समझा इधर क्या लिखा गया है आप पांच दिन का सेल्स का जो भी स्टॉक है वो क्लोज मतलब पांच दिन इतना स्टॉक में जो पांच दिन तक का सेल्स हो सकता है उससे पांच दिन तक का सेल्स हो सकता है बी के लिए ऐसा है तो अगर मैं बी के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सुनो इट विल बी लाइक दिस कि सर ट्वेंटी डेज में अगर तीन हजार छ सौ से लो जाता है तो मैं फाइव डेज का स्टॉक रखता हूं फाइव तो डेज मतलब आई कैन से फाइव इंटू थ्री थाउजेंड सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी परफेक्ट दैट इज नाइन हंड्रेड ओके सो आई एम हैप्पी दैट यू गॉट है आंसर भार्गव परफेक्ट ये आंसर अपना आ गया चलो यहां से आगे जाते सर डू वी हैव द ओपनिंग स्टॉक का डेटा यस सर डू वी हैव यस सर ओपनिंग स्टॉक ए और बी का कितना है चार सौ और टू हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड टू हंड्रेड हेलो तो फोर हंड्रेड है ये टू हंड्रेड है चलो सो नाउ यू नीड टू सबस्ट्रैक्ट दिस एंड यू विल गेट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड चलिएगा निकालिएगा कैल लीजिए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस फोर एटी माइनस फोर हंड्रेड दट इज टू फोर एट जीरो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड दट इजी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये आपका आंसर आ जाएगा आपको स्टॉक रखना था ये इंपॉर्टेंट था चार दिन का और यहां पे फाइव डेज का और बजटेड पीरियड ट्वेंटी था तो ये ट्वेंटी डेज का है तो चार दिन का कितना ऐसा कुछ है हेलो समझ है क्या तुमको कि नहीं समझ रहा है पता नहीं या कैपेसिटी खत्म हो गया है समझा कि नहीं समझो तुमको बताओ जरा पता नहीं रोको कमेंट सेक्शन नहीं समझा तो बोलो थोड़ा स्लो समझाएंगे वैसा है एक ही जन ने बोला समझ में आ रहा है यस yes, समझा 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 यस yes. चलो सुनो नाउ नाउ यहां पे एवरीबडी या समझ में आ रहा है तो सुनो अभी यहां पे हो सकता है शायद अभी सुनो बजट के बाद प्रोडक्शन बजट सुनो परचेस बजट हमें निकालना है हाँ यस अभी हमें परचेस बजट निकालना है राइट तो सुनो अभी उन बनाएंगे रॉ मेटेरियल का बजट रॉ मेटेरियल का बजट सर पर्टिकुलर तो अभी रॉ मेटेरियल है ना उसका नाम लिखने का रॉ मेटेरियल क्या क्या है देखो आप प्रोडक्ट बनाते हो आप प्रोडक्ट बनाते हो ध्यान से सुनिएगा हाँ। आप प्रोडक्ट बनाते हो ए ए और और बी बी सर ये को बनाने के लिए क्या लगता है रॉ मेटेरियल कौन सा एक्स और वाई तो अभी हमें एक्स बजट बनाने का है देखो इधर एक्स और वाई का, तो का बजट बनाना है तो रॉ मेटेरियल में क्या है एक्स और वाई है तो प्लीज अंडरस्टैंड एक्स एंड वाई अब इधर है ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम ध्यान से समझने का एकदम ध्यान से अभी मैं प्रोडक्ट ए की बात करता है और प्रोडक्ट बी की बात करता है सुनना ध्यान से प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी मैं प्रोडक्ट ए कितना बनाएगा टू फोर एट जीरो बनाएगा चार हजार तीन सौ ये इधर से आया मैं ए इतना बनाएगा बी इतना बनाएगा अब ये दोनों भी ये भी एक पेन है बी भी, भी एक पेन है ए एंड बी बोथ आर पेन और ये पेन को बनाने के लिए रॉ मेटेरियल लगता है एक्स और वाई ये एक रेड पेन है एक ब्लू पेन है प्लास्टिक और इंक कुछ तो लगता रहेगा अब एकदम ध्यान से अब जरा समझना मैं ये रॉ मेटेरियल मशीन के बाहर तो उसके लिए देखता हूं, तो देखो भी ये डेटा लिखने का से, अगर ये में 2000 2400 नहीं सॉरी 2480 फोर एट जीरो मतलब वो तो बेचने का है तो अगर ये 2480 फोर एट जीरो अंडरस्टैंड टू फोर एट जीरो प्रोड्यूस करना है तो ये ए बनाने के लिए एक्स कितना लगेगा वाई कितना लगेगा अभी ये डेटा अलग है इधर ए और B इधर है हम जो बना रहे उसमें एक्स वाई इधर है और ए और B इधर है तो डेटा लेते टाइम थोड़ा ध्यान से A को बनाने के लिए एक्स कितना लगेगा फाइव के जी एंड वाई कितना लगेगा फोर के जी फाइव के जी एंड फोर के जी हेलो तो इट विल बी लाइक दिस इंटू फाइव और ये फोर तो ये टू फोर एट जीरो बनाने के लिए इन टू फाइव दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड वाई लगेगा। Then वही अगर मैं B product की बात करता हूं जो हम बनाएंगे, तो B को बनाने बनाने का है B का। है उसको के लिए X कितना, y कितना? तो सुनो ये जितना भी बी का बनाने का है, उसके लिए एक्स थ्री के जी लगता है और वाई कितना लगता है सिक्स के जी तो थ्री एंड सिक्स डेटा उल्टा है थोड़ा सा ध्यान से फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंटू थ्री ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड और अगर मैं सिक्स को मल्टीप्लाई करू ट्वेंटी एट हंड्रेड सुनना देन अगर मैं इनको टोटल करूँ तो मुझे टोटल रॉमेटल मिल जाएगा वन टू फोर डबल जीरो वन ट्वेंटी नाइन ये ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड हेलो दोनों को एड करके ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड एंड देन नाइन नाइन टू जीरो प्लस टू फाइव एट डबल जीरो थ्री फाइव सेवन टू जीरो क्या बोलो तुमको समझ में आया टू फाइव थ्री फाइव सेवन एट जीरो ये रॉमेटरियल आपको लगेगा कंज्यूम होएगा इसके अंदर ये रॉ रॉमेटेरियल कंज्यूमड है एड आप क्या करोगे क्लोजिंग लेस क्या करोगे आप ओपनिंग अभी इस इसमें भी ट्विस्ट है सर अभी इसमें क्या है क्लोजिंग में, में सुनो या yeah. मैं आपके आंसर देख रहा हूं बस नाम थोड़े कम ले रहा हूं यहां पे ध्यान देना अब रॉ मेटेरियल को लेके देखो क्या ट्विस्ट है रॉ मेटेरियल को लेके ये ट्विस्ट है इधर ये लिखा गया है कि आप टेन डेज का और ट्वेंटी डेज में अगर इतना कंजन होता है तो टेन डेज में कितना होता रहेगा ट्वेंटी डेज में अगर इतना कंजन होता है तो सिक्स डेज में कितना रहेगा बिकॉज ऑफ सिक्स डेज का स्टॉक रखते हो टेन एंड सिक्स ओके आया परफेक्ट डिवाइडेड बाय दैट दैट इज़ 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 ऊपर जो प्लीज़ अंडरस्टैंड. ओके. आपका ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक स्टॉक कितना होगा? इन द क्वेश्चन. आपको दिया गया बिगिनिंग में कितना रहेगा?

दिस इज वॉट इट इज आपने एक्स और वाई कितना रॉ मेटेरियल कंज्यूम होगा फिर कितना खरीदना पड़ेगा ये रॉ मेटेरियल परचेज होगा ये आपको खरीदना पड़ेगा और ये खरीदने के लिए सर ये खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा और पैसा कितना देना पड़ेगा तो सर रॉ मेटेरियल कितने रुपए का आता है एक्स एक्स कितने का आता है वाई कितने का आता है एक्स चार रुपए का आता है फोर रुपीज और वाई आता है सिक्स रुपीज का

बताइए बोलो क्या आगे जाए कि नहीं जाए परफेक्ट सो चलो अभी आगे जाते एंड के बाद अब रॉ so, मेटेरियल का बजट होने के बाद अभी लेबर बजट पे आते सुनो अभी लेबर थोड़ा खतरनाक होगा तो समझिएगा लेबर के लिए लेबर कितने टाइप के क्वेश्चन में एक ही है लेबर बजट पूछा है क्या अरे हाँ सर पूछा है टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं सुनो क्वेश्चन में पहला बजट जो पूछा था रोमेटर परचेस डन सर फिर वेजेस बजट पूछा है बस ये यूनिट्स में भी बोला है और वैल्यू में भी बोला है दोनों भी तो पहला आपने ये तो परचेस वाला बता दिया क्वांटिटी में भी बता दिया वैल्यू में भी बता दिया आगे जाए दा ना सर अभी वेजेस बजट चलो अभी वेजेस बजट की बात करते सुनो वेजेस बजट अगेन इधर पर्टिकुलर्स और इधर रहेगा आपका टोटल सुनते जाओ हम कौन सा कौन सा एक ही टाइप का वर्कर है इसलिए तो टेंशन नहीं है एक ही टाइप का वर्क करें हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं प्रोडक्ट बी बना रहे हैं सर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है सुनो पहले मैं बना कितना रहा हूं ए का अरे अभी अभी निकाला था टू फाइव टू फोर एट जीरो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू फोर एट जीरो टू फोर एट जीरो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सुनो इंटू इन हमने सोचा है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा तो मैंने बोला वर्कर ए को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा बोलता है सर थ्री आवर्स लगेंगे स्टैंडर्ड आवर्स इतने लगने चाहिए नॉर्मली इतने लगने चाहिए ए को बनाने के लिए थ्री आवर्स लगने चाहिए मतलब इंटू थ्री और बी को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने इंटू फाइव मतलब कितने आवर्स लगने चाहिए वो है स्टैंडर्ड आवर्स ओके टू फोर एट जीरो इंटू थ्री एम प्लस फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंटू फाइव एम प्लस दैट इज गोइंग टू बी टू एट नाइन फोर जीरो सर इतने आवर्स लगने चाहिए अभी कितने आवर्स लगे वो हम निकालेंगे इतने आवर्स लगने चाहिए अपने को चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं कितने आर्स लगे करके तो चलो सुनना अभी ध्यान से इधर एक ट्विस्ट है ये एक पैराग्राफ ये एक पैराग्राफ है जो अपने को देखने का है अभी ये एक पैराग्राफ जो है वो ये पहला टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो बोला गया है विच इज इफिशियंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड जो काम हुआ है उसके लिए भाई कंपनी वगैरह ऐसा ऐसा एक्चुअली एक्चुअल actual वाला है इज सर मैं कुछ समझाऊ क्या आपको हाँ देखो एटी परसेंट इंडिकेट करता है अपना वर्कर थकेला थकेला है थके है मतलब उसको जो काम करने बोला वो अपना बेस्ट एफिशियंसी उसका प्रोडक्टिविटी है ही नहीं उसको बोला ये प्रोडक्ट अगर तू दस घंटा काम करेगा तो ये प्रोडक्ट एक यूनिट बन जाना चाहिए तो वो दस घंटा काम करने के बाद एक नहीं बना पाता उसका खाली पॉइंट एट परसेंट पोर्सन बना लेता है तो मतलब अपना वर्कर स्लो काम करता है देखो अपना वर्कर स्लो काम करता है ये आपको समझना चाहिए बिकॉज वो 80 पे काम कर रहा है उसका इफिशियं कम है देखो, एक, मैं आपको दू तो, देखो एक से, यहाँ पे समझा देता हूँ सुनो कि लिखो मत ये बस समझो मैं ये बोलता हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेटेस्ट से दैट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ स्टैंडर्ड वन यूनिट के लिए टेन आर्स लगने चाहिए और वर्कर का जो इफिशियंसी है ना वर्कर का जो इफिशियंसी है से इट इज एटी परसेंट तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं अब ये मैं अगर बोलूं तो उस हिसाब से अगर मुझे ये जानना है यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगा रहेगा फाइव यूनिट्स के लिए एक्चुअल आवर्स कितने लगे रहेंगे अगर मुझे ये जानना है यस डिवाइड ये दोस्तों जस्ट बता देता हूं ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं सुनो मैं ये बोलूंगा सर एक यूनिट दस घंटे में बन जाता है तो मुझे पांच यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगना चाहिए तो विल से सर पांच यूनिट्स के लिए आपको लगना चाहिए के हिसाब से फाइव इंटू टेन आपको लगना अच्छा सुनो ऐसे नहीं पहले ऐसे नॉर्मली अगर एक यूनिट सॉरी ऐसे लिख देता हूं टेन आवर्स अगर मैं काम करूंगा तो यूनिट कितना बनता है एक लेकिन अपना वर्कर थकेला है तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो वो दस घंटा काम करके कितना बना पाएगा खाली पॉइंट तो अपना वर्कर का 80 है। अच्छा तो 0.8 बना पाएगा तो अभी मुझे 5 यूनिट बनाने के लिए ये यूनिट्स दस घंटे में तो 5 यूनिट बनाने के लिए वर्कर कितना टाइम लेगा तो 5 into 10 by 0 .5. उसको पचास घंटा लेना चाहिए लेकिन वो ज्यादा लेगा अगर आपको समझ में आता है तो ये वाला पार्ट या तो मैं बोलता हूं यह सब सर घुमाओ फिराओ मत एक शॉर्टकट बताओ वर्कर को लगने वाला इफिशियंसी काम करो शॉर्टकट कर सीधा पाई कर दो पहले कि यूनिट्स हर यूनिट के लिए दस घंटा मतलब कर दो लगने वाला टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज वर्कर स्लो काम कर रहा है मैं आपको इतना ही बोलता हूँ इंटू इफिशियंसी करू कि डिवाइड बाई इफिशियू इंटू मत करो इंटू एटी परसेंट करोगे तो आंसर कम आएगा

धीरे धीरे काम, काम कर रहा है तो he will take more तो करने करने से वो होगा क्या वर्कर दस घंटे के लिए फैक्ट्री में आएगा तो दो घंटा खाने पीने में जाता है और वो आठ घंटा ही काम करता है तो मतलब उससे आठ घंटे का, का काम कराना है तो दस घंटा बुलाना पड़ता है डाउन टाइम बोलते हैं दो घंटे का वर्कर दस घंटा आएगा दो घंटा खाना पीना खाने में डालेगा आठ घंटा काम करेगा दो घंटे का डाउन टाइम काम नहीं होता वैसा इसका क्वेश्चन में भी डाउन टाइम है डाउन टाइम कितना है ट्वेंटी परसेंट जहां पे काम नहीं हो रहा ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क तो जो भी काम किया है आई विल से ट्वेंटी परसेंट और डाउन टाइम है उसके अंदर मतलब जितना भी काम हो रहा है इसका ट्वेंटी परसेंट और ऐड कर दो तो ना प्लस डाउन टाइम तो टोटल तो आवर्स तो कितना तो लगेगा ये जो उसने में काम किया है उसका 20 downtime है उसका like, मैंने वर्कर को आठ घंटा लगेगा दो घंटे का तेरा डाउन टाइम है मतलब तेरे को दस घंटे के लिए आना पड़ेगा उसमें से दो घंटा खाने पीने में जाएगा डाउन टाइम और तू आध घंटा काम करेगा वैसा तो इट शुड बी एडेड कि इतना अर्जो लगता है वर्कर ने लिया है प्लस उसके आएगा तो उतना डाउन टाइम भी लगेगा सुनो तो ये टोटल अर्ज हो गए हाँ आइडल अर्ज वी कैन सी दैट टोटल इतना अर्ज हो जाएगा सुनो नाउ द थिंग इज नाउ द थिंग इज वर्कर का पेमेंट सुनो हमारे पास कितने वर्कर है

इसमें से आप नॉर्मल आर्स निकाल सकते हो सुनो नॉर्मल आर मैं नॉर्मल आर्स निकाल रहा हूं सुनो कैसे मैं क्या बोलता हूं एक वर्कर कितना काम करता है फोर्टी आवर्स काम करता है क्वेश्चन में डेटा कितने वीक्स का है फोर वीक्स का है इट मीन्स एक वर्कर फोर वीक में इतना काम कर लेगा फोर्टी आर्स वो एक वीक में काम करता है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन सो ही इज वर्किंग फॉर फोर्टी आर्स इन अ वीक वर्कर नॉर्मली और वो मोर देन फोर्टी काम करेगा तो ओ देना पड़ेगा वो बाद में लेकिन नॉर्मली वो फोर्टी आवर्स के लिए काम करता है एंड देर आर फोर वीक्स का डेटा तो वह फोर वीक्स में इतना काम करेगा और हमारे पास कितने वर्कर्स है सर वन एटी वर्कर्स है तो ये तो एक वर्कर का काम है वन एटी करूँगा तो कितने आवर्स का काम हो जाएगा फोर्टी इंटू फोर वन वर्कर विल वर्क फॉर वन सिक्सटी आवर्स तो वन एटी वर्कर से इंटू करूंगा तो इतने आवर्स का काम हो जाएगा लेकिन सर मुझे तो वर्कर से कितना काम कराना है ऊपर दिया गया है तो एक्स्ट्रा मतलब ओवर करवाना पड़ेगा ऊपर का ये हो जाएगा लेकिन ये रहेगा। अगर आपको समझ में आता है तो दिस दिस, के ऊपर जो काम कराओगे वो हो गया। वर्कर चालीस घंटा काम करता है अगर आप बोलोगे तो सैटरडे संडे भी आ जाएगा वो पांच ही दिन काम करता है लेकिन अगर आप बोलोगे ना थोड़ा लालच दोगे ना पैसे का तो वो आ जाएगा टाइम कर देगा लेकिन प्रीमियम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा नॉर्मली अगर आप पच्चीस रुपया देते हो लेबर को तो 50 परसेंट प्रीमियम मतलब ट्वेंटी इसका और 50 परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो अगर आपको समझ में आता है ये है नॉर्मल वाले आवर्स ये है ओ वाले आवर्स नॉर्मल इतना काम में कराएगा ऊपर का जो टाइम लग रहा है वो एक्स्ट्रा है अगर इधर में वर्कर को ट्वेंटी फाइव रुपीज़ दे रहा है तो इधर ट्वेंटी फाइव प्लस प्रीमियम भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा तभी लालच दूंगा फिफ्टी परसेंट तो वो आएगा ट्वेंटी एट फाइव वीक है सर क्वेश्चन में नहीं बाबा राहुल ये मैंने पहले भी पढ़ा था फाइव वीक्स नहीं है फाइव डेज है फोर फाइव डेज वीक्स है तो फोर वीक्स एंड एवरी वीक हैज फाइव डेज देयर आर फोर वीक्स एंड एवरी वीक हैज फाइव डेज फोर चार वीक है पांच दिन वाले ऐसा हिंदी में या ओके सो ट्वेंटी एट हंड्रेड इंटू ट्वेंटी सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और फिर ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा देंगे ज़्यादा पैसा देंगे तो ये हो जाएगा या सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर एंड वी आर एक सेकंड मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है कुछ तो गड़बड़ किया है आंसर निकालने में लेट मी कैलकुलेट ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी परसेंट मल्टीप्लाइड बाई ये दो तो, अरे तो ये ऐसा क्यों आ रहा है ट्वेंटी फाइव प्लस टेन परसेंट ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी परसेंट इंटू फोर वा चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी परसेंट इंटू सिक्स वन जीरो अच्छा सॉरी ये सिक्स वन जीरो है मैं वन सिक्स जीरो लिखा है वही भी बोल रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है इज़ इज़ एंड दिस सुनो चलो अभी थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा सो दैट वी कैन जस्ट वाइंड अप द सेशन इन फोर एंड साढ़े चार घंटे में चार साढ़े चार घंटे में सुनो <coughs> इतना होने के बाद हाँ हाँ तानिया अंडरस्टूड नाउ वंस यू गेट दिस आंसर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन हो गया काफी खतरनाक सा था अच्छा सा था सुनो अभी हम आएंगे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन पे uh, फटाफट निपटा देते हैं सुनिएगा आई वुड लाइक टू कवर ऑल दी सो विल मेक श्योर दिस सुनो क्वेश्चन नंबर नाइन देन ये टेन एंड देन रे इलेवन ओके सुनो कैसे होगा एक काम करते हैं अभी हम ऐसा करते हैं

रेगुलर वाला जो एक अपलोडेड है ना उसमें आप इस पर देख लीजिएगा मैं अभी सीधा ट्वेल्थ uh, पे आता हूँ प्लीज अंडरस्टैंड दिस सो दैट आई कैन कवर ऑल दी वैसा ओके ट्वेल्थ ओके ट्वेल्थ से भी uh, मैं पहले मास्टर बजट करवा देता हूँ तो चार कंसेप्ट हो जाएंगे ओके okay? सुनो ये ऐसा क्यों है ओके okay. ये अलग ही है हाँ सुनो चलो सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया लगता है ऐसा या कब से अपन पढ़ी रहते ये लोड ना नाउ पहले हम मास्टर पे आते। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सो पे आ जाते हम लोग चलो देन हम ट्वेल्व पे आएंगे ओके शुरू करते हैं चलो देखते हैं थर्टीन के बाद ट्वेल्व और उसके बाद ये वाला भी ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ ही कराया जा सकता है बजट एंड स्टैंडर्ड वाला सुनो अभी हम आते हैं यहां पे मास्टर बजट पर सुनिएगा मास्टर बजट इफ आई टॉक अबाउट मास्टर बजट या इलस्ट्रेशन सिक्स इलेन सिक्स देखो इसके पहले ना मुझे कंसेप्ट समझाना पड़ेगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा भी जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करिएगा ओके रेशियोज वाला पार्ट है ratios. अरे ratios नहीं सॉरी पहले मास्टर बजट लिया है तो पहले मास्टर बजट को ही कंप्लीट करते हैं वेरी इजी देखो मैं क्या बोलता हूँ व्हाट इज मास्टर बजट देखो सिंपल है मास्टर बजट मतलब एकदम सिंपल होता है अगर मैं आपको बता दू यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर व्हाट मास्टर 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 बजट मतलब सब चीजों का समरी मास्टर मतलब सब चीजों का समरी सर कुछ समझा नहीं देखो सुनो मैं क्या बोलता हूँ आपने पीएनएल अकाउंट बनाने का है आपको पीएनएल अकाउंट सुनो सिंपल है आप क्या करते हो यहाँ पे एक आ, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक ये पी अकाउंट होता है सुनो तो ये जो होता है यहाँ पे आपको सेल्स मिलता है आपको यहाँ पे सीओजीओस होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आता है राइट ओके देन यू गेट द प्रॉफिट जीपी जिसको बोलते हैं फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है फिर आपका एडमिन का खर्च आता है फिर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आता है फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है बस यही चीज को अपने को कन्वर्ट करना है फॉर्मेट में मास्टर बजट इज लाइक अ समरी अच्छा सर ये आएगा? इसमें इसमें मटेरियल कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा मटेरियल का बजट बना दो लेबर का बना दो, you will get that. सारी वो करके हो जाएगा सुनो रुको रुको, रुको, रुको। ये कम कर दिया okay, सुनो ना अब मैं क्या करता हूं सुनो मैं बोलता हूं इसको वर्टिकली कन्वर्ट करो बजट मतलब उसमें से अगर मैं सीओजीएस हटा दू तो मुझे जीपी मिल जाएगा वर्टिकली जब भी बजट होता है ना वो वर्टिकली होता है जब भी आप बजट बनाते हो वो वर्टिकली होता है तो सेल्स माइनस सी ओ जी एस यू गेट जीपी जीपी में से और दो खर्चे माइनस कर दो एडमिन तो माइनस कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन गाइज यू विल गेट एनपी ये आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट तो अभी आपको अपना फॉर्मेट ऐसा बनेगा ये देखो ये ऐसा ये याद हो जाना चाहिए दिस इज समथिंग दैट अभी दिमाग में फिट हो जाना चाहिए सेल्स माइनस सीओजीओ सी विल गेट जीपी एंड जीपी में से दो खर्चे एडमिन और सेलिंग का निकाल दिया एंड यू गेट एनपी नेट प्रॉफिट दिस इज फॉर्मेट ऑफ मास्टर बजट या, याद कर लो बस खत्म बस अभी चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक ही है खत्म करते दिस इज द फॉर्मेट डन क्वेश्चन नंबर थर्टीन एज इट वॉज सेड इलस्ट्रेशन सिक्स ओके इलस्ट्रेशन सिक्स चलो तो इलस्ट्रेशन सिक्स चलो देखते हैं सुनो सबसे पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला uh, एक तो आप लिख देंगे कि ये एक मास्टर बजट है देन देन पर्टिकुलर्स अमाउंट अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मास्टर बजट कौन सी ड्यूरेशन का बन रहा है वो भी आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा सो so, हमारा मास्टर बजट जो इस क्वेश्चन में है वो एक ईयर का बन रहा है अगर आप देखोगे ईयर सो वंस इट इज रिटर्न की ईयर का बन रहा है मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे डेटा एक साल का आएगा जो भी आएगा वो डन से सर सबसे पहले मास्टर बजट में सबसे पहले चीज क्या आएगी सेल्स माइनस सी ओ तो सेल्स मैंने देखा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है सेल्स माइनस सी ओ करना है सेल्स में दो सेल्स है जो भी प्रोडक्ट है मेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं लिख देगा एक टफन ग्लास है एक बेंट ग्लास है जिसका एक का छः लाख है दूसरे का दो लाख है टोटल आठ लाख है तो सेल्स तो लिख दिया सर सेल्स में से क्या लेस करना है सी सेल्स में से लेस करना है सी ओ विल गेट जीपी चलो

एट लाख का सिक्सटी परसेंट सर फोर लैख एटी थाउजेंड यस परफेक्ट ये होने के बाद डायरेक्ट लेबर आ जाएगा वेजेस इज टू वर्कर्स आप एक गलती कर सकते हो आपको ट्वेंटी इंटू वन फिफ्टी के बाद भी एक चीज करनी है ट्वेंटी वर्कर है एक सौ पचास रुपया एक महीने का एक वर्कर का तो सर वन फिफ्टी ये एक महीने का है इंटू ट्वेंटी वर्कर्स करोगे तो, तो तीन हजार आएगा लेकिन आप जो मास्टर बजट बना रहे हो वो एक साल का बना रहे हो

पॉज जिस सेल कम टू नो तुम लोग उधर हो तो अपन आगे बढ़ सकता है बताइए बताइए तुम इधर होकर के तो अपन आगे बढ़ेंगे बोलो 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 चलो यस सर या प्राइम कॉस्ट के बाद अपना आएगा फैक्ट्री ओवर हेड अभी आएगा फैक्ट्री ओवर हेड सारा खर्चा फैक्ट्री ओवर हेड का देखो ये हेडिंग है फैक्ट्री ओवर हेड एक एक करके अपन लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड सुनो सबसे पहले क्या है सर वर्क मैनेजर सैलरी अरे पर मंथ है तो सर मैं वर्क मैनेजर को डब्ल्यू लिख देता हूं यस yes, सर चलो तो एवरीबडी इज देर सो इट इज फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ना फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व दैट इज गना बी सिक्स ओके आप सिक्स थाउजेंड छो तो इधर में लिख दो और फिर एक बार टोटली बार जैसे भी आप लिखो सिक्स थाउजेंड चलेगा में का भी है फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड इंटू ट्व कर देते हैं फोर हंड्रेड इंटू सर फोर थाउज़ेंड एट हंड्रेडा स्टोर तो मेरा सेल्स एट लाख का है एट लाख ,00 का टू पॉइंट फाइव परसेंट विच इज सर ट्वेंटी थाउजेंड देन डेप्रिसिएशन है अरे सीधा मैं लिख देता हूँ बारह हज़ार छः सौ फिर तीन हज़ार है फिर आठ हज़ार है और आठ हज़ार के बाद एक और तो कुछ तो है अदर सन्ट्रीज एडमिन मत लिखो ये तो बाद में आएगा अदर सन्ट्रीज कितना है टेन परसेंट ऑफ वेजेस अच्छा वेजेस कितना है आपका थर्टी सिक्स थाउजेंड का तो थर्टी सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड

उसके बाद डब्ल्यू का डेटा नहीं है तो यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा उसके बाद क्यू रैप नहीं है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है तो यही सीओजीएस बन जाएगा मतलब आगे का डेटा ही नहीं है तो यही सीओ है आपका सीधा 5 yes, 5 तो मेरा सेल्स में से अगर मैं सीओ हटा देता है एट लैख से एडमिन का खर्चा निकाल दो उसमें से एडमिन का खर्चा निकाल दो एडमिन का खर्चा है सारा थर्टी सिक्स थाउजेंड पर ईयर यस एक साल का ही चाहिए थर्टी सिक्स थाउजेंड या थर्टी सिक्स थाउजेंड बस निकाल दो एंड यू विल गेट यूर फाइनल आंसर और हो गया बजट वन लैख नाइन्टी थाउजेंड बस आपको फॉर्मेट याद रखना है सेल्स अलग है फर्स्ट डे पे बनाई हुई क्वेश्ची है और फॉर्मेट ऐसे ही प्रेजेंट करना सेल्स माइनस जीपी फॉर्मेट अलग रहेगा ओके दैट इट अभी एक रेशियो वाला कंसेप्ट करते हैं एंडाइड करते हैं आगे क्या करना है चलो

सर मास्टर बजट हो गया आपने चैप्टर के वैसे कितने पार्ट्स बोले थे सर चार पहला फिक्स फिक्स और फ्लेक्सिबल जिसमें कॉस्ट निकालो 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 वेरिएबल वेरिएबल सेमी फिर बजट बनाओ फिर सर फंक्शनल बजट किया जिसमें पहले प्रोडक्शन बजट निकालो फिर रॉ मेटल का बजट फिर लेबर का बजट सो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला था क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस आ जाता है सेम आपका यहाँ पे जय महेशमती ये भार्गव देन तो फंक्शनल बजट भी हो गया देन

चलो सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज हो रेशियोज चलो इसको बजट रेशियोज बोला जाता है लास्ट में थोड़ा थोड़ा स्पीड में हो रहा है बट प्लीज कोऑपरेट आपके फायदे के लिए और कंट्रोल रेशियोज ठीक है चलो सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बजट रेशियोज और वी विल सी दिस एज कंट्रोल कंट्रोलोज व्हाट इज बजट बजे और कंट्रोल रेशियोज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं समझो यहां पे अगर आप बजट रेशियोज या कंट्रोल रेशियोज की बात करते हो तो सर कंसेप्ट ऐसा है देखो एक होते हैं मैक्सिमम आवर्स एक सुखते हैं मैक्सिमम आवर्स एक होते हैं आपके बजटेड आवर्स एक होते हैं स्टैंडर्ड आर्स और एक होते हैं एक्चुअल आर्स चलो समझते चलो सुनो अभी एक होते हैं मैक्सिमम आवर्स फिर बजटेड फिर स्टैंडर्ड और फिर आते हैं आपके एक्चुअल आवर्स अभी समझो मैं है ना मैं एक दिन में टेन आवर्स पढ़ सकता हूँ लेटेस्ट से और दस घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ लेटेस्ट से टेन क्वेश्चन मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ लेकिन मैं प्लान कभी दस घंटे का थोड़ी बनाता है सर मैं पढ़ सकता हूँ दस घंटा लेकिन मैं प्लान आठ घंटे का ही बनाता हूँ मेरे को लगता है यार दस जा सकते लेकिन क्यों पढ़ना जरूरत नहीं है दस घंटे की फॉर आवर्स अभी नहीं जब आपका क्लास वगैरह होता था तो तुम ऐसा करते थे लाइक यू 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 हैव अ कैपेसिटी कैन स्टडी फॉर फॉर आवर्स आवर्स बट मेक प्लान ओनली वैसा तो आप टेन आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हो लेकिन आपने आठ घंटे का ही प्लान किया और आपने सोचा आठ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डन ये तो आपने सोचा है सुनो ये आप अचीव कर सकते हो लेकिन आपने यही प्लान बनाया खुद के लिए और ये प्लान बनाने के बाद ये कितना अचीव हुआ एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद पता चलेगा तो सर जब एक्चुअल से कंपेयर किया गया तो मुझे पता चला कि हमने तो खाली फोर आवर्स ही पढ़ाई की भले आठ घंटे का प्लान बनाया था खुद के लिए हाँ लेकिन एक बात अच्छी की हमने चार घंटा पढ़ाई करके चार क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे अगर आठ घंटे में आठ होते हैं तो चार घंटे में चार होने चाहिए थे लेकिन मैंने तो सॉल्व कर लिए सिक्स क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए सिक्स क्वेश्चंस

क्वेश्चन करने का टारगेट रखा था आपने कितने किए छे तो आपने कितना परसेंट एक्टिविटी अचीव किया जो भी सॉरी आपने आठ तो आप तो तो में से छाइट डिवाइडेड बाई एट इंटू हंड्रेड आठ का प्लान था आठ में से अचीव किया तो सिक्स बाई एट इंटू हंड्रेड

आपने जो काम छह घंटे में करना चाहिए चार घंटे में जल्दी कर लिया मतलब योर इफिशियंट आपका स्पीड अच्छा है सर फॉर्मूला बना दो फॉर्मूला बनाना हो तो सिक्स बाई फोर मतलब मैं कैसे याद रखता हूँ मैं ऐसे याद रखता हूँ अगर मुझे यहां से यहां पे जाना है तो स्टैंडर्ड अपॉन बजट कर दो और जब इधर से इधर जाओगे तो स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल कर दो वैसा विल गेट योर आंसर आई होप नाउ देट इज गेट बैक टू द नेक्स्ट सेप्ट अभी जो मैं समझाता हूं उस पर समझते हैं। करना पड़ेगा परफेक्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा थोड़ा क्रिटिकल है आई अंडरस्टैंड बट सुनिए ध्यान से अभी सुनो अब अगर मैं आगे जाता हूं आपको ये इफिशियंसी होगी यू आर इफिशियंट आपने छह घंटे का काम चार घंटे में जल्दी किया फॉर्मुला विल बी स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इन टू हंड्रेड अभी सुनो लास्ट मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं बजट लिख रहा हूं और मैं लिख रहा हूं एक्चुअल तीन चीजें लिख दो ये कैपेसिटी के बारे में कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी टेन आवर्स की थी बट फिर भी आपने प्लान एट आवर्स के हिसाब से बनाया था और आपने अच्छे उसमें से फोर आवर्स ही किया तो सुनो अब ऐसा इट्स लाइक दिस पहले ये करने का फोर अपॉइंट एट करने का फिर एट अपॉइंट टेन करने का अभी इस रेशो को क्या नाम दिया जाएगा सुनो पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो आपने अपनी कैपेसिटी में से कितना यूज करने का प्लान किया था वर्ड स्टैंडर्ड लिखा गया इट शुड बी बजट बट दैट इज ओके स्टैंडर्ड मतलब व्हाट वाज योर टारगेट कितना कैपेसिटी यूज करना है और आपने या तो चलो देखो ऐसा एक चीज और है एक रेशियो ऐसा भी बनेगा ऐसा ये प्लीज ध्यान से वापस एक बार भी देख लीजिएगा अभी मैं क्या बोलता हूं सुनो दस घंटे में से आपने आठ घंटा यूज करने का प्लान बनाया था आपने दस घंटे में से कितना यूज किया चार घंटा ही तो क्या इसे दस घंटा जो आपकी मैक्सिमम थी कैपेसिटी उसमें से आपने कितना यूज करने का प्लान बनाया था दैट दिन इंटू हंड्रेड एटी परसेंट आपने एटी परसेंट का प्लान बनाया था अगर मैं फॉर्मूला कन्वर्ट करूं इसका इसका फॉर्मूला बनता है दिस बजट अपॉन मैक्सिमम इंटू हंड्रेड

फोर्टी परसेंट हो किया अच्छा दूसरा एक होता है सुनो अभी एक वर्ड यह एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज मतलब मेरी जो कैपेसिटी थी उसमें से मैंने कितना यूज किया अब दूसरा एक और है यहां कैपेसिटी जो मैंने बजट बनाया था जो मैंने बजट बनाया था मैंने उसमें से कितना यूज किया ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं जो मैंने बजट बनाया था एट आवर्स का उसमें से मैंने कितना यूज किया तो आई विल से लाइक दिस एक्चुअल बजट लेट मी गिव यू दिस आइडिया आई विल से लाइक दिस कि मैंने चार घंटा यूज किया आउट ऑफ एट तो आउट ऑफ एट आई हैव यूज फोर आवर्स मतलब जो मैंने खुद को कमिटमेंट किया था उसमें से मैंने फिफ्टी परसेंट अचीव किया

थोड़ा क्रिटिकल है बट प्लीज बी विथ मी बजेटेड डेज एंड देन एक्चुअल डेज सुनो यू मेड अ प्लान कि आप 20 डेज के लिए पढ़ाई करोगे आपने 19 डेज के लिए पढ़ाई की तो कैन यू टेल मी कैलेंडर रेशियो डेज कहां पे होते हैं कैलेंडर में तो इसको नाम दिया गया कैलेंडर रेशियो इस रेशियो को नाम क्या दिया गया कैलेंडर रेशियो

एक एक आंसर जैसे नाइन्टी फाइव परसेंट आया या फिर ये नाइन्टी मैंने एटीन लिया था उधर चलो ठीक है तो एटीन लिया था तो अगर ये एटीन है तो उस हिसाब से ये नाइन्टी परसेंट बच जाएगा ठीक है अंडरस्टैंडेबल है अब एक काम करते हैं एक क्वेश्चन मैं एक बस बाई हार्ट करवा देता हूँ सुनो आपको क्या करना है आपको पहले मैक्सिमम ढूंढना है आपको पहले बजट ढूंढना है आपको पहले फिर स्टैंडर्ड ढूंढना है देन आपको एक्चुअल ढूंढना है इट इज़ लाइक दिस मैंने दस का टारगेट रखा था और दस में की कैपेसिटी दस में से आठ मैंने चार क्वेश्चन सोल्व किया वीड हाउन सिक्स तो मैं ऐसा बोलूंगा आठ क्वेश्चन होने चाहिए थे क्वेश्चन हो गए तो इट इज़ लाइक घंटा लगना चाहिए था, मैंने चार घंटे में खत्म किया जल्दी किया दैट इज सिक्स बाई फोर इंटू हंड्रेड सिक्स बाई फोर पहले क्या करने का सिक्स बाई एट इंटू हंड्रेड सिक्स बाई फोर इंटू हंड्रेड आपकी इफिशियंसी आ जाएगी सिक्स बाई फोर इंटू हंड्रेड इज वन फिफ्टी परसेंट फिर ये कॉपी कर लेने का एक मैक्सिमम एक बजट और एक एक्चुअल दस घंटे का प्लान था दस में से मैंने दस घंटे में से मैंने आठ घंटे का प्लान बनाया था और मैंने चार घंटा ही अचीव किया तो ऐसे जाने का पहले चाहिए तो फोर बाई एट इंटू हंड्रेड मतलब मैंने जो टारगेट खुद को दिया था उसमें से फोटी परसेंट अचीव किया Then 8 10 100, 8 10 100, 80%. मेरी जितनी भी कैपेसिटी थी मैंने एटी परसेंट अचीव करने का प्लान बनाया था और जो मैंने प्लान बनाया था उसमें से मैंने आधा ही अचीव किया आठ में से चार और मैंने मेरे टोटल कैपेसिटी में से कितना अचीव किया ऐसा नाउ इट इज फोर बाई टेन इन टू हंड्रेड सो फोर्टी परसेंट ही अचीव किया और इधर सॉरी फिफ्टी आ जाएगा और लास्ट में डेज मैंने ट्वेंटी डेज का प्लान बनाया था मैंने डेज़ किया तो इज़ 20, करके चलो एक क्वेश्चन करते यू विल गेट दी आइडिया देखो मेरे को क्या क्या चाहिए मुझे मैक्सिमम चाहिए मुझे बजट चाहिए मुझे स्टैंडर्ड चाहिए मुझे एक्चुअल चाहिए वापस, मैं लिख दूंगा मैक्सिमम बजट एंड एक्चुअल चलो

ये जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली स्टार्ट करते सुनो मैक्सिमम हाउ मेनी हैव आए हाउ पचास हैव बट मैंने एक्चुअल में काम पे कितने रखे चालीस ही रखे ठीक है सुनो सबसे पहले क्या है वो समझो अभी यहां पे सुनना अगर मैं ये देखता हूं मैक्सिमम आवर्स तो देखो रोज आढ़ घंटा काम होता है रोज़ अगर आठ घंटा काम, होता है, तो आ, काम होता है तो पाँच दिन में कितना काम आएगा रोज आठ घंटा होता है तो पाँच दिन में कितना आएगा तो एक वीक का आंसर आ जाएगा पर वीक तो एक वीक पूरा डेटा एक ही वीक, है। वीक का है नहीं सॉरी डेटा फोर वीक्स का है हेलो द रिलेटेड पीरियड इज़ फोर वीक्स तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से रिलेटेड पीरियड इज़ फोर वीक्स मतलब अभी मैं मैक्सिमम वाला आवर्स ढूंढूंगा तो ज़रा ध्यान से समझना अभी मैं कैसे ढूंढूंगा देखो मैं ऐसा करूंगा कि देखो सर एट आवर्स काम हो रहा है वैसे करेगा सुनो सर एट आवर्स काम हो रहा है डन इ कितना दिन फाइव डेज तो ये एक वीक का आंसर आ गया मैं इंटू फोर वीक्स करेगा इं देखो रोज आठ घंटा काम होता है पांच दिन के लिए तो एट इंटू फोर ये एक वीक का आंसर आ गया एट इंटू Five, sorry, five days, eight hours. ये एक ये वीक 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 का का ऐसे है, 15, 50, 50 workers है है, लिखा तो मैक्सिमम कितना काम हो सकता है एट इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फिफ्टी मैक्सिमम आठ हजार घंटे का काम हो सकता है लेकिन सर मैंने मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉय रखे पचास रखे है क्या हाँ ये तो पूरा बात है बट या नाउ अंडरस्टैंड दिस आई विल से दैट डेज वीक्स बट क्या आई एम्प्लॉय हाउ मेनी एम्प्लॉयज आई हैव एम्प्लॉयड मैंने पचास को नहीं चालीस लोग का रखा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कितने आर्स का काम होगा बताओ बजट हेलो मैं कितने आर्स का काम करने का सोच रहा हूं सुनो एट इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फोर्टी सो नाउ यहां पे अगर आप समझोगे तो मैं 6400 घंटा अचीव करने का सोच रहा हूं बजट बना रहा हूं क्योंकि मैंने 40 लोग को एम्प्लॉय किया है अब ये 40 लोग एम्प्लॉय जब काम करेंगे कितना काम करेंगे वो देखा जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क करके तो एक्चुअल आवर्स वर्कड अगर मैं पढ़ा दू ना आपको तो देखो इधर लिखा गया पहले मैंने ये पढ़ लिया यहाँ पे थोड़ा गलती हो सकता है ध्यान से एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअली में काम कितना किया है छह हजार घंटे का

एक क्वेश्चन अगर एक घंटे में होता है तो फोर आवर्स में फोर क्वेश्चन चाहिए था आपने कर आपने कर लिए थे घंटा कितना आउटपुट अचीव कियाउजेंड आवर्स का ये टाइम पास है ये एक्चुअल आगे बढ़ क्या लिखा गया है एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मतलब बजट मैं इतने आवर्स सोच रहा हूं होंगे करके

दूसरा सुनो 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 अब है ना मैं आंसर निकाल सकता हूं सुनो रेशियो के इधर से इधर कनेक्ट करूंगा इधर से इधर कनेक्ट करूंगा तो इधर कौन सा रेशियो आएगा एक्टिविटी इधर कौन सा रेशियो आएगा इफिशियंसी आई होप यू विल गेट दैट आंसर वेन आई से एक्टिविटी रेशियो एक्टिविटी रेशियो मतलब सेवन थाउजेंड अपॉन सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड ऐसे जाने का काउजेंड फोर इट इज लाइक जो भी मैंने टारगेट सोचा था क्या मैंने अचीव किया हाँ I was expecting इतना टारगेट मैंने उससे ज्यादा ही अचीव किया है अब जो काम करना था ये आउटपुट से मैं ये दोनों का आउटपुट वो अचीव करने के लिए सात हजार घंटा लगना चाहिए था तुमने छह हजार घंटे में कर लिया जल्दी कर दिया तो ठीक है लॉजिक समझा दिया अभी अभी सेवन थाउजेंड आपने जल्दी काम किया यू आर इफिशियंट दैट इज वन सिक्स सेवन परसेंट देन यहाँ पे आप क्या निकाल दोगे अपना कैपेसिटी मैक्सिमम कपैसिटी आठ हजार का था यू आर ट्राइंग टू अचीव विथन आवर्स एंड आपने एक्चुअली में सिक्स थाउजेंड आवर्स ही काम किया है इधर भी पहला ये रेशियो फिर ये रेशियो फिर ये टोटल रेशियो पहले रेशियो को बोलते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो यूसेज रेशियो ये होता है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो आपने एक्चुअल कैपेसिटी में से कितना यूसेज किया और इसको बोला जाता है एक्चुअल आपने यूज़ किया आउट ऑफ बजट रेशियो करके ठीक है सो यू गेट दिस तो पहले आप सिक्स थाउजेंड 6400 छः हज़ार चार सौ हंड्रेड करोगे ऐसे जाओगे अपन छह सौ छह सौ अराउंड एटी परसेंट आपने अचीव किया आप प्लान कर रहे थे करने का आपने तो अचीव कितना किया है तो अगेन आप ऐसे जा रहे हो तो सिक्स थाउजेंड अपॉन 8,000 so, तो 6,000 अपॉन 8,200 तो so, आपने 75% अचीव किया है आप 80% अचीव करने का सोच रहे थे इतने आवर्स बट आपने 75% अचीव किया है और तो आपने जो टारगेट खुद को दिया था उसमें से आपने इतना अचीव किया है 93.75 लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैलेंडर वाला व्हिच uh, इज कौन सा रेशियो कैलेंडर रेशियो कितना दिन काम करने का सोच था 4 वीक्स में तो देखो फाइव डेज काम होता है तो चार वीक में कितना काम सोचा था फोर इंटू फाइव ट्वेंटी डेज आपने ट्वेंटी डेज का काम सोचा था बजट और आपने काम कितना किया है एक्चुअली में एक दिन छुट्टी ले ली आपने देखो एक दिन छुट्टी ले लिए स्पेशल हॉलीडे एक दिन छुट्टी ले ली मतलब एक दिन काम नहीं किया मतलब नाइनटीन डेज काम किया तो नाइनटीन अपॉइंट ट्वेंटी टू हंड्रेड ये कैलेंडर आ जाएगा ये आपका कैलेंडर आ जाएगा अपनेटीन टू हंड्रेड नाइंटी फाइव परसेंट परफेक्ट क्या बोलते हो समझा अराउंड चार घंटे होने ही आए हैं बट आई दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल थ्री क्वेश्चन प्लीज रिकमेंडेड है ah, yeah, please, आप एक बार खुद से कर लीजिएगा दैट इज वॉट बेस्ट आई कैन डू इन फोर आवर्स इससे ज्यादा स्पीड में भी नहीं कर सकता बट या दैट इज समथिंग विच आई कैन डू इन दिस फोर आवर्स एंड दैट इज समथिंग विच इज वर्थ वैसे भी आप ये चार घंटा शायद टाइम पास में ऐसे निकल जाता अगर आप एंड तक बैठे हो तो फुल वसूल है मतलब छ से लेके अभी दस बजे तक फुल एकदम अच्छे से एकदम लाइव बैठ के एकदम खत्म कर दिया वैसा जस्ट डू रिवाइज और खत्म हो जाएगा आपका या प्लीज रिफर थ्री क्वेश्चन इन द रेगुलर वाला पार्ट अगर आप हो सके तो और वो पूरा अभी होना थोड़ा मुश्किल ऑब्वियसली जहां पे अभी मैंने लेबर उधर कितने में किया था मेरे को आइडिया नहीं है विल हैव टू चेक कि उधर कितने में खत्म किया था ऐसा है रुको जरा देख लेते हैं लीबर, लीबर। रुको जरा यूट्यूब 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 तो अपने रेगुलर वाला भी प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने बजटरी कंट्रोल अच्छा इसमें देख लेना एंड में बहुत फास्ट में ही कवर कराया हुआ है हेलो आप देख लोगे ना इसमें अच्छे से मिल जाएगा बहुत स्पीड में ही कवर कराया हुआ है फाइव आवर्स में पूरा बजेटरी कंट्रोल है तो प्लीज इसके अंदर आपका जल्दी में हो जाएगा मतलब वो इंग्लिश थोड़ा ऑडियो का इशू रहेगा बट दैट वुड बी डन रिमेनिंग आप कर लोगे या थैंक यू सो मच प्लीज पाँच घंटे में उधर कराया हुआ है लेबर कॉस्टिंग तो उसमें लिखने वाला टाइम सारा बचा दिया हुआ है तो आपको तो पुण्य लिख के किया है प्लीज थैंक यू सो मच बाय बाय बाई यू कैन ऑलवेज कमेंट थैंक यू योर जस्ट हैश टैग चलो अपन चला लेते हैं ऐसा हैशटैग सी ए आर मर करके चलो तो मे बी वंस द लेक्चर इज एंडेड यू कैन ऑलवेज टाइप इन द कमेंट सेक्शन एज टू हैश टैग सी ए आर मर वैट्स बस इतना भी टाइप कर लिया दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट आगे आपकी इच्छा रहेगी मिलेंगे कल लेक्चर है अपना कितने बजे सर कल एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कल का लेक्चर अपना है यहां पे ओके सो फाइन फेयर सो हेटेक सीआर मर यू कैन टाइप एंड कल अपना लेक्चर है सर्विस कॉस्टिंग लिया चलो ठीक है सुबह दस बजे मिलेंगे सर्विस कॉस्टिंग के साथ आज के लिए इतना काफी रखते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय गाइज एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू से नहीं हेचटेक सी आर मर यान ऑलवेज है लेक्चर इज एंडेड ओके कैन वी लीव नॉट ही मजा आ गया सर बजट रेशियोज का क्या करें सर अरे निकाला तो सही धीरेन्द्र यही तो पूछा है निकालने के लिए पता चलता है अपनी इफिशियंसी कितनी परसेंट पे या टेन अर्ली इन द मॉर्निंग या यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो द दी आर या इट इज गोइंग टू हेल्प टू ग्रो द चैनल एंड आई विल हेल्पिंग यू टू ग्रो या लव यू या शुभम थैंक यू देवेश कल एग्जाम है तो सर आई विल सी द ओके चलेगा देवेश चलिएगा लेक्चर को खत्म करते बिना किसी देरी के या चलो बाय बाय गाइस बाय बाय सालिमा शुभम या दिवेश राजकुमार भार्गव या पलक ओके परफेक्ट सो लेक्चर को खत्म किया जाता है या कुछ पूछना है तो बोल दो, दो मिनट और आई विल एंड द सेशन नहीं नहीं सर बाय ही बोलना है इतना काफी है या